सो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लाइव। बस एक बार चेक कर आर लेता वी हूँ, मेरे लाइव? लैपटॉप लैपटॉप से चेक कर लेता, रुक जाओ। पीसी से मैं लाइव हो चुका हूँ। द पॉप कॉप शो भाई साहब, सर्च रिजल्ट में तो आता है हम लोग का चैनल। वाह, यस वी आर लाइव नंबर टू भाई। ओके ओके ओके। हेलो गाइस, सुप्रभात। लेट ओपी, यस वी आर लेट एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम लोग बना रहे थे, हम दोनों के बीच में एक दीवार, जो दीवार दिख रहा होगा तुम दोनों को, तुम सबको बेसिकली, उस दीवार के लाइक बीच आप में लोगों को लोगो पता नहीं बना था। होगा, इस वॉल के तरफ में मैं हूँ, इसके पीछे में है अशरफ। क्योंकि ठीक कलर भी है, सेम है, देख लो एग्जैक्ट कलर सेम है। आज दो ही बंदे हैं। हाँ भाई, क्यों, दो बंदे काफी होते यार। अकेला बंदा होता तब बोलते तो समझ जाता, दो बंदे काफी नहीं है क्या तहलका मचाने के लिए? हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि हमारी आवाज आपको सही से जा रही है कि नहीं। आप इस चीज का पहले कंफर्मेशन करें, एंड इसी बात पे अशरफ कुछ दो चार वर्ड बोल दो ताकि तुम्हारा भी कंफर्मेशन हो जाए। वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। बोलने के लिए देखना नहीं होता है, बोलने के साउंड? लिए इसको। अरे नहीं, साउंड मैं देख रहा हूँ कि साउंड, मेरा आवाज़ तो जाएगा ही जाएगा भाई, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरा आवाज़ जाएगा ही जाएगा। तुम्हारा आ कि नहीं आ रहा वो देख रहा था मैं, एंड विंडो कैप्चर में तुम्हारा ले चुका हूँ, एप्लीकेशन कैप्चर में तुम्हारा ले चुका हूँ, तो यस साउंड इज ओके। साउंड ओके, ऑडियो क्लियर, करण वॉइस। बिट्टू की बात क्यों नहीं कर थैंक रहे लोग? यू क्या बिट्टू की आवाज़ आ रही है? बिट्टू भाई आवाज़ तो सबकी आ रही बिट्टू, है, यस चलो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, तो गाइस आप सभी का स्वागत है 48th एपिसोड ऑफ पॉप कॉप शो में, जहां पर हम बात करते हैं पॉप कल्चर से रिलेटेड बातों के ऊपर, डिस्कशन करते हैं। और आज हमारा डिस्कशन सिर्फ मेरे और अशरफ नहीं बल्कि आप तक भी जाएगा। हम लोगों ने सोचा है आप लोगों को भी ज्वाइन किया जाए, और इस बार हम लोग चैट्स भी ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे, और भी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लाइक अगर मेरी आंखें नीचे हो तो आप समझ जाना मैं चैट्स देख रहा हूँ या फिर कुछ और मॉनिटर कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा मैं आपसे नजरें चुरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, और दो तीन लोगों, भाई तू आ जा, तू आ जा, डिस्कॉर्ड तू ही को ले लेते, तो सब बात कर रहे हो यार, आ जाओ। तो वो मजाक नहीं कर रहे, क्या नाम है, ड्रेग भाई, चलो जाओ और दो तीन लोगों को लाओ। मैं बोला जाओ तुम पांच लोगों को, क्या सब बैठा दूंगा आज। ठीक है, दिस इज आवर मेन प्लान टुडे। ओके सोहेल ऑल्सो, अरे नहीं भैया, सोहेल भैया नहीं लेफ्ट किए हैं, प्रशांत भैया का भी बता दो। अरे भाई उस दिन तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो था भाई, आई वुड सजेस्ट आप उसको जाकर देख ले, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक छत्तीस बरादरी को है, बुलाओ भाई, इसको बुलाओ छत्तीस बरादरी। अरे वो यूट्यूब पर नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले बैन क्या किया था क्या? भाईचारा नहीं, ओपी, अरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की लड़ाई चल रही थी भाई, ये वर्सेस ये, याद होगा तो। मैं इंस्टाग्राम में जाता हूँ, स्क्रॉल मारता हूँ, फिर बैक करके सो जाता हूँ, या फिर अपने दोस्तों को कुछ रिलेटेबल मीम्स भेजता हूँ। हेलो मेंबर्स को हम भाई लोग लोग, ऐड हेलो कर रहे हैं, हेलो, बिल्कुल तुम लोग इसमें आओ, हम लोग तुमको ऐड करते हैं दोस्त। आज का प्लान ही वही है, बट पहले हम एंड लोग अपने सारे बातों को कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, यस शुरू में यस ही यस ये नहीं करना है। ठीक है, वी आर एक्साइटेड टू टॉक विथ यू गाइस, इंटरेक्ट विथ यू गाइस, बट बिट्टू भाई एक बार एक्सप्लोर सेक्शन देखो। एक्सप्लोर सेक्शन में क्या होता है भाई? अरे इंस्टाग्राम में जो सर्च वाला सेक्शन होता है ना, उस पर क्लिक हाँ करोगे तो जो तुमको उस क्लिक करते ही जो तुमको दिखता है ना, अलग अलग वो खूबसूरत खूबसूरत फोटोज, ठीक है, सब नहीं, का मेरा में एक्सप्लोर खूबसूरत नहीं, उनके मेरा सर्च में एंड ऐड इंटरेस्ट आता पर हिसाब से होता है। तुम दिखा दो एक बार ऐसे इंस्टाग्राम पे, जाओ सर्च पे क्लिक करो, ऐसे स्क्रीन पे दिखा दो सेट। है बस। अब इसी रिग्रेट में जियो कि काश तेरा नेट अच्छा होता तो तू यहाँ होता, इसी में जियो भाई। अब दोनों अरे भाई ये चैनल पे कब्जा कर लिया भाई, कब्जा क्या होता है भाई, मैं झारखंड से हूँ, हम कब्जा नहीं करते हैं। ठीक है, हम बस बोलते हैं। बटन आ रहे नहीं सर, पहले हम ही दोनों कब्जा हटे थे, कब्जा से रवि दोनों भी कब्जा करके बैठे हैं। भाई तो सबसे पहले हम लोग एक बार और देख लेते हैं कुछ इंटरैक्टिव। अच्छे कैसे हो भाई लोग, हम तो मस्त हैं, आप बताओ आप कैसे हो? और भाई नदियां सब नहीं भाई, इधर नदी नहीं है, एक नदी है वो भी बहुत गंदा है, एक सेपरेट पहले एनिमल्स टॉपिक पे है। आते हैं बिट्टू ओ भाई, उसका इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम हाँ लोग, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल,
ओके मैं ज्यादा कैमरा से दूर तो नहीं मैंने लग मैंने रहा हूँ फोन का गाइस। ब्रेक करूंगा ऐसे, कैमरा में देखूंगा। यो पैर मैं ठीक लग रहा हूँ क्या? मैं भी ऐसे घुमा लूँ क्या? ऐसे डायगोनल फील आने से कुछ अच्छा लगता है क्या? ऐसे हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, हल्का सा कैमरा हल्का सा और इधर कर लो, तुम साइड हो गए हो। छोड़ भाई, जो है अभी आज सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते गाइस, आज जो है सीधे काम चलाते हैं। ओके एक बार ये तो बताओ कि बाकी सब कहाँ गए हैं। ठीक है भाई, बात ठीक है भाई, सबके लिए बता देते हैं। ठीक है अभी सबसे पहले दिव्यांशु भाई से शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारे आदरणीय भैया जी हैं, तो वो अभी वेकेशन में है, ही टेकिंग वेकेशन राइट नाउ। ठीक है, प्रशांत भाई ने चैनल छोड़ दिया है। ठीक है अब आते हैं सुहेल भाई का, भी काम के क्या काम क्या चलाना मतलब पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भाई? इसीलिए 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 हम लोगों ने एकदम सुहेल भाई के चेहरे जैसा एकदम सफेद दीवार लगाया पीछे, ताकि आप उनको मिस ना करें। ठीक है इसीलिए FBI ओपन द डोर। हाँ भाई उसके गेट पे ऐसा ही अरे ये होता देखो ना, पॉडकास्ट है। में न्यू वाइल्ड एंट्री नेक्स्ट वीक होगा। अरे भाई लिजान आई गर्ल क्या था ये, वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है जस्ट टू आस्क ब्रदर अशरफ, यहाँ पे दिखा रहा है एरर नॉट रिसीविंग मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग वाला चीज, ये हमारे तरफ से कि आपकी तरफ से इश्यू? नहीं, आप बस ओके कर दीजिए, नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके मालिक, तो गाइस आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन इंटरेक्शन ही हो गया, अब आते एक एक करके टॉपिक्स पे। ठीक है कब तक आप लोगों को, क्यों क्यों मतलब कब तक ये किया जाए? आई गेस आप लोगों को अपडेट मिल गया है कि क्यों आज हम लोग दो लोग हैं और क्यों हमारे स्क्रीन में ऊपर नीचे ब्लैक है बट पीछे व्हाइट है। ओके सो लेट्स कम टू द टॉपिक एंड शुरुआत हम करेंगे द गोट लाइफ से। एंड व्हाई? बिकॉज हम लोगों को पहले लगा था GOAT, गोट मतलब बकरी होगा। ठीक है नहीं, पहले लगा था कि वो गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला है, अच्छा वो वाला ओके लाइफ। लगेगा ठीक है एंड टेक्निकली देखा जाए तो व्हेन यू वॉच द मूवी ना, तो आपको वो चीज लगेगा भी कि ये भी। जो मूवी है आपका ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला चीज को ये कहता है, लाइक द गोट लाइफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लाइफ, ये चीज फिट भी बैठता है। और जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, एग्जीक्यूशन हुआ है, बहुत ये लगा भाई लाइक 16 साल लगी इस मूवी को बनाने ऐसे में, 16 साल। कैन यू इमेजिन द स्ट्रगल इज रियल ब्रो। डेडिकेशन किस एक लेवल का देखो था भाई, एक्टर का जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग शुरू से एंड तक के बीच में जो देखे हैं, किस लेवल का था। मतलब हैट्स ऑफ यार बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार सुकुमार को। अब वो डिजर्व करते क्योंकि उनका मैंने कुछ कुछ इंटरव्यूज देखा था जिसमें वो अभी से नहीं बहुत पहले से, ये मैंने सलार के टाइम पे देखा था जहां पे उन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्री है मलयालम इंडस्ट्री शायद तक यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट ये मी। सर तो मलयालम इंडस्ट्री है ही उन्होंने बनाया है मूवी। हाँ तो उन्होंने इस मतलब उनका एक लेवल सेट करना, लाइक एक इंडियन कल्चर एक इंडियन एरिया तो देता ही है मूवीज हमेशा ही, लेकिन हर एक जगह से एक यूनिक मूवी टाइप का निकलता है जो एक अलग क्या बोलते हैं बाउंड्री, या फिर एक नॉट बाउंड्री, एक अलग माइलस्टोन सेट कर देता है उस तरीके का। वो एक मूवी था लाइक इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, मैं बोलूंगा ऐसे बहुत कम मूवी देखने को मिली है हम लोगों को, जो बिल्कुल थोड़ा एक रियलिस्टिक हिट भी है एंड एक बहुत ही अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन भी करती है कि ये मूवी लाइफ को लेके कैसा ये है। ठीक बिट्टू है भाई। तो अशरफ पहले तुम बता लो अपना, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इस मूवी का जो स्टोरी है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी सा स्टोरी है कि नहीं। ये स्टोरी क्या है कि एक बंदा है नजीम नाम का, जो कि जिसकी एक माँ है, इसकी वाइफ है, एंड वो बंदा मतलब अपने गांव में जो है जो अपना काम करके अपना गुजारा कर रहा होता है। पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, वो बाप बनने वाला था। उसकी वाइफ बोलती है कि आप बाहर जाके कमाइए थोड़ा सा, जब तक बच्चा के लिए हम लोग कुछ है कि नहीं, अच्छा सा फ्यूचर ये कर सके, ताकि उसको अच्छा घर दे सकें, अच्छा पढ़ाई दे सके। तो ये जो है क्या कहते हैं, अपने दोस्त के जीजा के पास जाता है कि हमको भी बाहर भेजिए करके, वही क्या कहते हैं गल्फ कंट्री। एंड उसने 30,000 रुपये क्या कहते हैं अपना घर गिरवी करके देता है उसको पैसा, ताकि बाकायदा वीज़ा मिल सके करके, एंड किराया वराया करके। वो बंदा जाता है, लेकिन सुना आता है कि भाई वहाँ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा रिप्लेस हो जाता है कहीं ना कहीं, जिस कंपनी में जाना होता है उसको उसको कोई और ठक ले आता है। एंड वहाँ पे जो उसके साथ टॉर्चर एंड जो मतलब बर्ताव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब देखो स्टोरी इतना ही है कि ये बंदा बाहर गया कमाने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया धोखा में, धोखाधड़ी के साथ। ठीक है, स्टोरी यही है, बट हम लोग को स्टोरी नहीं दिखाया, हम लोग को दिखाया पूरा स्ट्रगल।
है कि नहीं, घर से आने से लेकर क्या कहते हैं गल्फ कंट्री में एंट्री करने तक का सब कुछ सीन नहीं दिखाया है, सीधा दिखाया ही कि गल्फ कंट्री में ये मतलब एयरप्लेन से लैंड करा है एंड यहाँ से स्टोरी चल रही है, बाकी सब सीन फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है, जैसे ऐसे मतलब इसको कहता ना कि पैरेलल सीन, कि सोया हुआ है तो ये अपने गाँव में साथ तो कैसा सीन हुआ करता था, यहाँ देखो कि इसको नहाने के लिए तरस रहा है वहाँ गाँव में नदी में जब ज़्यादा नहाता था, ठीक है, तो वो जो सीन बाय सीन दिखाता है ना कट टू कट फ्लैशबैक सीन एंड जो वो और ज़्यादा हिट करता है बेसिकली ऑडियंस को, हमको आपको एंड पूरा प्रोडक्शन टीम भाई साहब मतलब कि टॉप नॉच, इन लोगों ने सीजीआई पे बिल्कुल रिलायबल है कि रिलाय नहीं करा, चाहते तो कर सकते थे भाई, कि वो कहता ना बच्चों भाई क्या कहते हैं क्या बताओ? अरे अरे फेस का सीजीआई था ना कि भाई तुम मतलब अपने आप को बूढ़ा दिखा दो, ये दिखा दो वो दिखा दो एंड ऑफ, अच्छा, डी एजिंग वो वाला चीज बोल रहे हाँ हो? यस 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 यस, तो वो चीज़ तुमको दिखेगा बिट्टू भाई साफ साफ कि नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने 12th फेल भी करी थी बिट्टू भाई याद होगा तारीफ, कि उन जो एक्टर है उसका रियल में उन लोगों ने सन बर्न करा था काइंड ऑफ स्किन बर्न, वही चीज़ यहाँ भी दिखती है आपको, ठीक है, पर अरे नहीं किया था, वो बोला था वो हो गया था। स्किन बर्न हो गया था वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भी वो चीज़ दिखी आपको, ऑफकोर्स भाई ऐसी मूवी इस लेवल की थी तभी तो 16 साल लगे बनाने में ना, 2 घंटा 44, नहीं, मुझे ये बात नहीं पता थी, पौने मेरे को तीन बस घंटे ये की पता मूवी थी है कि बुक बुक की एडाप्टेशन है और काफी अच्छी है। लाइक ये एक ना, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ पाई टाइप की मूवी है। बस यही है कि इंडिया से है, वो भी एक सेपरेट एक अलग ये से आई हुई है ना, तो लोग शायद इसको उतना रिकॉग्नाइज या उतना वैल्यू ना करें, बट टू बी ऑनेस्ट ये मूवी बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, बहुत अब ही भाई, अच्छे तरीके से ऐसा नहीं कि दिखाती नहीं है। करी रिकॉग्नाइज कर रही है, थिएटर हाउसफुल चल रहे है भाई, इवन कि सब सब में भी मतलब जहाँ पे डब है वहाँ पे तो है ही, जहाँ पे सब है ओनली वहाँ पे भी हाउसफुल चल रही है, तो ऑडियंस इस बार जो है मतलब अच्छी मूवी को सपोर्ट कर रही है, मैं ये इस बात से खुश हूँ समझे, इस बार लोग होप्स कि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। लाइक ये बिल्कुल अगर ब्रेक थ्रू कर लेता है ना, तो हम लोग के जो क्रिएटर्स होंगे, फिल्मेकर्स होंगे, वो इस तरह के मूवीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है? एग्री नहीं तो एग्री, वो लोग वही हॉलीवुड का जो ट्रूप है सबको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो क्या कहते हैं इनका नाम क्या है, अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायरेक्टर का नाम क्या है, अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप, उन्होंने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि अब मैं क्या कहते हैं ऐसी मूवीज नहीं बनाऊंगा जिसमें मुझे क्या कहते हैं नाम मिले, मैं वैसी मूवी बनाऊंगा जिसमें मुझे पैसा मिले, सबका अपना अपना स्ट्रगल है भाई, हम लोग को लगता है भाई कि बॉलीवुड ऐसा क्यों नहीं बना रहा, वो क्या कहते हैं इंडियन नहीं मूवी ऐसा भाई, क्यों नहीं बन रही, सबके अपने अपने मजबूरियां हैं बनवाने को, है कि नहीं, बहुत सारी बन सकती है, बट थिंग इज कि लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं फुलफिल नहीं हो पाती हैं काइंड ऑफ, इट्स 16 साल डेडिकेट करना एक मूवी को बिट्टू भाई इतना आसान नहीं है, ये बात पे आप भी करोगे नॉट अबाउट, 16 साल डेडिकेट करना, मतलब एक एक मूवी, एक प्रोजेक्ट के प्रति इतना डेडिकेशन कि उसमें आप पूरे तरीके से डूब जाओ और उसमें आप अपने इतने अमाउंट ऑफ टाइम और कमिटमेंट दे दो। लाइक इसमें कितने बार ऐसा हो सकता होगा कि उनके माइंड में ऐसा आया होगा, बट जितने इंटरव्यू मैंने देखे या फिर कहें कि जितने कट कट करके दिखाए गए, उसमें वो चीज उनके माइंड में हम लोग को दिख रहा था कि आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में मैं इस इंडस्ट्री को इस लेवल पे ले जाऊंगा कि लोग याद करेंगे। सबको लगता है कि हम लोग सिर्फ एक मसाला मूवी बना सकते, तो ऐसा नहीं, हम लोग एक ऐसा आउटस्टैंडिंग मूवी बनाएंगे जो कि सब याद रखेगा। एंड आई थिंक उन्होंने एक ऐसी मूवी तो अभी की है, ऐसे उन्होंने और भी उस इंडस्ट्री से और भी मिले हैं मूवीज, बट ये वाले उनके तरफ से मुझे तो एकदम याद रहेगा। लाइक सलार भी याद रहेगा, बट यू नो दिस वन वॉज समथिंग वेरी नाइस। ऐसे उनका और भी मूवीज है जो, मतलब ऐसे बोलोगे तो अच्छा अच्छा है, वो याद नहीं, नाम से याद नहीं आ रहा, बस पूरा कहानी बताने बोले पूरा कहानी बता दूंगा मैं, पृथ्वीराज ऐसा सिंह, सीन है। हाँ मैंने उनकी ज़्यादा मूवीज देखा नहीं यार मतलब अनफॉर्चुनेटली, एक तो अभी रिसेंट में सलार देखा हूँ उसके बाद ये देखा हूँ एंड इससे पहले एक दो मूवी देखा हूँ पर उतना याद नहीं आ रहा करके, लेकिन हाँ वो सब भी थोड़ा सा होता ना स्लाइस ऑफ लाइफ वाली ही मूवीज थी, बट ओवरऑल इस मूवी का एक्टिंग एंड क्या कहते हैं प्रोडक्शन देख के जैसे अभी हर जगह चल रहा है कि ये मूवी असल में ऑस्कर डिजर्विंग है इंडिया की तरफ से, क्या बोलोगे बिट्टू इस पर, और ऑडियंस आप भी बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि इस मूवी को अगर देखा है तुम लोगों ने बताओ, नहीं देखा है तो एक्सपीरियंस तो तुमको पता ही हाँ होगा, हाँ हाँ ये डोंट डिस्टर्ब मी लुसिफर लिखा है, मेरे को लग रहा है ये लुसिफर मूवी ही है जिसका कहानी मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है जिसका। लेट मी जस्ट चेक, लुसिफर, पृथ्वीराज, एक मिनट इसी लूसीफर तो मूवी में। इसका था ना क्या कहते हैं
मोहनलाल का था ना लुसिफर। लूसीफर उसका था हाँ लुसिफर मोहनलाल जी ना का है ना भाई। ना 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 हाँ 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 नहीं 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 इसमें उसका कैमियो था। नो 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 ब्रदर नो, इसमें वो नहीं था, वो एक दूसरा मूवी था वही तो, क्योंकि हमको याद है जिसमें। लुसिफर मोहनलाल जी का है, एंड हाँ क्योंकि हाँ मेरा एक हीटर जो है, मतलब एक हीटर जो रहा है, वो उस मूवी का बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा। हाँ नहीं अच्छा मूवी तो अच्छा था, लूसीफर अच्छा था। हम जिस मूवी का बात कर रहे उसमें एक रहता है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या लोग रहते हैं, वो लोग कहीं से पैसा चोरी करते हैं, वो किसी ये कराता है, आई थिंक क्रिस्टोफर नाम रहता है उस जो पृथ्वीराज सुकुमारन रहता है, जो कि उसमें एक पुलिस ऑफिसर का एक्ट करता है शुरू से लेके एकदम एंड तक, और एंड में सबको उसी के पास पैसा छोड़ के जाते हैं। और फिर जब ये लोग जा रहा होता है ना, तभी लोग को रियलाइज होता है कि 1 मिनट हम लोगों ने पैसा किसको दिया। तो बोलता है कि एक क्रिस्टोफर को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। हाँ तो बोलते ऐसा तो उसने कहा, हमारे पास क्या प्रूफ है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर धीरे धीरे रिवील होता है कि जिसका पैसा उन्हें चोरी करके भागा था वही इंसान का पैसा है, लोग उसी को वापस दे कर आया है। अरे भाई साहब, हाँ अरे दोस्त। मलयालम मूवी सब में ट्विस्ट बहुत तगड़ा होता है। मूवी का ठीक नाम क्या है है? मूवी का नाम क्या एकदम ये। है? हाँ मूवी का नाम मेरे को याद नहीं है। अरे कमेंट करो कोई यार, हमको ना बुक कर दिए बेटो, हमको देखना भी है मूवी। हमको बुक कर अच्छा दिए मूवी। अरे रे रे भाई ये बंदा ये सही, मतलब ये लूसीफर जो का लूसीफर वो डायरेक्ट किए थे, और हाँ तब भी भाई डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर बहुत तगड़ा बना है यार। भाई देखो, हम देख रहे वो थे। बंदा बॉलीवुड का, मैं बोलूँगा फन अख्तर है, ठीक है। एक्टिंग में सबका बाप, एक्टिंग में सबका बाप, म्यूजिक में भी अच्छा है। बाल हालांकि म्यूजिक के बारे में नहीं पता कि पृथ्वीराज क्या करते हैं, म्यूजिक अच्छा करता है कि नहीं करता है, बट हाँ एक्टिंग और अरे डायरेक्टिंग का तो मुझे पता है। एक जो मूवी नहीं आया था अभी जिसमें ड्राइविंग ये को लेके था, जिसमें अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का क्लैश दिखा रहा सेल्फी था। सेल्फी, हाँ सेल्फी, वो भी तो इन्हीं का मूवी का रीमेक था ना। अच्छा भाई देखो, जो तुम बता हाँ रहे हो मूवी का नाम है क्रिस्टोफर है, देखो कमेंट आया है। क्रिस्टोफर ही नाम है क्या? अरे हाँ तो कमेंट वही आ रहा है। इतना बिट्टो, रुको इत बताओ तो, यू हैड वन जॉब ओनली, तो मूवी का नाम ही। देख लेता हूँ। अरे नहीं यार हमको जहां तक क्या, ये क्रिस्टोफर नहीं नाम था, कुछ और नाम था, अरे साउथ में कुछ और नाम रहा होगा, क्या पता रहता है ना। सेवेंथ डे आई थिंक नाम है जो लिख रहा है ना, उस बंदा को लिखा है सेवेंथ ओके डे। अरे सेवेंथ डे क्योंकि क्रिसमस टाइम या पता नहीं किस टाइम। हाँ सेवेंथ डे नाम देखा बोले ना, क्रिस्टोफर नाम नहीं है, मेरे को इतना पता था। ड्राइविंग लाइसेंस है मूवी का नाम, बोल रहा है। अरे यार कितना नाम एक ही मूवी का यार, क्रिस्टोफर है, सेवंथ डे है। बाय द वे पृथ्वीराज इज ऑल्सो ग्रेट सिंगर, फिर तो भाई हो गया भाई साहब पूरा पूरा, एक खुद में एक पैकेज। हाँ देखा देखा देखा, वो लोग क्रिस्टोफर का पैसा लेता है और ये पुलिस वन डेविड बल के पुलिस वन किलो से लेता है, ऐसा था असल में। ठीक है भाई ऐसे लोगों की मूवी देखनी चाहिएगा आप लोगों को, ऐसे लोगों को। अब अगर आप इन सब मूवीज को ही ज्यादा ये सपोर्ट करोगे तो आगे जाके हमें ऐसी मूवीज देखने को मिलेगी, एंड देन आप इन सब चीजों से आगे बढ़ोगे। ऑफ कोर्स अगर आपको मसाला देखना है तो मसाला देखो, मसाला आएंगे और फिर उसमें हमें बल्ले बल्ले करना पड़ेगा। ठीक है अब आते हैं। अरे 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 अलकाड़ भाई भी मस्त ये किए, जना गना मना बेस्ट मूवी। हाँ सही वाला सही वाला सही वाला, यार मतलब कि उसमें भी अभी तगड़ा देखो बिट्टू था। भाई, मलयालम मूवी कितनी बेस्ट थी, वो तो हम लोग हाँ को इसलिए ये दिख बंदा गई सही ना याद दिलाया यार, भाई देख भाई। याद करूँ। हाँ अभी देख लो ना क्या कहते हैं, जो दो तीन मूवी अभी आई है बेस्ट बेस्ट इंडिया की तरफ से, वो सब मलयालम की ही है भाई। चाहे तुम ब्रह्म युगम के देख लो, है ना, तो गोट लाइफ देख लो, एक और मूवी आई थी पता नहीं, चार मूवीज अभी आई हैं बेस्ट बेस्ट, मतलब ओपी ओपी मूवी है, चारों का चारों मलयालम मूवी इंडस्ट्री से। दो का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो लिटरली वो लोग याद नहीं आ रहा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, देखो जिन लोगों के पास पता है कि हम नहीं भी कुछ भी हो इतना बजट पे हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग अपना इंडस्ट्री से रिकवर कर लेंगे, बाकी डबिंग करके बाहर से कमा ही लेंगे। अब थोड़ा इतना नाम तो हो ही गया, इतना तो विश्वास बन गया लोगों का हम पे कि वो लोग देखेंगे, और वो लोग देख भी रहे हैं लोग, है ना, वो वाली बात है। नहीं नहीं ये अच्छा मलयालम याद इंडस्ट्री है, खासा जन गण ज़्यादा मन इन्वॉल्व मूवी है। देखे हो, जन मैंने गण मन नहीं देखी मूवी बट देखे मैं क्या हो बोला, मैं साउथ उतना नहीं तो कनेक्ट करता हूँ। तुम देखो देखो उसमें एक बहुत सही चीज दिखाया है। ठीक है अगर बिट्टू भाई मैं अपना लाइक बताऊँ ना, कि मतलब बिना किसी न्यू रिलीज के मैंने अगर कोई मूवी देखी है लास्ट साउथ की, तो वो मैंने देखी है क्या कहते हैं गराज। हाँ गराज नाम था ना मूवी का, मोहनलाल एंड इसका जूनियर एनटीआर का, जनता होटल जनता गराज था। जनता गराज। यस जनता गराज,
मैंने वो मूवी देखी है जो कि मतलब विदाउट रिलीज था, मतलब लैपटॉप में था नहीं। ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी पृथ्वीराज है क्या उसमें उसमें भी? विलन वही है ना जो मास्क में, अरे वो तो मास्क पहना हुआ था। हाँ तो वही है पृथ्वीराज ही है उसमें, पता नहीं था क्या तुमको? ओ भाई नहीं, हम मास्क ही देखे थे। हाँ तो ऑब्वियसली बात, शक्ल दिखाया भी कहाँ गया उनका। अब बता, सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने यही हाँ करा, सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने यही करा कि पृथ्वीराज सुकुमारन का तुम नाम से सही नाम भी नहीं प्रमोट कर रहे हो और ना ही शक्ल दिखा रहे हो तुम, जबकि तुमको शक्ल ही दिखाना चाहिए था अरे उनका। जस्ट लाइक भाई टॉम क्रूज कैसे बोला था ये बाकी, शक्ल मेरा बिकना है, बिकता है, तुम वो दिखाओ, जिम्मेदारी तुम आयरन मूवी नहीं करूंगा। ये लोग को सही में, ये लोग मार्केटिंग टीम में फोन होता है ना, पता नहीं। मैं बता रहा हूँ, हमें हायर करो, हम इतनी अच्छी मार्केटिंग करके देंगे, इतनी अच्छी मार्केटिंग देंगे कि मार्केटिंग का पैसा तो एक बार में वसूल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, वसूल हो जाएगा। ओके गाइस, तो लेकिन हाँ यार, ये अच्छा अच्छा मूवी बनाता है, और वो भी कम बजट में बनाता है इन लोग। एक हम देख रहे थे भाई, एक मूवी बोलेंगे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो द ओल्ड बॉय जैसा ट्विस्ट होल्ड करता है एंड में, बहुत ही खराब सीए के साथ। वैसे एक ठीक काम है कर सकते हो, पता है अगर इतना ही मतलब तारीफ कर ही रहे हम लोग मलयालम इंडस्ट्री के, हम लोग उस पर डेडिकेटेड मेंबर्स, गिव मी वन मिनट बिट्टू भाई, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा, गिव मी वन मिनट, गिव मी वन मिनट। ये फिर। हाँ अभी हेलो अभी यह हेलो साउंड आ हेलो, गया, साउंड आ अरे गया, सॉरी क्लिकबेट क्या सॉरी। भाई, थंबनेल में तो मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ क्या भाई? ब्रो थंबनेल में क्लिकबेट मत बोल थंबनेल में यार। क्या बताया तुम, मतलब थंबनेल में बच्चों भाई नहीं तुम भाई, क्लिक नहीं करेंगे थंबनेल में क्या? मैं ही हूँ गाइस। है हाँ हाँ हाँ, बिट्टू साउंड ही, चला बिट्टू ही, गया, बिट्टू ही, बिट्टू ही है थंबनेल में, साउंड आ गया गाइस, साउंड साउंड वापस आ है या गया है, नहीं बीच में है चला गया था कुछ सेकंड के लिए, डोंट वरी। गाइस? एक बार बताइएगा आप लोग, ठीक है, साउथ साउंड 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 का क्या सीन है मेरा, बताना जरा, आ रहा है या नहीं यार? आ रहा है यार साउंड, आ रहा है बिट्टू भाई, मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है ना, क्योंकि यस बीच में चला तुम्हारा गया था भी आ रहा है, बोल रहा। तुम्हारा भी आ रहा है, डोंट वरी। ओके गाइस, हाँ तो मैं तो कहाँ, लास्ट क्या सुने थे, लास्ट क्या सुने थे, लास्ट लास्ट सुन रहे थे क्या कि सुने? भाई तुम कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे थे कि भाई क्या कहते हैं क्लिक बेट हुआ करके, तो हाँ क्लिकबेट नहीं किए भाई। ओ भाई झूठा इल्जाम मत लगा हम पे। हाँ मैं नहीं लगा रहा हूँ, तुम ही बात कर रहे थे कमेंट सेक्शन पढ़ के। पहले तो सोहेल था ना भाई, पहले था ना, तो पहले की बात पहले करनी चाहिए, अभी क्यों कर रहे हो? हाँ, लेट्स कम बैक टू द मेन। ये हाँ आसाम का मूवी आमिश देखो, जी फट जाएगी ब्रो, फिर मुझे नहीं फाड़ने का शौक है। जिसमें जी खा, जिसमें अपना जी गवा बैठू, ब्रो है कि नहीं? और आई एम अ ब्रो, वेरी फैन ऑफ लाओ जी फ्रॉम वन पीस, अभी वैसे भी ड्रेस में ही हूँ। देखिए गाइस, आप लोग हॉरर जॉनर छोड़ के जो जॉनर का सजेस्ट करोगे लाइक अपन देख लेगा, पता ठीक है, मजे की बात हॉरर क्या साला, जॉनर में। हम दोनों की हॉरर से फटती है। डैम, हम लोग टीम में अभी वैसा कोई नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और अरे है देखो ये ना लोग बोला नेक्स्ट प्रियांशु हॉरर है, पार्ट आने का। दो उनको, फिर अपन करते हैं और आराम से नहीं मैं बैठ अब, के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं अभी का बता रहा था, हाँ ठीक है। गणपत रिवॉच करो, रिजुम गणपत तो लाइव करेंगे मेमोरी रिवॉच, रुको एक काम करते करते हैं लाइव रिवॉच के दिन, समझे? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा, नहीं नहीं अगर यहाँ नहीं, सही से मेंबर्स में करेंगे। ऑडियंस नॉट ओनली मेंबर्स, अगर कोई ऐसा मिल गया ना, तो हम लोग सही में पूरा रिवॉच करेंगे, और पूरा का पूरा पेट्रियन में करेंगे, ठीक है, वहां मैं पे आके बता सब रहा हूँ एकदम। बिट्टू भाई, रिकॉर्ड टूट जाएगा हम लोग का गणपति रिवॉच, मैं बता रहा हूँ। वी विल बी डूइंग लाइव रिवॉच ऑफ गणपति फॉर मेंबर्स ब्रो ओनली। अलुकार्ड भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने एजेंट साइन नहीं देखी ए भाई होगी देखा हुआ हमने, बहुत ही ड्यूड? फनी एंड क्या कहते हैं मजेदार मूवी। है ना, बहुत सही बने। अरे देखो, उस तरह की मूवीज होती है ना, देखने में मजा आता भाई, सब ना अरे हम लोग खोज उसमें खोज के देखते ये हैं। बंदा है ना, क्या लाइक नाम है सूर्या का एक वो, मूवी था कि टाइम स्टोरी 24, वो मूवी भी तगड़ा टाइम स्टोरी को सूर्या लेके, का तुम टाइम बोल स्टोरी रहे हो इंडिया 24, में। यस वो भी अच्छी मूवी थी, उसे बस एक चीज़ लाइक थोड़ा सा ही कर दिया कि वो साइंस वाला पार्ट में थोड़ा सा और इन्हेंस कर देते ना, काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो मूवी एक नंबर थी वो, लिटरली इंटरटेनमेंट के साथ एक्शन एंड साइंस का डोज सब कुछ एक नंबर था, बस वही एक चीज़ दिखा दी, वो पत्ता क्या गिरने वाला सीन था क्या 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 पत्ता? ना, कि मतलब जो पंख जो गिर जाता है उसी से टाइम मशीन बनता है, समझे? अरे भाई तो वाह वाह वाह, तुम बताओ कोई टाइम मशीन का, टाइम ट्रेवल मशीन हम उसमें ना दिखा दिए, ऐसा कुछ तो कहना।
अरे भाई वो सब नहीं रहता है यार। एक मूवी को इतना तुम लिबर्टी ना दोगे, इतना टू दी पॉइंट देखने चलेगा तब तो हो ही गया। ठीक बाकी मैं खुद बोल रहा हूँ ना, है, बाकी सब चीजें मूवी ओपी है भाई, मैं खुद दो बार 3 बार देखा हूँ, बाकी समानता सब थी नहीं, मुझे पूरा याद मूवी है। ओपी है वो, पूरा मूवी ही मैं ओपी वही तो है। बोल रहा ठीक हूँ, है, उसमें बॉलीवुड में विलन भी अगर खुद है इंडिया का ये। एक टाइम स्टोरी और एक मूवी था, ठीक है, मेरे को उसका याद नहीं आ रहा, बेसिकली वो भी बहुत तगड़ा से मुझे बनाया वो था। मूवी याद आ रही है हाँ, भाई, अक्षय कुमार और इसकी क्या कहते हैं, ऐश्वर्या राय की, क्या नाम था मूवी का, एक्शन एक्शन रिप्ले। रिप्ले। हम बताते हैं, एक मूवी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, उसका हिंदी वाला गाना बहुत तगड़ा था, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। वो मूवी सॉर्ट ऑफ उसी तरीके का है जिस तरह का एक्शन रिप्ले था, बट उससे बेटर था, काफी ज्यादा बेटर था। लाइक इसमें, हाँ, लेकिन इसमें क्या, ये जाता है पास्ट में अपना मम्मी डैड को मिलाता है, ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें इस वाले का, तो इसमें ये जाता है टाइम ट्रेवल करके, वो सबसे वो काम करता है जो काम हम लोग करते हैं, लाइक हम लोग को मिलता है क्या करते हैं अब उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, अब टाइम ट्रेवल करके क्या ही बेनिफिट के लिए यूज कर सकते थे। तो क्या करता है, एक वो खोल लेता है ज्योतिष का ये, ठीक है, और वहां खोल के बैठ जाता है, बोलता है किसी का भी लॉस्ट एंड फाउंड कुछ भी हो हम लोग खोज के ला के दे देंगे। तो सब आता है खोजने के लिए, तो जैसे आता है बोलता है कहाँ खोया था, कैसे खोया था, डिटेल बताओ, तब हम लोग तभी जो टाइम ट्रेवल करके जाता था उस टाइम पर देखता था, अच्छा यहाँ पे खोया था, ला के फिर इसको दे देता था, ऐसे करके पूरा एकदम इन लोग का ये चल रहा था। तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच थोड़ा दिखाया था ना, ये तगड़ा था, और उस चीज ये की वजह बॉलीवुड से इन मूवी लोग का है, ना मेन, इंडिया का मूवी है, अरे बॉलीवुड मतलब नहीं है, बॉलीवुड साउथ नहीं, का। इंडिया, ठीक है चलो। लव हाँ, स्टोरी ट्वेंटी साउथ का है फिफ्टी ये। बोल रहा है कमेंट में, लव स्टोरी अरे नहीं ट्वेंटी रे वो तो, अरे वो इसका बात कर रहा है, वो प्रियंका चोपड़ा, उसमें वो क्या नाम है जो ऋतिक रोशन के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो लैग जो डिस्काउंट में भी था, जिसका गाना नहीं है तू ही है आशिकी तू ही है आवारगी है, ऐसा करके तुझ गोली मारो उस पर बातें नहीं करनी हमको। ट्वेंटी में। फिफ्टी का मैं देख चुका हूँ एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ इस मूवी वाले बात करो बिट्टू भाई, जो तुम अभी बात कर रहे थे, उसका कोई नाम बताओ यार कुछ है तो। अच्छा वो अरे तो हाँ यार रुको रुको, आज मैं कल बता रहा हूँ, चला साउथ की इतनी चीजें मूवी अरे बताओ यार, बता भी नहीं रहे कभी, रिकमेंड करा करो यार तुम लोग। पता क्या नहीं, अरे तो कैसे, अरे भाई ये सब YouTube में ना बहुत आसानी से मूवी है। अरे देखो मुझे से मैं बात क्योंकि रिकमेंडेशन देता हूँ भाई, बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की है मूवी, का नाम है प्रोजेक्ट अलमनैक। उसमें भी सेम चीज़, ये लोग टाइम ट्रेवल करते हैं बट नॉट दैट ग्रेट लेवल पे, खुद को लेकर भाई कि मतलब क्या कहते हैं, लॉटरी जीतना है, नौकरी लगवाना है दोस्त का, दोस्त एग्जाम पास करवाना है, ठीक है। एंड अच्छी मूवी थी भाई, लिटरल अच्छी मूवी थी। वॉच नो स्पीकिंग बॉलीवुड देखी हुई भाई साहब, ग्रेट पीस ऑफ हाँ, मास्टरपीस द टाइम मशीन ही नाम है इसका, द देखो टाइम देखता मशीन। हूँ। यस 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 यस, द टाइम मशीन। देखो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ये ब्रेकिंग है, ठीक है, बट जिस तरीके से उसको दिखाया गया ना, आप उसको टाइम देख स्टोरी सकते हैं, नाम बता कंसिडर रहे कर क्या सकते बट्टू हैं। भाई, क्योंकि कमेंट का टाइम टाइम स्टोरी। स्टोरीज, नहीं, टाइम स्टोरी मैं बता रहा, ये तुम्हारे इसके लीड में विष्णु विष्णु विशाल और विष्णु विशाल जी हैं, ठीक है, ये तुम्हारा इसमें था। अरे जो अक्षय कुमार का एक रीमेक आया था, कठपुतली ना ऐसा कुछ करके नाम था उसका, जो ओरिजिनल मूवी था ना उस वाले में यही रसलन, मेन हीरो रसालन, था, रसलन कुछ नाम था मूवी का, रक्तासन ऐसा कुछ करके नाम था। रक्षासन, यस रक्षासन, रक्षासन। हाँ, और अगर साउथ का नाम अगर उसका जानना चाहता है, 2015 में आया है, कॉमेडी साइफाई है, इंद्रू नेत्रू नालाय ये है, ठीक है, और हॉटस्टार में देख सकते हो भाई, और तुमको हिंदी डब में देखना है तो यूट्यूब में दिख जाएगा, जाके देखना। हाँ रतासन, हाँ ये देखो रतासन जो रक्षासन, बता रहा है रक्षासन भाई, ठीक है, काफी अच्छी मूवी थी भाई देवे। ये कृति था कठपुतली, भाई, देखो। कठपुतली इज लाइक, मतलब पता ना कहाँ रक्षासन कहाँ कठपुतली, लिटरल बता रहा हूँ। आप प्रोजेक्ट एलमनैक भी तगड़ा था, क्रॉनिकल्स भी तगड़ा था क्रॉनिकल्स भाई, मैंने ये तो नहीं देखी है मानूंगा पर मैं। प्रोजेक्ट क्रॉनिकल्स अलमनैक मैंने देखा हुआ काफी टाइम पे, नहीं देखा तुमको, देखना चाहिए नहीं देखा यार, देखना पड़ेगा लगता है फिर। बिट्टू, कॉन्ग लग रहा। अरे भाई मेकअप नहीं हटा यार, लोगों ने इस बार कुछ ज्यादा ही मेकअप कर दिया था, इसीलिए कॉन्ग जैसा लग रहा हूँ। ओके 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 ओके, हम लोग टॉपिक से ज्यादा भटक तो नहीं गए, अरे हम लोग जब बात अच्छी कर रहे चीजों थे की कि बात हो क्या रही है। ऑस्कर डिजर्व करती है गोट लाइफ, ये बताओ। अरे बिल्कुल डिजर्व करती भाई, पिछले बार किस मूवी को ऑस्कर के लिए भेज दिया था इन लोगों ने, मुझे तो याद भी नहीं, जिस भी एक मूवी मिनट, को भेजा था एकदम नालायक कोई तो मूवी मूवी थी, थी तो नालायक, हाँ डिजर्व ही नहीं करती थी ये सब। अरे टाइम मशीन से याद है आग बिट्टू भाई, दोनों, फंटूस देखे हो, फंटूस कॉमेडी टाइम मशीन, हाँ, दीवार में जो टकरा के चल दसवीं जाता सेंचुरी है में, दसवीं हाँ सेंचुरी। उधर का राजा इधर का चिंदी चोर रहता है वो तगड़ा था। अब यस आखिरी में ये रिवील यस होता है कि चिंदी चोर वहां रह के राजा यहाँ आ गया ना, काइंड ऑफ थोड़ा सा एग्जैक्टली याद नहीं है,
मंकी मैन इज अ गुड मूवी, डेफिनेटली इट विल बाय बी द अ गुड वे, मूवी, बट बाय द इंडिया में वे रिलीज है कि नहीं पता नहीं। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मतलब अभी अर्ली रिव्यू चल रहा है इंडिया के लिए। द स्ट्रगल ऑफ मंकी मैन बताता हूँ बिट्टू भाई कि यहाँ पे इतना इन लोग का बजट स्ट्रगल चल रहा था कि इन लोग के पास मेनी कास्ट नहीं थे, बहुत सारे कास्ट, तो इन लोगों ने जो शूट पे जो साउंड डिजाइन होते हैं, लाइटमैन होते हैं ना, इन लोगों को पकड़ पकड़ उस लोग से एक्टिंग करवाया बिट्टू भाई। हम लोग वाला हाल भाई, जब हम तो स्वेल सब करते हैं ना वो वाला हाल इन लोग का रहा है, क्या कहते हैं मंकी मैन के प्रोडक्शन टाइम पे, कि जैसे कि लाइट भाई पकड़ लेगा, हाँ पकड़ लेगा, हाँ ये हाँ ले तो पकड़ साथ में क्या एक्टिंग भी कर, 2 सेकंड का सीन है यहाँ पे, पॉज आउट करना कुछ है नहीं करना है, बस डायलॉग ही तो बोलना, ये ले स्किप पकड़, चल ऐसे बोलना, ओके ओके ठीक है बोलते हैं। ऐसे कुछ हाँ नहीं, आके बस और मुंह तो फिर मुक्का खाना मेरे से आ जा हाँ हाँ अरे कुछ नहीं, तुम बस एक पंचिंग बैग हो, पंच खाओ चले जाओ। मैं बता रहा हूँ बट्टू भाई, ये क्या कहते हैं मंकी मैन को ज़्यादा ही इंडिया में प्यार मिलना चाहिए। एक तो साला सबसे पहले बात ये शेयर्ड मूवी है कि नहीं, एंड दूसरी बात एक्टर अपना देव पटेल है, तीसरी अरे भाई बात कि उस भाई एक्टर बंदे का का डब मतलब डायरेक्टर डेब्यू भी है, और प्रोड्यूसर का नाम क्या है बट्टू भाई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको, बड़ा अच्छा नाम है ना। मंकी मैन का प्रोड्यूसर, लेट मी चेक ब्रो, अरे बहुत बड़ा नाम है यार, प्रोड्यूसर्स नाम भुला हूँ, मेरे दिमाग से नाम याद नहीं आ रहा। जॉर्डन पील, कई जॉर्डन पील, सारे जॉर्डन हैं। पील भाई, जॉर्डन पील, मेरे दिमाग से उतरा हुआ था, जॉर्डन पील, हाँ जॉर्डन अरे पील ही है हाँ, नाम है, हाँ जॉर्डन पील शायद यही बोला था ना कि भाई ये मूवी जो तुम बना रहे हो ये एक छोटा स्क्रीन के लिए बना ही नहीं, बना इसको ही तुम नहीं बड़ा मैंने, ये हाँ पे कि लेके इसलिए जाओ। जॉर्डन पील उसको प्रोड्यूस किया एंड फिर उसको मतलब क्या कहते हैं थिएटर में बाहर आए, ठीक है। बट द थिंग इज मैं जो बता समझ रहा रहे था, हैं। मैं जो बता रहा था ये बता रहा था प्रोडक्शन के टाइम की बात, कि जब ये मूवी शूट की जा रही थी उस टाइम पे इन लोग का इतना कम बजट था कि मतलब उन लोग नया नया एक्टर के लिए एक्टर्स हायर नहीं कर सकते थे, तो जो साउंड डिजाइन का जो बंदा है, जो क्या कहते हैं लाइट का बंदा है, जो बंदा क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको स्पॉट बॉय है, इन लोग को पकड़ पकड़ के बोला कि तू भी एक्टिंग कर, तू भी एक्टिंग कर, तू भी एक्टिंग कर, एंड भाई साहब मतलब दिख रहा है वहाँ पे इन लोग का होता है, द स्ट्रगल इज रियल, समझ गए। सब जो स्टार्टिंग में होते हैं ना उन लोगों को ऐसे ये करना पड़ता है, एंड ठीक है। रिव्यू का ग्रेट आ रहा है बिट्टू भाई, मतलब ओपी ग्रेट भाई साहब। सही बोले, जॉर्डन पे ने, अरे वो बंदा मस्त मस्त बनाया हुआ है स्किट, अगर देखो तो सबसे मस्त हमको लगता है वो वाला जो गन दिखा के ऐसे लगता है, तुमको लगता है कि तू उसने तुम्हारे पीछे लगाया, फिर ऐसे मास्क हटाता है, फिर मास्क हटाता है, पूरा वीडियो में मास्क हटाते हटाते ऐसे यार लास्ट में वो जो सीन डायग्राम याद है, वो बनाता है सीन याद है मुझे, वो यार, सीन याद है ऐसे भाई। होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे से कर होता है आई, वो वही वाला है ना भाई, तगड़ा है ये, ठीक वो सीन आपको है। याद है भाई, ओपी सीन। हाँ खैर आते हैं अब नेक्स्ट आते पे, हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है बताओ रामायण मूवी का शूटिंग टॉपिक। स्टार्ट हो चुका है भाई साहब, एंड भाई 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 रामायण से ज्यादा है तुम लोग को पता है गाइस, उसमें हैंस जिमर म्यूजिक दे रहा है, लाइक हैंस फॉर जिमर द फर्स्ट टाइम ब्रो। इन इंडियन प्रोजेक्ट, और ये वही अरे मत सुनो इतना भी ग्लोरीफाई मत करो, हाँ ठीक भाई देखो है, है यही बंदा कि वो वो फर्स्ट डिजर्विंग टाइम भाई, गा रहा है, देखो लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये हैंस जिमर कर रहा है क्योंकि भाई हैंस जिमर का म्यूजिक सब ना दिमाग में छपा हुआ छपा टाइप हुआ का है, जाता है बिल्कुल। वैसा टाइप का, लाइक कभी कभी मेरे हम एक दिन बैठ के देख रहे थे कि जो जो म्यूजिक हमको अच्छा लग रहा है तो वो भाई म्यूजिक हैंस जिमर का ही क्यों निकल रहा भाई तुम देख लो ना सुपरमैन का ऐसा हो फर्स्ट गया फ्लाइट था। सीन हाँ याद है बट्टू हाँ भाई, सुपरमैन का फर्स्ट फ्लाइट सीन, वो हो गया, फिर तुमको क्या कहते हैं बैटमैन और सुपरमैन का जो फाइट सीक्वेंस था वहाँ पे, टैं 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 जो म्यूजिक था, मतलब भाई साहब ये होता ना कि तुम्हारा गुर्दा पिछवाड़ा सब फाड़ भाई दे तेरा होता, भाई तेरा होता, मेरा मेरा तो बस दिल हौले हौले ठीक सब हो है, जाता है, ठीक गुर्दा है पिछवाड़ा, गुर्दा बोलो पिछवाड़ा लाइक। गोली मारो पर गुर्दा फाड़ दे भाई, दिल गुर्दा सब फाड़ देता है भाई साहब, अरे नहीं ठीक है। मतलब देखेगा हर एक ये का, जैसे हमको हम जो यूजुअली ज्यादातर सुनते हैं, फ्लाइट हो गया तुम्हारा, फिर इंसेप्शन में जो एगो टाइम वाला है, फिर एगो जो कॉन्फिडेंट वाला है, बहुत ही एक साथ वाला बहुत अच्छा, वो शायद स्पाइडरमैन वाला में भी दिया हुआ या फिर एक्समैन वाला में भी, हमको एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि देखो सारा तो उसका फेमस नहीं हुआ ना, जो फेमस हुआ उसका ये करके देखो एग्जैक्टली को चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा, लेकिन भाई वो बंदा दिया है एक से एक, इसमें कोई दोमत नहीं है, और इसीलिए मेरे को बस ये है, मेरे ख्याल से वो ट्रांसफॉर्मर्स को भी दिया हुआ ना, एक सेकंड देख लेता हूँ, ठीक ट्रांसफॉर्मर्स है। में का पता नहीं पर बहुत सारी इसमें नोलन की मूवीज में दिया हुआ है भाई, इंसेप्शन में शायद दिया हुआ आई थिंक, है ना, इंसेप्शन में दिया हुआ शायद, इंटरस्टेलर भाई, इंटरस्टेलर बेस्ट बीजीएम सही बोले। इंटरस्टेलर भी था, अरे हाँ हाँ हाँ
इंटरस्टेलर में भाई क्या बात कर रहे हो, तुम भूल हाँ जाते उसमें हो भी वो था, उससे वाला। भी उसमें भी हाँ नहीं, इंटरस्टेलर में भी वो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो मैंने बोला, मैं उसको इंसेप्शन समझ के ये कर रहा था। अरे देखो सोहेल ने कमेंट भी करा, अदर कंपोज म्यूजिक बट हैंस जिमर राइट्स म्यूजिक। सही, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, फिर एक हाँ और तो है, यार एक बट अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हैंस जिमर दिया था, ये मुझे याद नहीं है भाई, बट हाँ उसे भाई डीजे दिया है यार भाई, वो हाँ लेकिन हाँ बताया ना बवाल स्पाइडरमैन वाले में बिल्कुल भी दिया बवाल। हुआ है वो भाई, बहुत तगड़ा वो दिया हुआ है समझा। मैं बोल रहा हूँ कि नोलन की बहुत सारी मूवीज में दिया है भाई, नोलन की सारी मूवीज तुम देख ही सकते हो भाई, चाहे वो इंटरस्टेलर हो चाहे वो इंसेप्शन में भी शायद उसी ने दिया ना। क्या इंसेप्शन में? हाँ हाँ दिया आई दिया, थिंक टाइम वाला, हाँ टाइम वाला टाइम जो वाला ना, टाइम पास होता है ना वो वाला टाइप का। वो तो इंडस्ट्री का एंड पता लग गया गाइस भाई। बिकॉज आवर वन मेंबर इज ऑन द चैट, लेट मी टेल यू गाइस, सबसे पहले तो जाके लाइक मारो गाइस, ठीक है हमारे लाइक को बढ़ाओ थोड़ा सा, इधर ये हो जाएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दूसरा 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 बात ये जो मैं बताने जा रहा था, इफ एवरीथिंग गोज राइट, हम लोग भी आपको आपको कुछ एक म्यूजिक टेस्टिंग सुनाएंगे मस्त मस्त वाला एक बार, ठीक है हाँ अभी म्यूजिक वर्किंग म्यूजिक प्रोसेस में है सुनाओगे, गाइस, म्यूजिक सुनाओगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। अपना म्यूजिक हो या फिर हमने ओके बनाया हो कहां से ओके आएगा। ओके ओके गॉट इट, अब मैं समझ गया वेयर दिस इज गोइंग। ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। इंसेप्शन इंटरस्टेलर डार्क नाइट ट्रिलॉजी इज माय फेवरेट, यस एवरीवन्स फेवरेट यार, कौन है जो बोलेगा फेवरेट नहीं है। ओ ब्रो ब्रो ब्रो, बाबू बाबू बाबू, आपको क्या लगता है ऐसा कौन गधा होगा, ऐसा अच्छा कौन बेवकूफ होगा, ऐसा कौन गधा होगा, सॉरी दो बार गधा अशरफ, बोल दिया आपने। ऐसा कौन अशरफ होगा जिसका दिमाग ए घुटने में होगा, ठीक है भाई जिसको उल्टा बोल इन रहे अच्छा तेरा दिमाग घुटने में नहीं है तो हो। मेरा दिमाग घुटने में नहीं है बिल्कुल, क्यों कैसे हुआ भाई वाला घुटने इतना में। बार तेरा माथा में मारे, तेरा माथा कभी टनका क्यों नहीं, कभी वो ठीक से काम किया नहीं, बता। हाँ क्योंकि सब मतलब माथे में दर्द रहता है ना इसलिए। थत्थर इंसान है ठीक बेटा है, भाई, अरे थत्थर इंसान। यार तू पत्थर छोड़ दो तू, ठीक है लाइक अब आते हैं, एक मिनट हम लोग डाइवर्ट हो जा रहे गाइस इधर से उधर से, मेन टॉपिक पे रहते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ चल गए, हाँ हम लोग इस पे बात करते हैं। हाँ अब ये बात क्यों है भाई, हैंड जिमर म्यूजिक देगा तो बहुत बड़ा बात क्यों है, क्योंकि भाई वो म्यूजिक में वो म्यूजिक दिया मतलब इट्स आइकॉनिक, ठीक है इट्स आइकॉनिक, और उसके साथ है ए आर ए रहमान, आर ठीक रहमान है बिल्कुल हाँ, जो कि इंडिया का इंडियन बोल सकते टच। हो कि लाइक ना, इट्स नॉट अबाउट इंडियन टच, इट्स अबाउट कि वो इंडिया का बेस्ट है, ठीक है इतना हाँ बेस्ट कि उसको हॉलीवुड वालों ने रिकॉग्नाइज करके ऑस्कर दिया कि भाई तू ले ले ऐसे, ठीक है। तो रामायण का शुरुआत तगड़ा हो चुका है और वो आगे अच्छा ही इसका एक्टर बनेगा, भी बड़ा इट विल बी अच्छा है ना नॉट भाई, लाइक नितिन तिवारी है शायद ना जिनका प्रोजेक्ट देखो अच्छा भाई चल रहा है ये। आई विल अग्री टू दैट, मैंने पहले ये तो देख लूं कि वो क्या क्या किया है मैं झूठ झूठ का बोल दूंगा कि हाँ भाई अच्छा ये वैसे नहीं चलेगा ना, ओके। तो ये को मतलब रामायण बहुत बड़ा होने वाला है एंड बहुत ही एपिक होने वाला है, मतलब देखा जाए ना ट्रायलॉजी तो तो अभी से बोल ही चुके अगर वो लोग ना कि इसको ट्रायलॉजी है ये। ट्रायलॉजी बोल चुका है, लेकिन देखो हम बताते हैं, अगर तुम देखो ना तो जो रामायण का कहानी है उसको अगर एक ग्रैंडर स्केल में दिखाओ, तो इसको तुम फॉरेन में अगर दिखाओगे ना तो एक बहुत बहुत ग्रैंडियर स्केल में दिखाया जा सकता है, लाइक उन लोग का जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और जो उस तरह का मूवी सब बना हुआ है ना, लाइक उस लेवल तक को छू सकता है अगर इसको अच्छे बिल्कुल। से एग्जीक्यूट कर और दिया गया तो। बिट्टू भाई जैसा इन एंड लोग मतलब अपना ये कर रहे हैं, हैंस जिमर को ला रहे हैं और भी बहुत सारे मतलब इसको कर रहे हैं, तो हमको इस साल के साथ तुमको भी एग्री करोगे तुम भी भाई कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड है कि नहीं, टारगेट किया जा रहा टारगेट है, किया जा रहा है लोग पूरा उस का चीज पूरा। को माइंड में रख के चल रहा है, और देखो बात क्या ना कि लोग को वर्ल्ड वाइड में दिखाना है तो उस हिसाब से लोग ये नहीं करेगा कि उन लोग के हिसाब से थोड़ा सही करें, नहीं ये लोग इसको अपने हिसाब से बनाए, ठीक है जैसे आर 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 था भाई वो इंडिया का हिसाब से बना, वहां पे ब्रिटिशर्स को वैसे ही दिखाया जैसा उन लोगों ने ट्रीट किया हुआ था, बस थोड़ा सा वो गाना की वजह से वहां पे नाटू नाटू में थोड़ा सा ये दिखा दिया, ठीक है बट मूवी चला और लोगों को पसंद आया, जो कंप्लेन्स भी आए वो कंप्लेन्स कहाँ से आए, ब्रिटिशर्स लोग, क्योंकि ब्रिटिश भाई उन लोगों को गलत दिखाया जा रहा है ऐसा उनका कहना था, क्योंकि उनको जो दिखाया जा रहा भाई उनका पास्ट ऐसा है कि नहीं दिखा सकते उस तरी, मतलब कि थोड़ा ये टाइप का तुम क्या कह सकते हो भाई, गलत को गलत ही दिखाएंगे ना, तो बस इसी तरह इसमें भी अगर ये लोग ट्रू टू रामायण रहे, जो रामायण में लिखा हुआ है ना उसको वर्ड टू वर्ड दिखा दे भाई, इसमें कोई स्पॉयलर जैसा नहीं है कि कोई अगला दिन आके कहानी बता दे, रामायण का कहानी बच्चा बच्चा सब जानता बच है, रहा ठीक जाता है है बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ भाई इस पे तो कमेंट भी आया बिट्टू भाई भाई कि बात पूरा विजुअल का है बात, क्योंकि देखो स्टोरी तो जो है सबको पता है कि नहीं बिट्टू भाई,
स्टोरी जो पता है वो ज़्यादा ग्रेट है रादर देन कोई मूवी की स्टोरी या कोई सीरियल की स्टोरी। बट थिंग इज कि जब भी मतलब इसको लेकर प्रेस करोगे दो चीज़ का परफॉर्मेंस और दूसरा भाई है कि ना बैकग्राउंड डिज़ाइन एंड क्या कहते हैं विजुअल्स, इसी पे तो खेलना पड़ेगा समझे। और ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं जहाँ पर तुम एक्शन दिखा सको ग्रैंड लेवल पे, ये एक्शन मूवी होगी भी नहीं। लाइक देखो भाई, एक्शन इसमें एरोज और ये सब का ज्यादा गेम होगा, एक्शन मतलब लाइक मेरा मतलब कि और होता ना कि मुक्का मुक्की वाला एक्शन, उसमें तुमको मिलेगा भी ए नहीं। ब्रो 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 ब्रो, तब तुम भूल जा रहे हो बाली को। हा। बाली जब अपने भाई से लड़ा था, वो लड़ा, क्या अच्छा हाँ सही बोले पेड़ हो, फेंक के मारा था? नहीं, वो दोनों हैंड टू हैंड लड़ा हैंड टू था हैंड फाइट वहां हुआ था पे, यार। मार वहां पे मार खा के आया था। फिर राम जी बोले थे कि ये लो, तुमको देख पहचान पाएंगे, माला पहन के जाओ। फिर जब लड़ा था तो वहां पे कितना खतरनाक हुआ था। एंड ये फर्स्ट पार्ट में होगा, तुम देख लेना, ये वो सेलिंग पॉइंट होगा दोस्त, ये सेलिंग पॉइंट में से होगा। अगर एक्शन का कुछ ये करना भाई है गुट्टे भाई तो देखो, दिस चीज हाउ विल। हमको यहाँ तक लगता है कि इन लोगों ने पहले ट्रायलॉजी अनाउंस करा है, मतलब कि इनके माइंड में है कि हमको कहाँ पे पहला पार्ट खत्म करना है, कहाँ पे दूसरा पार्ट खत्म करना है। तो वो सब पॉइंट जो तुम बोल रहे हो ना भाई कि मतलब फिर हमको लगता है कि भाई ये बाली वाला पॉइंट से लोग कर सकते हैं फाइट का एंड, है ना। ऐसा नहीं, देखो ये लोग ब्रेक उस जगह पे लेगा जहां से थोड़ा एक ये रहेगा। बाली वाला तो वीक हमको लगता पॉइंट है पहला ना, में रहेगा। हाँ, क्योंकि देखो फाइट का ऐसा नहीं कि इधर ही है, क्योंकि भाई जब वो लोग आए थे तो ऐसा थोड़ी था कि लाइक पहले ही मतलब ये हो गया था। उन लोग जब वनवास में थे, उन लोगों को काफी सारी ये परेशानियों का फेस करना पड़ा था, तो वो सब भी वो दिखाएंगे। तो वहां पर ये हो सकता है, लाइक पहला पार्ट में क्या होगा, रावण को टीज किया जाएगा, ठीक है, कि रावण ये है, उसका लुक ऐसे है, उसका बस ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके पहला पार्ट में वो नहीं दिखाया जाएगा। पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन पे मोस्टली फोकस किया जाएगा, मोस्टली कैरेक्टर्स का। फिर सेकेंड पार्ट में मेरे को जहां तक लगा था, पहला पार्ट में तो लाइक वनवास, सेकेंड पार्ट में हरण, और तीसरा पार्ट में लड़ाई, बस यही है तीन, और क्या। पॉइंट मेरा आवाज नहीं आ रहा कि तुम चुप हो गया है नहीं, मेरा आवाज़ कहीं और चला गया, सॉरी। बट थिंग इज कि भाई। जिस हिसाब से ग्रैंड लेवल पे इसका स्टार्टिंग हुआ है, शूटिंग भी स्टार्ट हुआ भाई ओपी लेवल का। और हाँ एक और चीज़, कौन तो एक्टर है भाई नाम याद नहीं आ रहा है, वो रोल कर रहे हैं क्या कहते हैं कौन सा रोल करे बताओ, इन दोनों के पिता का, राजा दशरथ वाला? राजा अरे दशरथ वाला, यस हाँ। उसका फोटो भी आ रहा है याद वो होगा तो तो। शायद अरुण कोविल जी कर रहे हैं ना, शायद अरुण कोविल जी नाम है उनका, मेरे को एग्जैक्टली नाम शायद यही इन दोनों होगा। बच्चा भी काफी खूबसूरत है यार, देखा था फोटो मैंने, मतलब है कि नहीं। लाइक अरुण कोविल जी को जान रहे हैं ना, वो कौन है? देखना पड़ेगा यार, अरे भाई, जो ओरिजिनल रामायण आया था उसमें राम जी उसमें वो बने थे। राम जी का रोल किए थे ब्रो। वो और सीता माता जी का रोल उन दोनों ने इतने अच्छे से किया ना, कि अभी भी कहीं दिख जाते हैं ना तो कितने बिल्कुल सारे लोग उन्हीं भाई, को जाके प्रणाम करते आज हैं। भी लोग उनको, मैं अभी कुछ दिन पहले ही उन जो सीता जी का रोल की थी ना, उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं देख रहा था कि एयरपोर्ट पे लोग उनको आके कैसे मतलब क्या कहते हैं सत सत नमन कर रही थी काइंड ऑफ। भाई साहब वो उन लोगों ने जो मतलब अपना बनाया है ना काइंड ऑफ अपना पहचान या अपना नाम बेसिकली, आई डोंट थिंक कि कोई एक्टर उस इंडिया में तो है जो उस लेवल का करा होगा, ठीक है। नहीं, और तुम एज एक एन चीज देख एक्टर लेना, भी नहीं, अरे उन लोग उनको मानते ही काइंड ऑफ कि यस ही इज माई राम एंड ही शी इज माई सीता काइंड ऑफ, वो है कि नहीं। लोगों ने देखो, वो ना सिर्फ हम लोग का बचपन में, कोविड में भी जब दोबारा से रिकास्ट किया गया था ना, तो सब बहुत ये के साथ देखे हुए थे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, तो महाभारत का कई सारे इटरेशन बन चुके, उसका कई तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ। श्री कृष्ण का रोल काफी लोग कर चुके हैं, लेकिन जो राम सीता वाला है ना, वो कोई नहीं उतना अच्छे से कर पाया, और जो किया भी गया ना, बहुत फालतू नहीं नहीं किया है, बिट्टू ठीक भाई, मैं है। अर्जुन के बारे में ही बोलूंगा भाई कि नहीं कर पाया कोई इतना लेवल का। अर्जुन अर्जुन का कौन कौन गे है? कृष्ण नहीं, माई बैड माई बैड। जी का, नहीं, राम जी के भाई का नाम क्या था, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का, माई बैड लिटरली माई बैड। लक्ष्मण जी का रोल भी मतलब कोई नहीं कर पाया उस लेवल का जो रामायण वाले इसमें है कि नहीं। उनका बिल्कुल मतलब बिल्कुल नाम बिल्कुल, भूल जाऊँ एक्टर का यार, और उनका भी कुछ लिटरली क्या था तो नाम था उनका, समझे। तो वो एक जिस मिनट हिसाब रुक से मतलब था ना कि जाओ। देखो, एक भोलापन विथ गुस्सा विथ ईगो, है कि नहीं, वो सब चीज़ का मिक्सचर वो एक्टर ने प्रिपरेंट किया था अच्छे से, है कि नहीं। ओके, यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अरे मैं कपिल शर्मा वाला शो देखा हूँ भाई, मुझे याद है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। गाइस, जस्ट द गुड न्यूज, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया यार।
पता भाई ही साहब, नहीं ओ भाई साहब, लाइव तुम क्रिकेट में देख रहे हो? वाह सही है सही था। अरे नहीं है। यार, यहाँ कोई लिखा तो हम जाके खोल के देखे तो अरे भाई सही में मार दिया, सेंचुरी क्या बात, मार दी, 112 रन ऑलमोस्ट 12 ओवर खेल के, नाइस, पर 113 रन, नाइस नाइस वेरी नाइस। आय हाय अच्छा हाय, एक और चीज इतना देखो तो तो भाई, कि जो सेट हाँ फोटोज हाँ जो बताओ आए बताओ। थे रामायण मूवी के, उसका तो देखो तो सेट डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है, कॉस्ट्यूम भी काफी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं, कि मतलब वो टिपिकल कॉस्ट्यूम टाइप का नहीं लग रहा भाई, कि हाँ उस जमाने का है तो वैसा ही दिखेगा करके ये करके, नहीं कॉस्ट्यूम इज लाइक वेरी फाइन डिजाइन एंड वेरी नॉट ज़्यादा क्लीशे करके दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम एंड प्रोडक्शन डिजाइन भी जितना हम लोग को दिखा है विजुअल के हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा है ना। जैसे कि याद होगा तो रेगनारोक के टाइम पे हम लोग प्रोडक्शन डिजाइन दिखाया गया था, जो सेट फोटोज आए थे तो कितना झकाझक था। देखो हम सेट फोटोज बेसिस पे तो नहीं बोल रहे, बट हमको पता नहीं क्यों रामायण से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और ये क्योंकि पॉजिटिव न्यूज ज्यादा ऐसे आ रही हैं। इसके अलावा डिस्कनेक्ट नहीं ना हो गए हम लोग थोड़ा नहीं सा नहीं डिस्क्रिक्ट नहीं, हम लोग हैं दोस्त? यहीं पे, लाइव ही हैं तो भाई। ओके, इसके अलावा जो हम बोल रहे हैं, लाइक यहाँ पे ऋषभ भाई ने भी लिखा है कि भाई बाली का जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो सुपरमैन एंड जॉर्ड जैसा हो सकता है, एकदम मस्त प्योर ब्लोज पे सारा, ये ओहो एक एक पंच पे एकदम, ये लोग दिखा सकते वाह, हैं भाई, उस लेवल पे दिखा सकते हैं। एंड पता है सिर्फ वेपन का समनिंग, ठीक है, लाइक जिस तरह हम लोग का ये में डिस्क्राइब किया गया है ना, उस बस जो समनिंग है ना, तुम उस जो पढ़ेगा तो तुमको लगेगा कि एनिमे में जिस तरह कैरेक्टर का पावर अप होता है एक अलग से ये दिखाता है ना, वो सब मतलब इधर से ये हो जाता है, ये लाइक थोर का उसी हैमर समथिंग लगेगा वाला था सब। काइंड ऑफ, उस टाइप के हम लोग कर सकते हैं वो वाला, क्या कहते हैं एरो वाला, कहीं ना कहीं उजागर होने वाला देखो भाई हम उसमें एनर्जी से, एरो फाउंड वो टाइप से किसी भी, तो मैं देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, साउथ शायद वो कोरियन या चाइनीज मूवी थी कोई, उसमें मैंने देखा था वो, कि मतलब एरो है ठीक है, ऐसे हाथ किया, सॉरी क्या इधर है, ऐसे हाथ किया और ऐसे और एरो आ गया, तेजी एनर्जी से मतलब पूरा भाई बाण एंड तीर से बाण एरो एकदम बन गया है पूरा, ना। हाँ पूरा भाई जो इस हिसाब से दिखाया गया था गजब का था भाई साहब, एक नंबर समझे। ओके ओके ओके, नमन शर्मा भाई यहाँ पे आप पॉजिटिव में फोकस करें, उन्होंने छिछोरे जैसी बहुत ही अच्छी मूवी बनाई, मैं छिछोरे भाई को बहुत अच्छा दंगल मूवी भाई, मानता इंडिया हूँ, की सबसे बड़ी ठीक कमाने है। वाली मूवी दंगल उन्हीं की है। मेरे को दंगल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका देखो कहानी क्या है ना, किसी एक कहानी से उठाया, मतलब ये है, मतलब वो किसी रियल बायोपिक लाइफ पे है बेस्ड है जिसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ भी किया गया है, क्योंकि उस जो कोच थे उन्होंने कहा इसमें तो मुझे पूरा विलनाइज कर दिया गया, मैं तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, तो मैं दंगल के ऊपर नहीं बोल सकता, पर छिछोरे मूवी के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि उसमें कितने अच्छे से दिखाया है कि जब आपको लाइफ में एक सेटबैक मिलता है ना, देन यू कैन कम बैक फ्रॉम दैट हाउ, ठीक है, लाइक इन द टाइम व्हेन बॉलीवुड इज मेकिंग मूवीज लाइक वेरी, मतलब क्या एक्शन बोलते कॉमेडी में हैं, ज्यादा था उस टाइम पे। मैं वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे खेलने का कोशिश ओके करूंगा, ओके ठीक ओके, है, बिल्कुल समझ बिल्कुल जाना। बिल्कुल, आशिकी 2 मूवी हर देखा ही होगा क्योंकि तुम ही हो भाई, है ठीक है, वो आशिकी बंदा टू लास्ट में सुधरने छोड़ के क्या चूज करता है, तू खत्म, ठीक खत्म। है, यहाँ पर ये लोग दिखा सकते थे कि वो बंदा मतलब कोशिश किया बच गया और उसके बाद वो सुधर गया, ठीक है, बट उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया, उन्होंने क्या दिखाया कि देखो अगर चीजें ठीक नहीं होती है ना तो तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन है, और ये चीज सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, हम लोग इतने ग्रोन अप है तो हमें समझ में आ जाता है, बट जो बच्चे देख रहे हैं उनका क्या, वो तो भैया इस समय आशिकी के नाम पे इतना बौरा जाते, कैसे कैसे चीजें हो जाती, इट्स नॉट अबाउट ओनली आशिकी थिंग, इट्स अबाउट द स्टूडेंट जो होते हैं जो पढ़ने जाते हैं भाई, उनके मन में भी इतना प्रेशर हो जाता है कि यार अगर हमने इतने पढ़ाई नहीं किया, इतने सक्सेस नहीं गिन किया, इतने नंबर नहीं लाए तो किस तरह पेरेंट्स को फेस करेंगे, एंड दे डू द वो ऑप्शन को चूज करते हैं जो कि उस मूवी में दिखाया गया, मूवी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको प्रिपेयर कर देती है, मैंने प्रिपेयर नहीं करती, एक आइडिया टाइप का दे देती है, ठीक है, और वो वहां से आया, जबकि छिछोरे मूवी में दिखाया उसी तरह का सेम स्टेप लेता है, बट ही कम बैक फ्रॉम ये, और उसमें उसके पेरेंट्स उसके मदद करते हैं अपना पूरा स्टोरी बता के, और उसमें दिखाने को तो दिखा सकते थे कि लास्ट में इसके सुशांत जी के जो कैरेक्टर उसको सक्सेस मिल गया एंड सबको ये किया, नहीं वहां पे भी दिखाया कि इन लोगों ने जी जान से कोशिश किया और वो बंदा हार जाता है एंड वो लोग अफसोस कर रहा होता है, लेकिन उस अफसोस में लोग उसकी वहां पे अप्रिशिएट करते हैं, एंड जो चीज होता भी है जब तुम कोशिश करते हो ना भाई, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं, हो सकता है कि ज्यादातर लोग तुम्हारे कोशिश को वैल्यू ना करें, लेकिन वहां पे कुछ लोग होते हैं कि यू ट्राइड वेल, यू गेव योर बेस्ट एंड फाइट बहुत तगड़ी थी, ठीक है, तो आपको उस लेवल का तो मेहनत करना होगा ना कि लोग आपके मेहनत को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात हमेशा है, रिजल्ट नहीं, लाइक इट्स लाइक कि आप हमेशा जर्नी मतलब डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं, लाइक मैं गोवा जाऊंगा भाई वहां मजे मस्ती होंगे, दैट्स नाइस,
बट आप अपने घर से लेके जो गोवा जाते हो, वो जो जर्नी होता है ना, उसका भी एक अपना मजा है, एंड उसको करते हुए जाना होता है. लाइक रास्ते में बात करते समय लाइक टायर पंचर हो गया, लाइक उसको बलाले हुए, तो वहां पे हम लोग बकैती चल रहा है किसी का भी. तो ये जो जर्नी है ना पर्सनल भाई, एक्सपीरियंस ये ज्यादा भी आएगा मेरे को इंपॉर्टेंट रखता है. भाई, पर्सनल कौन 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 एक्सपीरियंस हम लोग का। सबके होते हैं भाई, मैं तो अपने ये से बता रहा हूँ, ठीक है. मैंने गोवा बोल दिया से, सबके अपने अपने होते हैं यार. कि आप देखना जब है ना, लाइक नेगेटिविटी ज्यादा ही हो जाती है. इसीलिए मतलब मैं मानता हूँ कि छिछोरे वाला जो मूवी था ना, बहुत तगड़ा मूवी, और वो हर एक बच्चे को दिखाना चाहिए, हर एक ये को, कि भाई जब व्हेन लाइफ स्ट्राइक्स यू बैक, देन यू हैव टू गेट अप. आप ऐसे एकदम ओवर पॉजिटिव मत दिखाओ, लाइक 12th फेल. भले ही सच्ची घटनाओं पे आधारित है और वो बहुत ही हार्श कंडीशन से निकल के पास किया और बहुत ये किया, लेकिन वहां पर भी एक क्या हो जा रहा है ना, एक ओवर पॉजिटिविटी और एक फॉल्स होप का भी दिया जा रहा है. लाइक कितना लाखों लोग देते हैं एग्जाम, ठीक है, उसमें से कुछ का होता है, बाकियों का क्या. उनको तो मतलब दिखाया गया, बट उनको भी थोड़ा सा ग्लैमराइज करके हल्का सा साइडलाइन कर दिया गया, वो भैया की वजह से, क्योंकि एक का भी हो गया तो हम लोग खुश है. यू आर खुश, दैट्स रियल लाइफ नाइस. में ऐसा नहीं होता बिल्कुल क्या भाई, भाई, टूट जाता है मैं इंसान, वही बोल रहा हूँ, रियल आप लाइफ में ऐसा नहीं समझ. होता। हाँ, और हर एक इंसान एक नहीं होता है, अलग अलग वैसे होते हैं. तो इसीलिए ना इस तरह की मूवीज को मैं, और इसीलिए मेरे को इस बंदे से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इस मूवी से मतलब छिछोरे मूवी से लोगों को ज्यादा मतलब इंस्पायर या फिर उनको ये होना चाहिए, और ज्यादा लोगों को देखते रहना चाहिए, उससे ज्यादा आपको ये मिलेगा. लाइक वहां पे एक और चीज आप देखो, एक रिलेशनशिप मैटर में देखो, तो वो जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, वो लोग दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, एंड फिर उन दोनों के बीच में ऐसा समय आता है कि वो उन दोनों में ही नहीं बन रही है. तो यू सी, इवन द परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टैक्ट क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी थिंग कैन हैव इशू इन फ्यूचर, ठीक है, दैट्स लाइफ. तो अब बहुत हो गया यहाँ पे लाइफ की बातें, अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, ठीक है. तो हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग रामायण पे थे बिट्टू भाई, दीदी दिवाली से हम लोग छिछोरे पे कूदे थे। मतलब थिंक इज कि भाई हाँ अच्छा टॉक था बिट्टू भाई, गुड, वेरी गुड जॉब हाँ बिट्टू भाई, वेरी गुड अरे जॉब। थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ये वाली बात नहीं, बस लोग खुश रहे और क्या. कमिंग बैक टू रामायण, तो रामायण का जैसे सेटिंग जिस भी आए उसको देख के तो अच्छा ही लग रहा, कॉस्ट्यूम्स वगैरह बस एग्जीक्यूट अच्छे से कर दे यार, डिसेंट भी रहेगा ना, तो आई थिंक उसको लोग बहुत ज्यादा मानेंगे, ठीक है. एंड अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है रुस्लान बिट्टू भाई, रुस्लान का ट्रेलर हाँ रुसलन क्या रुसलन ग्रो भाई, अप हुआ आयुष यार आयुष आयुष का, मतलब मानना पड़ेगा भाई, अंतिम मूवी से तुम हम लोग देख ही चुके भाई, है ना अंतिम मूवी ही था, उससे पहले कौन मूवी नगाड़ा नगाड़ा थिंग इज कि भाई था. रुस्लान का मतलब ट्रेलर देख के अच्छा लगा भाई कि हाँ यार मतलब काफी सुधार आया, ग्रो अप हुआ भाई बंदे में, आयुष में है कि नहीं। वो बात तो है. यस नमन भाई यस देखा है, हम आते हैं उस पर, डोंट वरी डोंट वरी। खैर अब हाँ बताओ हमने बिट्टू दोनों भाई इस एक पर ही टाइम बताओ पे यस पहले बोले. हाँ रुस्लान पे अरे अच्छा बताओ, बात तुम अटक गए, ना यार, ये वही क्लीशे टाइप का ही हो रहा है, मैं अटक गया हूँ. नहीं वापस आ गया, वापस आ गया, चलो हाँ वो भाई, मैं मेरे को लगा कि यार यार वही रिपीटेटिव टाइप का ये कर रहा है, ठीक है. लेकिन फिर जैसे जैसे आगे गया ना, तो लगने लगा कि हाँ थोड़ा एक्शन इम्प्रोवाइजेशन किया गया, और इसमें ज्यादा ये लोग फोकस भी कर रहा है, और वो चीज देख के हम और भी ज्यादा थोड़ा बेटर लगा, उम्मीद लगी कि हाँ ये जो बना रहा है ना, इसमें मजा आ सकता है, इट इज समथिंग जो कि वर्थ वॉचिंग हो सकता है, इसको हम लोग देख के इसके ऊपर बात कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम तो लगा भाई. अब आप बताओ. भाई। देखो हम बताए अपना तो हमको एक्शन थोड़ा सा ये लग गया कि इतना स्लो मोशन में दिखाना नहीं चाहिए था, बाकी सब कुछ सही इट्स था नॉट अबाउट रियल टाइम में दिखा रहा है, स्लो मोशन में कहाँ दिखाया यार. भाई। क्या बात करो, आखिरी वाला पार्ट सब तो स्लो मोशन में ही दिखाया, मतलब कि ऐसे गन पकड़ के फेंक रहा स्लो स्लो हो जा रहा, फिर इसको गन मार रहा स्लो हो जा रहा, फिर ये कर रहा स्लो हो जा रहा, आखिरी का 30% अच्छा स्लो स्लो आप सही था बिट्टू भाई, मतलब नॉट डेट स्लो बट थोड़ा थोड़ा स्लो दिखा रहा था, ठीक है। यही जब जैक स्नाइडर दिखाया था, तो दिस इज सिनेमा, दिस मैं इज वही तो मैं बोल रहा बिट्टू भाई सिनेमैटिक कि जैक स्नाइडर ने भी कहीं कहीं भी ज्यादा मतलब उस चीज को ही किया, साला हर चीज में मास्टरपीस. स्लो मोशन एंड एंशियंट म्यूजिक स्टार्टेड किया था जहां बनता है तुम्हारा, क्या एंशियंट बोलते ये आ म्यूजिक जाता था, भाई क्या बोलते उसको, एंशियंट हाँ म्यूजिक भी नहीं, हाँ एंशियंट चैंटिंग स्टार्टेड। भाई, रबले टाइप का ऐसे, मैंने अरे वंडर भाई वुमन का आधे चल रहा था. तो भाई ये रुस्लान मतलब काफी मतलब एक होता ना कि बेटर देन एवरेज मैं बोलूंगा, समझे, टेलर देख के, टेलर या टीजर जो भी था,
सीम्स एंड बेटर देन बेटर एवरेज। देन एवरेज यस। एंड बाकी देखते हैं और आते हैं किल पे भाई, जिसको ये कहा जा रहा है कि द मोस्ट ब्रूटल मूवी इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, जो क्लेम किया गया ट्रेलर में ही। तो क्या बोलोगे इसे पहले ये हाँ बताओ। बाय द सच वे इसमें बताऊँ जो ना, हमको एक्ट्रेस फाइट है देख के वो मजा आ फ्लेम रहा वाली था। एक्ट्रेस है बिट्टू भाई। अरे फ्लेम क्यों मेरे को क्या, मेरे को मतलब कि एक्शन देख के मजा आ रहा है। मतलब लाइक जिस ट्रेन में हम लोग ट्रेवल करते हैं उसी के अंदर वो बंदा वैसे एक्शन कर रहा है, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। फॉरेन का जो होता है ना ट्रेन में फाइट, वो सब बहुत ही लग्जरियस लगता है। इतना लगता है कि अपना क्या बोलते हैं अरे अभी जो पूरा बुलेट केविंग ट्रेन देखे थे वो वाला, बुलेट ट्रेन का तो अलग है। बुलेट ट्रेन, हाँ बुलेट ट्रेन भी था काफी तगड़ा। था हाँ यार, हाँ मतलब उसमें ऐसा ऐसा हम सेक्शन था यहाँ बिट्टू भाई पे की, शायद, मतलब हम शायद यहाँ पे जेम्स बॉन्ड और टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल वाला से ये कर रहे थे कि भाई उन लोग का देखते हैं ट्रेन फाइट तो थोड़ा ये रखा, लेकिन यहाँ पे ये बंदा लोग जो बना रहा है आई थिंक काफी अच्छा है और ग्राउंडेड फाइट सीक्वेंस लग रहा है। ऐसा नहीं कि भाई एक मारते ही एकदम ये टाइप का, बट एक पंच ये मार रहा क्लेम कर तोड़ रहा के है बिट्टू फेंका भाई जा रहा है। कि द मोस्ट ब्रूटल मूवी इंडिया से एवर प्रोड्यूस, करण जौहर के ही प्रोडक्शन में बनी ये मूवी है। तो क्लेम करने में क्या जाता है, क्लेम करने में तो आदिपुरुष भी क्लेम किया था कि हम बहुत अच्छा मूवी ला रहे हैं, एकदम एकदम वर्ड टू वर्ड वहां पे अवतार ला रहे फेल, थे, वो भी हमें अवतार अपना फेल। टेक है। हाँ क्लेम का क्या, क्लेम करने दो भाई, उसका क्लेम से नहीं, वो लोग जो रिजल्ट दिखाएगा उससे मैटर करता है। एग्री वो एग्री चीज अपन को दिख जाना, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग आई वुड से, वो चीज ये हो। एंड बेस्ट थिंग से मुझे याद आया कि इनविंसिबल खत्म हो गया सेकंड सीजन, एंड आई वुड से क्या बनाया है हाँ ठीक है, हाँ एंड बताओ बताओ हम भाई, बता हम रहे हैं। कंटिन्यू नहीं कर पाए यार, पार्ट वन के अलावा पार्ट टू में कंप्लीट नहीं कर पाए हम। ओके ठीक है, और हम ये बात क्यों बोल रहे हैं क्या बनाया है, क्योंकि जिस सीक्वेंस मतलब जिस रास्ते में ये मूवी सॉरी ये सीरीज जा रहा है ना, इनविंसिबल एक पॉइंट पे आके स्पाइडरमैन को राइवल करेगा। राइवल करेगा इन द सेंस कि जिस तरह हम लोग स्पाइडरमैन के फैंस है थे भाई ठीक साहब बड़ा है, स्टेटमेंट दे लाइक दियो अभी बिट्टू भी भाई, हैं। हाँ बड़ा स्टेटमेंट दियो याद रखना। बड़ा क्या ये फैक्ट है, और ऐसा नहीं कि ये फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, तुम वाई आर यू देखो बींग कोई भी अगर सलमान भाई बिट्टू इनविंसिबल भाई, देखा वाई हुआ। आर यू बींग सलमान भाई, हाँ बार बार ऐसे सलमान भाई क्यों बन रहे सबकी, हो। अरे थोड़ा भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, ये जो सीरीज जिस हिसाब से जा रही है ठीक है, मतलब मैं और जो भी एक ये स्पॉइलर अलर्ट, इसमें स्पाइडरमैन हमें दिख सकता था, बस अगर कंपनीज का लोचा नहीं होता, हम लोगों को स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट टाइप का इसमें दिखा हुआ है ठीक है, यू कैन से दैट। और यही नहीं, नॉट ओनली स्पाइडरमैन बैटमैन तक दिखा हुआ है। बैटमैन से पूछता है कि अच्छा तुम सूट पहनते हो रात को निकलते हो चमगादड़ वाला, लेकिन तुम्हारा नाम तो फिर भी बहुत वियर्ड है, लाइक बैटमैन का केप का ये दिखाकर थोड़ा उस सेटअप में हम लोग टीज कर दिया कि भाई देखिए बैटमैन से भी मिल के आ गया। स्पाइडरमैन का तो भाई सबसे पहले इसीलिए सारा रूमर आ रहा था कि स्पाइडरमैन को दिखाएगा ये लोग, और कॉमिक्स में ये लोग मिल चुका है, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन था यार दिखा देता। देखो हाँ कॉमिक वही कोलैबोरेशन तो उन लोग का भाई बहुत जगह होता है भाई, इमेज कॉमिक से कितने बार कोलैबोरेशन हुआ है कि नहीं, ये सब हुआ है। बट आई थिंक बिल्कुल इसकी लाइव बिल्कुल। एक्शन में करना इज अ बिग थिंग, इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ उसके लिए थोड़ा सोनी का ही बट थे, एक मिनट, अरे लाइव ठीक एक्शन, है, और अरे डॉक्टर भाई ऑक्टोपस जैसे का कैरेक्टर था शायद, भाई भाई प्रोफेसर इसका नाम ऑक्स ऐसे कुछ स्पाइडरमैन करके। नहीं है, इसका नाम मैन स्पाइडर है। लो सोनी क्या कर लेगा। अब करते रहो तुम जो कर रहे, दिखा दिया ये लोग वही मस्त तो, एकदम। मैन स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन के लोगों में ह्यूमन का थोड़ा सा नहीं टच होता है ना, इसमें ह्यूमन में स्पाइडर का टच कर देगा। अरे नहीं, ये लोग ना बहुत अच्छे से दिखाया, हम बता रहे हैं मतलब जिस तरीके से अच्छे से, इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं कि लगे कि बहुत फोर्सफुल है ठीक है, बहुत ही पन पन में दिखा दिया कि जो समझने वाले वो समझ गए, जो नहीं समझने वाले वो नहीं समझे, नहीं समझने का हो नहीं सकता यार, स्पाइडरमैन को कोई नहीं समझ पाएगा है, ऐसा तो होने से रहा ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरा ये का ठीक है, तो इसमें एंटमैन का ठीक है, देखो अब एक मिनट, आता है यहां इसमें पर ये भी बात। है? नहीं, मैं रिलेशन बैठा रहा हूं ओके ओके, ठीक है, बताओ बताओ बताओ। जैसे होता है ना कि बॉयज में हम लोगों को दिखा दिया जाता है कि देखो सुपर हीरो ऐसा कर सकता था लेकिन ये लोग किया नहीं, क्योंकि इन लोग के अंदर वो दम नहीं था, एक ये नहीं था ऐसे करके ठीक है। तो इसमें जो वो बड़ा छोटा होने वाले कैरेक्टर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल ठीक है, तो वो कैरेक्टर बेसिकली वो लाइक उसको डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है, क्या आपको पता है कि क्यों एंट मैन थानोस के कान में घुस के बड़ा क्यों नहीं हुआ, या फिर कहीं और घुस के ये बड़ा तो द क्यों नहीं बॉयज में हुआ। दिखाया भी गया था ना शायद, थोड़ा क्या सा दिखाया था बॉयज में, द बॉयज बॉयज में में क्या कहीं पे दिखाया था घुसा था बताओ। भाई,
कहीं तो घुसा था, हाँ, तो उसको छोड़ा ना, वो तो थोड़ा इधर में चला गया, एडल्ट मतलब में चला एक गया। लॉजिकल और एक ये रीजनिंग कि क्यों क्यों अगर एंटमैन वो काम करता तो भी काम नहीं बनता, ऐसा इसमें दिखा दिया गया। क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर रहती है वो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर का, मतलब बाई पावरफुल इन द सेंस बाई स्ट्रेंथ, ठीक है, के अंदर, मैंने मुंह के अंदर चली जाती है, अंदर जाके यहाँ पे या फिर थ्रोट में आके वो बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन सबको लगता है कि अब ये ब्लास्ट करके ये होगी, क्योंकि इससे पहले जिसके साथ भी वो की वो हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ वो नहीं होती है, उल्टा वही खुद दब के मर जाती है अबे भाई। यार ये नहीं बोलना था, वो यही उदब के, कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शी सर्वाइव्स, शी सर्व उस टाइम फॉर टाइम पीरियड लगता है कि शी इज डेड बट शी सर्वाइव्स, ठीक है। तो यही चीज एंटमैन के साथ होता था, एंटमैन वो चीज करता था थैनोस के साथ, तो ये चीज मेरे को बहुत तगड़ा लगा कि लो जिस तरह दिखाया। अरे भाई स्पाइडरमैन, एक काम कर, स्पाइडरमैन मतलब अमेज़न पार्टी दे रहा बेसिकली बंदा कि भाई सोनी देखो वाला नहीं दे रहा तुम्हें। स्पाइडरमैन का जितना हो सकता है वैसे वैसे नाम लिखते जाओ, उसका वैसे कुछ नाम पता नहीं चला था तो हम लोग वही रख देते हैं, ठीक प्लोइंग है। प्लोइंग अब तक बोले थे बेटा, मैं प्लोइंग देखो। बस बस ठीक है, इफ यू आर नॉट, मेरा हाथ दिखा था कि नहीं दिखा था, बस बस यस, दिखा थामा था, थामा, थाम्बा। मेरी भी आंखें जा रही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसके पीछे के कुछ रीजन है ब्रो। हमको कुछ कुछ चीज इसमें बहुत अच्छा लगा था, लाइक फिर से मैं बोलूंगा तो यार यही हो जाएगी, या फिर से ये यार ज्ञान का बात देने लग गया। देखो मैं यहाँ पे ना ज्ञान की बात तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ, उसमें ना हैरक्सन नाम, तुम सीजन टू का फर्स्ट पार्ट देखे हो? फर्स्ट पार्ट देखा अच्छा मैंने, फर्स्ट पार्ट देखा वो, यस। हाँ, तो जो फर्स्ट पार्ट देखे हुए हैं ना, तो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि उसका एक बच्चा हुआ था, मतलब ये लोग वो प्लेनेट जाता है जहाँ पे वो ये टाइप का रहता है, ग्रास हॉपर टाइप का प्रजाति रहता है। भाई अलग एक डायमेंशन में तो उसका बाप के साथ है ये, एक डायमेंशन में उसका बाप मतलब क्या कहते हैं, उसका बाप भी सेकेंड हीरो है सीजन का उसके एंड, साथ। सेकेंड सीजन का फोर्थ एपिसोड एंड में क्या देखा था तुम, क्या याद है? तब तुम ये भाई बताओ, आखिरी तब तक एपिसोड हम नहीं यहाँ देखा, पे, अच्छा सॉरी आखिरी एपिसोड ही नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इसके बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं बोला जब आएगा तब देखूंगा, तो मैंने वो देखा नहीं। उसमें कुछ है क्या मतलब बड़ा वाला टाइप? लेट मी स्पीक ओके देन, ठीक ओके है। ओके ओके सबसे पहले सर तुम्हारा करेक्शन, नमन भाई ने किया, किल टीजर में जो क्लेम किए गए हैं ना वो उन लोगों का क्लेम नहीं है, बल्कि फेस्टिवल रिलीज में के प्रीव्यूज है, ठीक है, सबसे अच्छा पहला फिर बात। दूसरा बात भाई, मकड़ मानव मकड़ी मानव ये सब बहुत कॉमन हो गया यार, कुछ थोड़ा इनोवेटिव लाया। स्पाइडर मॉन्क हमको लगता ब्रेकअप है सर्च मैन, मारेंगे सही में कैरेक्टर निकल के आ जाएगा, स्पाइडर मैन तो भाई ये तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब स्पूटरमैन तो मार्वल में ही है, मार्वल मल्टीवर्स में ही है। वही तो यार, यार बी क्रिएटिव गाइस, स्पाइडरमैन का नाम सोचने में इतना क्या सोचना, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ हेरेक्सन जो होते हैं, हेरेक्सन या ऐसा कुछ नाम रहता है उन लोगों का प्रजाति का, इन लोगों का लाइफ स्पैन ह्यूमन के मुताबिक बहुत छोटा होता है, लोग बहुत जल्दी ये होते हैं मर जाता है, ठीक है। तो क्या है ना इसमें ना, इन लोग बहुत मस्त बात बोलता है, ठीक है, कि हम लोग ना कुछ भी होता है ना उसपे किसी को ब्लेम नहीं करते, हम लोग बस मूव ऑन कर जाते हैं आगे, और जो भी चीज हुआ उसको रिबिल्ड करने में लग जाते हैं। हमको ये चीज बहुत अच्छा लगा कि लाइक भाई इतना सा जिंदगी है, इसमें हम लोग किसी बात को पकड़ के रहने से अच्छा है कि ना हम लोग इससे आगे बढ़े और जो चीजें बिगड़ चुकी है उसको ठीक करने में लगे रहे। बहुत ही मतलब मेरे को लगता है थॉट प्रोसेस भी ये था। एंड इसके बाद फिर आ जाता है पता है क्या, अब मैं बताता हूँ कि मतलब ये जो रीजंस मैं बता रहा हूँ, यही रीजंस की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये ना बराबरी कर सकता है स्पाइडरमैन का ये का भी, ठीक है, क्योंकि स्पाइडरमैन अपने ये से लिमिटेड है, लाइक उसका आर रेटेड वाला चीज है इसमें नहीं है, इसमें आर रेटेड का कुछ ये झोल नहीं है, इसमें आर रेटेड का मसाला लगा के लोग और पैसा छाप रहा है, क्योंकि एक सीन रहता है, लाइक क्या सीन था, एक मॉन्स्टर का अंदर से वो एक विल्टोमाइट जाती है, निकल के आती है पूरा रेड रेड, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं वो रेड रेड किया है, बट एक हल्का सा शेक से ही मतलब वो पूरा ब्लड हट जाता है, रेड वो गिर ब्लड स्पाइडर मंकी। अरे भाई पता है सही में स्पाइडर मंकी नाम का एक ये है, एग्जिस्ट करता है, हम लोगों को लगा था यार कि कुछ जो उन लोगों ने नाम रखा होगा, स्पाइडर गोरिल्ला, गोरिल्ला तो नहीं था यार। कमिंग बैक टू, और एक क्यों और एक रीजन देते, लाइक अभी ना इनविंसिबल इसमें कई सारी चीजों से गुजर रहा है, अपना लाइफ लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपना पढ़ाई को नहीं बैलेंस कर पा रहा, अपना वर्क को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो वाला एक सुपर हीरो क्लैश भी देख, मतलब जो होता है ना कि
अगर इसको सुपर हीरो से अलग करके इन जनरल भी देखा जाए, तो कैसे एक फैमिली सफर करता है किसी अपने फैमिली के मेन जो पिलर होते हैं उनके काम करने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस में होते या आर्मी में होते, तो वो लोग कितने समय समय तक अपने फैमिली से दूर रहते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी एंड फॉर देम ओनली, राइट। यस तो यस इन यस चीज का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको एक सुपर हीरो परस्पेक्टिव से दिखाया जा रहा है कि कितना बार ऐसा था जब इनविंसिबल को उसकी मॉम को ओमनीमैन का जरूरत था पर वो था ही नहीं वहां पर। ठीक पहला पार्ट है, हमने देखा हुआ सेम उसी चीज, में। यस हाँ, और सेम चीज यहाँ अभी इनविंसिबल के साथ हो रहा है कि वो अपने काम में इतना ज्यादा ये मिक्स होकर रह गया है कि वो अपनी इसको टाइम नहीं दे पा रहा है, गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो फिर वही चीज हो रहा है। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब एक बस दिखाता है सीक्वेंस, ठीक है, दोनों को दिख रहा है कि दोनों के अंदर ना थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और दूरियां बनते जा रही है। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग इंसान से जाके सजेशन मांग रहा है और दोनों एक ही बात बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं उसके लिए ठीक नहीं, मैं उसके लिए फिट नहीं। और इस पे जो दोनों को सजेशन दे रहा होता है उल्लू बोलता है ये बात तुमको उसके साथ करना चाहिए, मेरे साथ नहीं। ठीक है, तो भाई तुम देखोगे ना तो इनविंसिबल ओवरऑल एक बहुत ही तगड़ा मैंने ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, उनको ऐसा लगता है। इसमें जो विलन्स भी जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा एकदम ये टाइप का, ऐसा लग नहीं रहा कि अभी एंड होगा, अब एंड होगा, ये लग रहा है कि हाँ भाई चलेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का। और फिर अभी वो एक आंख वाला कैरेक्टर का वापसी हुआ भाई, उसको देख के तो अलग ही मजा आता है। बस थोड़ा सा लिमिटेशन है, नहीं तो भाई वो उनको डेडपुल वाला वाइब दे देता है वो बंदा, बहुत सही है वो। सो ओवरऑल कहा जाए तो अगर किसी ने इनविंसिबल नहीं देखा है तो भाई जाकर देखो, इनविंसिबल बहुत तगड़ा है। बस अपना थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए कि वो आर रेटेड है, उसमें बहुत ज्यादा लाल कलर है, तो आपको लाल कलर से बच के रहना होगा, खून खराब है, किसी किसी को ये लग सकता है। ठीक वीडियो है, में फिक्स में कुछ तुमको दिख रहा है क्या? क्लियरली कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना, किसमें तुम्हारे मेरे दिमाग चश्मे में सब कुछ दिख रहा है भाई, उसको उतार पहले, इडियट, सारा पासवर्ड बता देगा। अरे हाँ, इसमें एक चीज हमको दिखा है जो सरपेंट सोसाइटी जो दिखा रहा है, अगर मार्वल दिखाना चाहता तो उसको अच्छे से दिखा सकता था, बट नहीं लगता कि ये कर पाएगा। खैर, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है अशरफ भाई? गलत नहीं टॉपिक। देखो अशरफ, तुम तो देख लेना भाई, और बाकी ऑडियंस में से अगर किसी ने नहीं देखा ना तो भाई देख लो, मजा आ मैं भी जाएगा। यह बताता हूँ तब टॉपिक क्या होता है, बस एक अगले मिनट। टॉपिक में जाने से पहले बात कर लेते ब्रेकअप मैन भाई। ब्रेकअप तो उसका होते रहता है, रख भी सकते थे, भरोसा नहीं यार। स्पाइडर लैंटर, अरे भाई स्पाइडरमैन पे हाँ बात ये करें ना, बात उसमें भी आते बताओ हैं भाई। विक्टो भाई, अरे स्पाइडरमैन पे ही आते हैं ना। एक एक क्वेश्चन दे देते हैं ओके स्पाइडरमैन का ओके आने से ओके पहले, ओके ठीक है। ओके 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 मान लो ओके कि स्पाइडरमैन डीसी यूनिवर्स में होता और वो एक ग्रीन लैंटर्न होता, तो उसको कौन सा कलर का रिंग मिलता, चलो बताओ आप लोग, देखते हैं। बताओ 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 बताओ। और तब तक हाँ, अब अशरफ तुम बताओ क्या है स्पाइडरमैन से रिलेटेड अपडेट, बताओ। मैडम वेब का कॉन्सेप्ट आट आया है, ठीक है, जिसमें ये रिवील हुआ है कि जो एजेकिल का जो करेक्टर था ना, उससे स्पाइडरमैन फाइनल फिनाले में लड़ रहा था। मतलब फिनाले बोलते हैं, फिनाले फाइनल नहीं, सॉरी, क्लाइमेक्स में लड़ रहा था। मेरे को जहां तक पता है देयर वॉज नो प्रूफ नो ये ऑफ कि वो फाइनल फाइट है, बस ये है कि एक सीन ऐसा होने वाला था, एंड आई थिंक इट इज पॉसिबल, मतलब वो रीजन सब बीइंग फिनाले का ही टाइप का था, क्योंकि याद होगा तो स्पाइडरमैन के जिंदा और मरने को लेकर ये सीन था, याद होगा तो। मैं बताता हूँ कि यस मैं यस मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज स्पाइडरमैन के जिंदा मरने या फिर से रिलेटेड नहीं है। रीजन बीइंग कि जो एजेकिल रहता है, ठीक है, वो फ्यूचर का देखता है, ठीक है, तो उसको जो फ्यूचर के ये सब दिख रहे होते हैं उसमें वो क्या देखता है कि ये चारों लड़कियां ही आगे जाके एक स्पाइडर पीपल का सोसाइटी का पार्ट बनती है और यही लोग मेरे को खत्म करती है। ठीक है, तो इसको दिक्कत उस चीज से था, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो पीटर को टारगेट कर रहा होता उसकी, क्योंकि उसको पता है ये जो इसकी मॉम है, क्या नाम था, पीटर की मॉम, उसको अगर हम अभी खत्म कर देते तो ये बाद में मेरे लिए कैरेक्टर बनेगा ही नहीं, तो क्योंकि आगे में जाके तो उस तरह एक ये कर सकता था, पॉइंट पॉइंट है ना, उस तरीके से ही फिट बैठ सकता है, वरना कैसे। इफ ऐसा केस है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है और यूसी में चल रहा होता है, तब तो उसको इंटरफेयर करना चाहिए था, दिखाने का दिखा सकते हैं, बट एमसीयू और फिर सोनी यूनिवर्स थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, और फिर अलग से वो है ही सोनी के नखड़े, सोनी नखड़े तेनो, दैट्स द थिंग। स्पाइडर ब्लू लैंटर्न, ब्लू लैंटर्न कंसीडर हो सकता, हाँ हो सकता है यार, ब्लू लैंटर्न
यस ही कैन बी, ही कैन बी। चलो और अशरफ टॉपिक। यस तो मतलब क्या मैं बोला ये न्यूज़ में मैं बोल लेता था ना कि इस पे जो मतलब सीन दिखाया गया कि स्पाइडरमैन को लेकर जो कॉन्सेप्ट आर्ट था वो भी टॉम हॉलैंड वाला याद होगा तो स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट आर्ट था तो कहीं खिचड़ी हाँ नहीं बन जाता अगर वो चीज़ ऐसा करते तो अच्छा वो क्यों नहीं किया अगर तुम देखो तो मूवी ऐसे भी खिचड़ी बना का था। बनने में देखो ये कहानी पास्ट का चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर ये लोग ये दिखा देते, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चीज किसी और यूनिवर्स में हो रहा हो, जरूरी थोड़ी। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज को ले लो, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर अलग अलग यूनिवर्स में एक जैसा दिखता है कि ओके नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन अलग अलग दिखता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ यूनिवर्स में ऐसा दिखता है, तो बोल सकता है कि उस यूनिवर्स का बात था, बस सिंपल, पॉइंट और क्या, उस तरीके से कर सकता था। लेकिन लोग बेच रहे थे टॉम हॉलैंड की पार्टी के नाम पे अगर बेचने वाले थे बेसिकली बाद में डिलीट कर दिया और कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला था कि इन लोगों ने कंटिन्यू नहीं करा उस आइडिया के साथ क्योंकि भाई देखो मैडम वेब तो वैसे भी कुछ छाप छोड़ नहीं पाई अगर तुम देखोगे तो है कि नहीं तो मैडम वेब खैर स्पाइडरमैन का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये खराब होता नाम वाम है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खैर अगले टॉपिक पे आते हैं भाई जोकर टू यस। का पोस्टर देखे हाँ देखें, अच्छा अब बस ये ना हाइप बना रहा है यार ये लोग, मतलब ठीक है, अब अपने को रियल टीजर भी जो रियल चाहिए यार, है कहीं रियल। से क्या कहते हैं इसमें और आएगा क्या बोलते हैं किसमें था यार सिनेमा कौन में यस सिनेमा ऐसा कौन में आ रहा है 8 या 9 अप्रैल को आएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना इसलिए इंटरेस्ट जा रहा है जोकर को लेके कि बैटमैन के बिना जोकर अगर सोसाइटी का एनार्की या केओस को दिखाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होगा? क्या वो लोग वो पूरा केओस ऑल आउट दिखाएगा जैसे फर्स्ट पार्ट में दिखाया, कि फर्स्ट पार्ट में जैसे लेयर्स में खेल गया वो चीज? क्योंकि अगर याद हो तो कई सारी चीजें जो फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से दिखाई गई है ना, तो ऐसा लगे कि ये सब जोकर के दिमाग में चला है, वो अब एक साइकेट्रिक पेशेंट है और एंड में उधर ही गया है, तभी तो वो अब मिलेगा हार्ली क्वीन से, यू नो, ऐसा लेट्स सी अभी तो सीन ऐसा है कि नथिंग इज फॉर खैर हाँ टीजर को लेकर अच्छा हाँ जो थ्योरी चल रही है बिट्टू भाई कि जोकर टू कौन जो है एक सी? तो देखो ये तो ऑफिशियल है कि जोकर टू म्यूजिकल होगा है कि नहीं ये तो फिक्स हो चुका है कि नहीं इसका हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट हुआ था वो म्यूजिकल ही टाइप का अनाउंसमेंट भी था याद होगा तो लाफ ड्यू हाँ करके कुछ नाम था ना फॉल द ड्यू करके नाम भी भूल गया मैं तो खैर हाँ द थिंग इज कि म्यूजिकल होगा। अभी थ्योरी ये चल रही है कि जोकर टू म्यूजिकल इसलिए है क्योंकि वो जोकर के माइंड में चल रहा है ये स्टोरी पूरा का पूरा जोकर और हार्ली क्वीन का अरे वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्या बोलते हैं जोकर का, वो भी कई सारी थ्योरी जैसा कहती हैं क्योंकि कि जब भी टाइम दिखाया था हमारा, वो वही था एक ही टाइम था यार जो थ्योरी चली थी उस टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है इसमें हम लोग का बहुत बार बात भी हुआ था यार या तो जब भी टाइम दिखाया गया हॉस्पिटल में टाइम दिखाया गया था और जहाँ जहाँ भी टाइम दिखाया था टाइम एक ही टाइम था मतलब हर जगह एक ही टाइम कैसे पॉसिबल हो सकता है लेकिन आई थिंक 8 बज रहा था या 10 बज रहा था हम थिंक कुछ तो टाइम था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली बट आई थिंक इसी मेरे को टाइम एक याद ही है। था हाँ टाइम एक ही था ये याद है मुझे समझे तुम लोगों क्या लगता है कमेंट में बताओ यार क्या थ्योरी हो सकता है कि जोकर वन जो हुआ था इवेंट वो भी मतलब रियल में हुआ था या फिर उसके माइंड का ही मतलब ये था ऊपर था एंड टू को लेकर हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली टू में यही होगा म्यूजिकल वाले को लेकर देखो अब देखो बात बताते, जोकर इसलिए भी ये हो गया ना क्योंकि भाई उसमें वो ये था कि भाई इंसेप्शन जैसा कि उसके दिमाग में चल रहा था या फिर ये करेगा, बट अब जोकर टू का क्या सीन है कि इसका मोस्ट प्रोबेबली वो सब दिमाग में ही चल रहा होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, इसीलिए वो एक जो ये फैक्टर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो एक्स फैक्टर जो कि हिडन फैक्टर होता है, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वो चीज अरे यहाँ नहीं बिट्टू भाई करेगा। एक और चीज़ ना कि अभी अनाउंस अभी कमेंट सेक्शन भी देखा मैंने मूवी का तो बताना कि इसमें 15 सॉन्ग होंगे भाई जो कट्टो में तो 15 सॉन्ग हाँ एक मूवी में मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है यार चलो बॉलीवुड में अरे छः कुछ सात नहीं, सॉन्ग रहता तो भाई हम लोग की मतलब ये आता भाई कि यार इतना सॉन्ग है बॉलीवुड में देखो अरे ये किया जा रहा है, डिज्नी को टक्कर देने की प्लानिंग चल रही है, यू नो, तुमको क्या अरे लगा था तो यहाँ कहता पे था बोला हम तो डायलॉग है ना, डूबेंगे सनम तुमको भी ले सही डूबेंगे
नेक्स्ट जब मौका आने पे सबसे बड़ा छलांग हम ही मारेंगे, ठीक अच्छा ठीक है, है वो वाला एक हाल है। बात और, जो तुमसे भी और ऑडियंस से भी, जोकर वन जो था पहले मूवी वो बिलियन गई थी, है कि नहीं? डीसी का दूसरा प्रोजेक्ट जो कि बिलियन में गई थी, पहला तो ऑब्वियस सी बात है ये था शज़ाम, है ना, दूसरा जोकर था। क्या लगता है जोकर टू सेम हाइप के साथ आ पाएगी और क्या वो बिलियन पे जा पाएगी? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं तो इस पर एग्री करोगे कि सुपर हीरो फटिक खाता है, ये सुपर हीरो फटिक इज रियल, हम लोग को दिख गया, ठीक है। द थिंग इज कि क्या ऑडियंस उतना कंट्रीब्यूट कर पाएगी जितना 2019 में करी थी, क्योंकि 2019 पीक था भाई सुपर हीरो मतलब जॉनरा के लिए। आई वुड से ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और जोकर बैटमैन के दम पे भी बहुत ही है ना, लाइक बैटमैन के बिना उसका क्या वजूद है, ये देखने के लिए भी काफी लोग चले गए थे। एंड ये सुपर हीरो फटीक वाला चीज तो बहुत है लाइक, और इसका सबसे ज्यादा बड़ा दोस्त तो मार्वल को ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जो एमसीयू वाला चीज करके रखा हुआ। लाइक अभी उन लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया है कि सिल्वर सर्फर फीमेल होगी, ठीक है। अभी जो फीमेल होने वाली है इसको लेके सब बोल रहे कि भाई फिर से वो एमसीयू वाला चीज, इसको फीमेल करने का क्या जरूरत है। और आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा लोग ये बात भी नहीं जान रहे होंगे कि ओरिजिनल वाला का नाम क्या था, ओरिजिनल सिल्वर सर्फर का, बस जानते सिल्वर सर्फर नाम है और वो मेल था, सिल्वर बस सर्फर मेल भी है यही फीमेल याद भी हो। है, नो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थिंग उसका इज यू नो फीमेल फीमेल ही कैरेक्टर है, चुना और इस टाइम पे जब इतना कुछ मतलब जान रहा है मार्वल के भी सीन का चल रहा है, ऊपर से फंटास्टिक फोर का सक्सेस पे बहुत रिलाई कर रहा है मार्वल, फंटास्टिक फोर पे, डेडपूल 3 पे, अभी अगर देखा जाए तो, है कि नहीं? बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए इस बिल्कुल चक्कर में उन्होंने, डिले कर दिए कितने प्रोजेक्ट उन्होंने। अभी देखो क्या नाम था मूवी का यार, कौन सा कोई तो वॉर करके था ना, वेरवुल्फ बाय नाइट, अरे यार वॉर मशीन को लेकर एक मूवी थी ना, क्या नाम था, आर्मर वॉर्स, आर्मर वॉर्स, यस, वो भी कैंसिल हो गया, पता भी नहीं चला, है कि नहीं? इसे वो बहुत बेहूदा डिसीजन था, वो आर्मर वॉर्स लाना चाहिए था, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि रोडी उसमें फिट बैठ सकता था, बट बाकी लोग नहीं फिट बैठ रही हैं। रोडी के साथ सिविल प्रोड्यूसर भी वार तो नहीं कंफर्म भाई हुए था ना, सुल्तान कंफर्म भी तो हुए थे भाई। भाई, सिविल वार नहीं, सिविल वार टू। अब ये जो बोले वो आर्मर वॉर्स को लेके है, और जो सिविल वार वाला है ना वो सिविल वार टू हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक तरफ, चलो एक तरफ कोई बहुत पावरफुल कैरेक्टर स्टैंड कर भी लेना, तो उसके ऑपोजिट में कोई दूसरा अर्थ पे प्रेजेंटली मौजूद नहीं है कोई पावरफुल कैरेक्टर स्टैंड करने के लिए। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। पॉइंट और अगर हम लोग बात करें जो हम फीमेल सिल्वर सर्फर को लेकर बोल रहे हैं, तो भाई जो पावरफुल, हम लोग को ये बात पक्का अभी कंफर्म कर दिया गया है कि जो फैंटास्टिक फोर की कहानी हम लोग को दिखाई जा रही है वो मेन यूनिवर्स की नहीं है, वो दूसरी यूनिवर्स की है। तो अगर वो दूसरी यूनिवर्स की है तो भाई वहां पर कोई भी सिल्वर सर्फर बन सकती है, और ऐसा नहीं है कि भाई तो वहां पर उन लोगों ने उसको चूज किया क्योंकि ये सिल्वर सर्फर एंड में खत्म हो जाएगी या मर जाएगी, अपनी एंड ये हो जाएगी तभी, या फिर ऐसा भी दिखा सकते कि जब मर्जर हो तो वहां पे मेल सुपर हीरो भी रहे और फीमेल सुपर हीरो भी रहे, मतलब सॉरी सुपर हीरो सिल्वर सर्फर और फीमेल सिल्वर सर्फर भी रहे, दोनों सिल्वर सर्फर रहे, और दोनों पता है कौन है सिल्वर सर्फर, जो फीमेल वाली होगी वो वही होगी, जो मेल वाले की जो लवर थी ना वही बनती है, बनी है इधर, ठीक है। तो अगर मर्ज कर देगा तो दोनों एक साथ आ जाएगा, तो इस तरीके से देखा जाना तो भाई कर सकता है। और क्योंकि लोग पास कॉस्मिक पावर थोड़ा सा, सॉरी कॉस्मिक पावर का थोड़ा सा ये है F4 इन अल्टरनेटिव रियलिटीज इज 1960s। हाँ, और अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई वो 1960s में क्या कर रहा है, या फिर देखो देखो ये थोड़ा सा एक वाइल्ड थ्योरी टाइप का हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है ना वो थोड़ा अर्ली स्टेज में ही इंकर्जन की ओर बढ़ रहा होगा, ठीक है, और वहां पर जो डायरेक्टर्स रहेगा वो इस चीज को सेंस कर लेगा। अब भाई उसका यूनिवर्स का कोलैप्स होना मतलब कि डायरेक्टर्स का भी ये खत्म होना, एंड गैलेक्टस का काम क्या है, बेसिकली वो यूनिवर्स का जो पावर बैलेंस है उसको बनाए रखता है, तो इसीलिए वो कंज्यूम करते रहता है। तो वो आएगा अर्थ को कंज्यूम करने, फैंटास्टिक फोर बोलेगा क्यों कर रहे हो भाई बताना जरा, तो बोलेगा इसलिए क्योंकि इनकर्जन में तो खत्म होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, एक यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हारा अर्थ बस क्यों छोड़ दें हम, ठीक है। तो बोलेगा अगर ऐसा है तो इनकर्जन रोकने में हम मदद कर सकते हैं, और इसमें हम तुम्हारा मदद कैसे करेंगे, तो भाई दिमाग है मेरे पास, और फिर मेरे पास मेरा एक बच्चा है जिसके पास रियलिटी अल्ट्रेशन पावर है जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड, तो ब्रो आपका काम हो जाएगा, बस हमारे प्लान को छोड़ दो। तो बोला ओके ओके, लेकिन उसका प्लान आगे जाके ये तबाह होगा तभी तो सीक्रेट वॉर्स बनेगा, या फिर कुछ ना कुछ लोग तिकड़म लगाएंगे, और यही इन सब चीजों के चक्कर में मतलब लोग 1960s के टाइम से प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा, या फिर उस टाइम से लोग ट्रैवल करेगा तो दूसरा यूनिवर्स में जाएगा, तो लोग मेन यूनिवर्स में आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है।
ठीक है, तुम देख रहे हो भाई यहाँ पे वैसे कोई मेल फीमेल वाला बात नहीं है यार। ऐसे भी फैंटास्टिक फोर में 3 मेल है 1 फीमेल है, किसी को फर्क थोड़ी पड़ रहा है उसमें। लाइक अगर आ रही है, देखो जो फोर्स होता है ना उससे हम लोग को दिक्कत है, लेकिन अगर कहानी को अच्छे से दिखा रहे हो, कहानी के रिक्वायरमेंट है तब ला रहे ना, तो वो अच्छा बात है भाई। हर चीज में एमसीयू मत क्रिएट कर दिया करो, ठीक है। मेरा तो यही कहना है। सही बोला डायरेक्टर जी, लाइक मुझे खाने दो मुझे भूख लगी। भाई तू सच रहा है, हम लोग अर्थ को लड्डू जैसा खाता है, कितना पावरफुल होगा। बेसिकली अभी तक गैलेक्टस को ढंग से दिखाया नहीं गया, अगर दिखा देना तो मजा आ जाएगा, ये बात आ जाती है ये। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं ना है, बस ये है कि सिल्वर सर्फर आएगा, गैलेक्टस आएगा, लेकिन मेन विलन शायद तक डूम नहीं रहेगा उसमें, डूम डूम को नहीं शायद है, डूम हिंट नहीं किया है, जाए। गैलेक्टस ही है या फिर सिल्वर सर्फर है। या फिर होता है कि भाई देखो मेन विलन गैलेक्टस है, पर इसमें सर्फ जो है सिल्वर सर्फर कर रहा है, एंड जैसे हम लोगों ने फैंटास्टिक फोर 2005 वाली में देखा था, है कि नहीं? वो हमेशा से रहा है, लेकिन उसमें 2005 वाल में दिखाया थोड़ी था, उसमें तो एक तूफान जैसा दिखाता था खाने के लिए ऐसे आ रहा है, और बस एक बिजली कड़कता है तो एक शेप बनते हुए दिखता है, दैट इज डिफरेंट। बट हाँ देखा जाए तो गैलेक्टस इज लाइक अस, भाई मुझे भूख लगी है मुझे खाना है। देखो तो मुझे तुम्हें खाने भूखे इंसान को दो। हाँ खाने भी नहीं देते यार, बताओ इतने बुरे लोग हैं ये एक अर्थी बोलेगा तो मांग रहा हूँ खाने को, कौन से क्या बड़ी चीज मांग रहे एक क्या बड़ी चीज होगी भाई। अरे भाई बड़ा चीज से याद आया, डेयरडेविल बॉर्न अगेन में आ रहे हैं हमारे जॉन यस बर्टमान का, यही नाम है उनका, कंफर्म है, वो पनिशर तो कंफर्म है यार। भाई। पर एक और न्यूज़ बिट्टू भाई, कि उसका हाँ देखो 18 हाँ एपिसोड था पहले, है ना, अब हाँ उसको दो हाँ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 9 9 एपिसोड का 2 सीजन रहेगा। ओके, तब तो कहीं ना कहीं ये सही तो भी शायद है हम लोग डिसीजन, कि 2 सीजन में आएगा तो थोड़ा सा ऑडियंस भी एक्साइट रहेगी, एंड ज़्यादा लंबा भी नहीं पड़ेगा, तो मतलब जो ऑडियंस लंबा के चक्कर में नहीं देखे वो भी कटर कर ले, है ना। तो मैं बता रहा हूँ बिट्टू भाई, डेयर डेविल सीरीज में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि देखो डेयर डेविल का पहले से फैन बेस है नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल का, राइट। और क्योंकि वो उसी के कास्ट को ये लोग वापस ला भी रहे हैं, मैक्सिमम कास्ट को, तो यस उसकी ऑडियंस भी देखेगी देखेगी, जबकि मार्वल हाँ ऑडियंस है वो भी देखेगी। ये डेफिनेटली। लेकिन हाँ इस चीज को लेकर यहाँ पे यही बोलूंगा गाइज, अगर आप लोगों ने डेयर डेविल नहीं देखा है ना तो यू आर मिसिंग द पीक ऑफ सुपर हीरो सीरीज, ठीक है। पॉइंट लाइक बहुत सारे सुपर हीरो शोज आए हैं, लेकिन डेयर डेविल जैसा कोई नहीं आया उससे, कोई नहीं इन द सेंस कि मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एक टाइम ऐसा था एमसीयू मूवीज में रॉक कर रहा है, लाइक टॉप पे चल रहा भाई, है, ठीक मूवी है। आ रही है मतलब हिट आ रही है, हिट सीता ऐसा था। मैंने आना हिट तय है, ठीक है, दिस इज व्हाट सुपर हीरो मूवीज वर इन एमसीयू। और डीसी का ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन डीसी का जो सबसे तगड़ा चल रहा था वो था उसका एनिमेटेड मूवीज, और दूसरा एरोवर्स। एरोवर्स एक लास्ट चल रहा था, लाइक कुछ नहीं था भाई उसके सामने, कुछ नहीं, ठीक है। एनिमेटेड वाले में भी हम बोलेंगे डीसी ड्रॉप कर रहा था, लेकिन जो लाइव एक्शन वाला था सीरीज में उसमें एरोवर्स टॉप कर रहा था, उससे पहले तो स्मॉल विले था। लाइक भाई कोई प्योर डोमिनेंस था, ठीक है, लेकिन उस पूरे प्योर डोमिनेंस को ऐसे आज के हथौड़े लेके टक टक मार के तोड़ा था, वो था डेयर डेविल। लाइक पॉइंट वेरी फ्रॉम वेरी स्टार्ट, ठीक है। लाइक वो एक कॉमिकल सीन रहता है, तो वो लोग कैरन पेज के पास जाता है, बोलता है कि हम लोग तुम्हारा केस देंगे, बोलते कि तुम लोग कितने देर से वकालत कर रहे हो, बोलता है फिर टाइम बताना जरा 12 22, ओके हम लोगों 7 घंटे हो गए हम लोग को ये किए हुए। लाइक उनका वो पहला केस रहता है और इतना ये के साथ करता है। लाइक डेयर डेविल देखो भाई मैं बोलूँ, और उसमें भाई भाई, उसमें कॉमेडी इलेक्ट्रा भी को उस जैसे लेवल का दिखाया था यार, है कि नहीं, मतलब जादू ना, कॉमेडी देखो हम बोले कॉमेडी मत बोलो, थोड़ा ह्यूमर बोलो, अब ह्यूमर, दोनों में यस अंतर यस क्या है यस भाई यस आप यस लोग यस गूगल कर लो, ठीक नहीं नहीं एग्री है। एग्री एग्री विद दैट, एग्री विद दैट, एग्री विद दैट, कॉमेडी नहीं भाई ह्यूमर। भाई आई बीट यू वो वाला सीन अभी भी याद है भाई। अरे भाई पता है इस पे ना किंग एक इवेंट, एक को इवेंट, भाई। एक कांड शेयर करता हूँ बिट्टू। ऐसे ना हुआ क्या था हाँ कि डेयर डेविल का ये सीजन 3 के बाद ना बहुत पॉपुलर बहुत ही डाला, नहीं आई बीट यू, आई बीट यू। तो IMF करके एक फेसबुक ग्रुप है, याद होगा तो, समझे। तो बताओ बताओ। वहाँ पे एक ऑफ कोर्स मेल ऑडियंस भी है, फीमेल ऑडियंस भी है, सबके सब इंटरेक्ट करते हैं, है कि नहीं, पोस्ट करते हैं। तो उस पर एक फीमेल फैन ने कुछ कमेंट करा था, मतलब कुछ पोस्ट करा था, जिसमें सत्यम ने ह्यूमरली वो सारे रेफरेंस में लिख दिया था आई बीट यू। अब भाई साहब लंडे की आईडी 72 घंटे के लिए बैन। अरे फिर इसने क्या कहते हैं एडिट करके वो वाला इमोजी डाला, क्या कहते हैं इमेज,
जिसमें वो डेयर डेविल जो है किंगपिन को बोल रहा है और उस पर लिखा हुआ नीचे आई बीट यू, इस पे भी नहीं मान रही। अरे दिमाग अब थोड़ा स्मार्ट हो गया भाई, लोग भी सबका एआई हुए हैं भी। तो भाई ये लोग जो जिसका दिखा रहे हैं, मतलब अमूल्य पीक है भाई। मतलब सबसे पहले तो हॉलवे सीन का, ठीक है, उसका इतना हवा बनाया कि वो हॉलवे सीन को लोग डिफेंडर्स में भी रखा, ये सोच के कि डेयर डेविल में काम कर गया तो यहाँ भी काम कर जाए, बट वो चीज काम नहीं किया। लाइक सोलो में एकदम ये क्रॉसओवर में हम बोलेंगे कि एरोवर्स बीट कर देता है मार्वल को, ठीक है, टीवी सीरीज में, क्योंकि एरोवर्स का क्रॉसओवर तगड़ा रहता है। बट इन लोग का जो क्रॉसओवर था वो डिफेंडर्स वाला, वो उतना ये नहीं था। भले ही लेक्टर थी, अच्छी थी, बट फिर आई वुड से कि उतना मजा नहीं आया। लेक्टर कैरेक्टर बहुत तगड़ा था यार, बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा। लाइक इन लोग फैन हो वांडा के, बस जिसके भी फैन हो ना, अगर इलेक्ट्रा को देखा है डेयर डेविल के अंदर और हाँ उसके बाद भी तुम लोग का चॉइस अगर क्या बोलते हैं वांडा है, नताशा रोमानॉफ की, स्कारलेट जोहानसन है, नहीं फिर बट भाई कंपेयर करना इज क्या नॉट अ गुड थिंग मेरे ख्याल से, बट थिंग कि जितने भी सीरीज में हमने देखा इवन। है, सीरीज में मैं बोलूंगा भाई इलेक्ट्रा लाइक मतलब प्योर प्योर एंड प्योर। उसका जो तेरा प्योर काम को नहीं पता, हमको मैं इस वो वर्ड नहीं इलेक्ट्रा का जो बोलूंगा। ब्लड लस्ट दिखता है, और फिर अपना ये क्या क्या डेयर डेविल को लेके जो उसका, मैंने उन लोग का जो केमिस्ट्री को जितना दिखाया था, इंटीमेसी ऑन द स्क्रीन ब्रो, दैट्स टॉप नॉच। आई वुड से सुपर हीरो, पूरा सुपर हीरो जॉनर में बोलेंगे कि उन लोग का जो उसका दिखाना बहुत अच्छे से दिया है, टाइम है। यस, अरे रीवॉच करना पर कर सकते भाई, मैं भी करने वाला हूँ। दोनों करेंगे साथ में। बिट्टू वाइब्रेटर ही मेरा वॉइस वाइब्रेट कर रहा है क्या गाइस? ज्यादा डिस्टॉर्टेड आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं अपने इस हेडफोन से एंड क्योंकि मैं क्या ही बोला ऐसा नहीं कि मैं जाए। ऐसा रखा हूँ। एक्समैन ब्लैक स्वैन को देखा है? ब्लैक स्वैन क्या मूवी की बात कर रहे हो या फिर वो मार्वल कैरेक्टर की? क्योंकि मूवी में आई गेस वो थी ना जो थॉर की गर्लफ्रेंड रहती है, नैटली पोर्टमैन। भाई पहले वो अच्छी थी, थॉर फोर में कहाँ अच्छी लगी थी तुम ही बताओ यार, सही सही बताना, झूठ मत बोलना, मैं शाउट बता रहा हूँ। नैटली पोर्टमैन पहले अच्छी दिखती थी, पता नहीं अभी थोड़ा एज इफेक्ट हो गया क्या। थॉर फोर में उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन थॉर वन और थॉर टू में अच्छी लगी। वन में थी लेकिन भाई, ब्रो वन में नेटली थी। पोर्टमैन जैसे लीड कैरेक्टर के होते हुए, मतलब लीडिंग एक्ट्रेस के होते हुए, ऑस्कर विनिंग, शायद ऑस्कर जीती पता नहीं हाँ क्यों, हाँ ठीक है, हाँ, एकेडमी ये है। हाँ उसके होते हुए भी सब कोई को किसको देखने में खुशी मिलती है, दैट्स डार्सी लुईस, दैट्स डार्सी डार्सी सुप्रीमेसी भाई वो तो सीधा ब्रो। का सीधा है ना, तो मतलब क्या कहते हैं मॉमी फैक्टर पूरा। यस, ओके, वी विल डेफिनेटली कंसीडर अगले टॉपिक समर पाते हैं भाई बिट्टू भाई। आपके। अच्छा टॉपिक अभी भी अरे है, बहुत सारा बता है बता भाई, बता बता जल्द। पुष्पा है, पुष्पा पे आते हैं भाई सबसे पहले। पुष्पा का जो नया पोस्टर आया वो पुष्पा देखे झुकेगा नहीं साला, हाँ हाँ देखे देखे है ना, देखे। भाला वाला जो अच्छा आया अब मैं पोस्टर। पता है गाइस, एंड इन केस आपने मेरे लैंग्वेज और ये में देखा होगा, कई जगह मैंने साला साला वर्ड यूज किया हुआ बहुत ही है, तो उस चीज का आदत ना मेरे को पुष्पा मूवी से ही लगा है, तो मेरे में वो था नहीं था टू हाँ पॉइंट। बी ऑनेस्ट। खैर हाँ उसका टीजर आ रहा है भाई 8 तारीख को पुष्पा का, अल्लू अर्जुन के बर्थडे पे। सो लेट्स सी। वैसे मूवी डिले हुई थी क्या, मतलब सुनने में आया था डिले करके, क्या सच में डिले हुई है? क्योंकि अगस्त में आने वाली थी मूवी जहाँ तक मुझे याद है। तो कमेंट आ रहा बिट्टू या भाई तुम्हारे तो लिए, डार्सी का नाम लेकर रात में नहीं लेते बिट्टू भाई। डार्सी का नाम रात को नहीं लेते, डार्सी लुईस के लिए तो मैंने कहा सबको नाम याद हो जाए। खैर रात में आएगी तुम्हारे पास कमिंग बैक नींद। टू द पॉइंट ऑफ योर्स कि भाई जब तुमको पता नहीं तो भूल क्यों रहा है, गूगल खोल के साइड में सर्च कर लेना, मैं कर लेता हूँ ना बीच में से सर्च करके कंफर्मेशन के लिए कि कौन सी मूवी है, कौन सा कास्ट में कौन सा ये। वी आर ह्यूमन गाइस, दिमाग में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज या लिमिटेड ये रह सकता है, तो हम लोग को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए तो वो देखना ही पड़ेगा। बाकी चिंता मत करो गाइस, आज आरसीबी भी जीत जाएगी, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि तुम यहाँ पे लाइव हो तो तुम्हें मैच आप लोगों को मैच अपडेट्स भी मिलेंगे और आरसीबी जीतेगी, ये भी जान लो, ये मेरी भविष्यवाणी अच्छा है। ठीक है, अगर आरसीबी हार जीत गई जात तो क्या करोगे बताओ। आरसीबी जीत गई तो ये लो पार्ट काटते, मैं डाल दूंगा कि देखो मैंने 10 बजे ही बोल दिया था कि आरसीबी और अगर हार जीतेगी, गई तो कट भविष्यवाणी, ठीक है। करोगे हार गई तो काटने का ऑप्शन रेडी है मेरे पास, डायरेक्ट स्ट्रीम से ये पार्टी काट देंगे, ठीक थिंग इसकी तुम है। करोगे क्या, मतलब जीत गई तो कुछ खुशी में क्या करोगे, ये बात है। पार्टी वार्टी दे रहे हो तो बताओ यार, बर्गर खिलाओ यार एटलीस्ट मैकडी से। बोले
खुशी का माहौल देखा नहीं कि ठीक है, तो जेब बांध के शुरू हल्दीराम पार्टी दे चलते रहे हैं, सॉरी पार्टी दे बीकानेर, रहे बीकानेर चलते हैं हमारे अड्डे पे, बीकानेर चलते हैं। जाना तू खाना। मेरे को क्यों बोल रहा है भाई, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। ठीक है चलो अरे चलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे से आते हैं। ऐसे मतलब फरमाइशें रखी माने जा सर रही भाई, हैं आप सीधा का लोग। सीधा आखिरी टॉपिक पकड़ लेता हूँ मैं, बाकी से बता देता हूँ। वो है कल्कि लो का एनिमेटेड प्रीलूड आने वाला है भाई साहब, विद ओरिजिनल कास्ट वॉइस, क्या कहते हो इस पे? नाइस नाइस दैट नाइस। क्या कहते मैंने सही है, इससे दिख रहा है कि वो लोग मतलब उस चीज को सीरियसली लेकर चल रहा है और नॉट एज इफ कि बस है। हाँ बेटो एक मिनट, जितने भी ऑडियंस है जिनको अभी आना है, हम लोग इंट्रैक्शन करने वाले हैं, तो तुम लोग अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद जो लोग मेंबर्स है सिर्फ उन्हीं को जनरल चैट में आने का एक्सेस मिलेगा, याद होगा तो, वो ऑटोमेटिक है कि सेम मेल आईडी से आना, जो मेल आईडी से तुम्हारा यूट्यूब साइन इन है। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद जो जनरल ज्वाइन कर लेना, 1-to-1 करके ट्रैक कर करके लाता हूँ मैं। हाँ एक बार मेक करना बेटो, एक बार में दो करना, ये बताओ। अरे देख लेते हाँ हैं देख लेते हैं बिल्कुल हिसाब से। मैं थिंक तुम ना, लोग देख जितने भी मेंबर्स लेंगे। हो, ये जितने लोग सबके सब आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, एंड जनरल चैट ज्वाइन कर लो। मैं जनरल से सबको ट्रैक करके ले आता हूँ, एंड वॉइस चैट या वीडियो चैट जो भी है तुम लोग एक्सेस कर लेना वहाँ पर आके, ठीक है? मैं 3-3 मिनट में वहाँ पर आता हूँ। चलो बिट्टू भाई आप कंटिन्यू। 3 मिनट में आते हैं, तब तक हम लोग एनिमे वाले सेक्शन को बात कर लेते। देखो गाइस 3 मिनट उतने बोलेंगे। मैं अगला टॉपिक क्या है तुम्हारे पास? तो कोई टॉपिक है? मेरे पास है ना मैं भाई, तो टांग मैं वन दूंगा। पीस देख कर आया बिट्टू भाई, मैं वन पीस देख कर आया हूँ, क्योंकि इस बार उन मेंबर्स ओनली, इसलिए मैं सोचता हूँ कि लंबा हो जाएगा स्क्रीन करना, तो मैं मेंबर्स ओनली प्रेफर करूंगा अभी, क्या कहते, सॉरी मेंबर्स इंटरेक्शन प्रेफर करूंगा। वन पीस पे अपन और देखेंगे, क्योंकि ड्रेस मेरा खत्म नहीं हुआ अभी भी, मैं सोच रहा हूँ कि आराम से बताऊँ फिर ड्रेस खत्म कर लो। तो मैं देख रहा हूँ वैसे, पर पूरा खत्म नहीं कर पाऊँ, ड्रेस बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, समझे? क्या रुकार्ड हाँ भाई है, नेक्स्ट वैंडम ईयर भाई, का मैंने प्लान देखा है फिर वन पीस, और मैंने पूरा देखा है। एंड एक मैडम कैटली मरीन फोर एंड व्हाइट बियर बिटरे भाई साहब, तुम अभी वन पीस का वो आग देख रहे हो जो तुम्हारे ऊपर छाप छोड़ेगा, ठीक है? छाप छोड़ेगा बता रहा हूँ, ठीक है? तुम अभी उस वाले एक आर्क में हो जो तुम देखोगे भाई, कि बेसिकली द ग्रेट पायरेट एरा वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, कहीं ना कहीं स्पॉइलर तुम्हारे लिए। द थिंग इज कि वहाँ से स्टार्ट होगा वर्स्ट एरा। वर्स्ट एरा क्यों कहा था उसको, वो भी तुमको पता चल जाएगा आगे। खैर बिट्टू भाई यू कैन कंटिन्यू, मैं 2 मिनट में इधर डिस्कवरी तक देखता हूँ पर, ठीक है? तुम देखो तब तक हम इधर बात करते हैं, ताकि यस टालने का यस बाद यस हम यस आई यस कैन यस यस कंटिन्यू ब्रो, आई कैन वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग। आर 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 पे एनिमे मूवी है? आई डोंट थिंक सो एनिमे मूवी का बात था, बात वहां पे जो चलो चल रहा था। RRR पे एनिमे मूवी आ हाँ नहीं रहा है बिट्टू भाई, आएगा आएगा। नहीं मेरे को जहां तक ये है, आर 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 के मैंने जो राजमौली साहब जो गए थे वहां पे, वो उन्होंने किसी एनिमे में या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बनाने को लेके बात की, नॉट वेरी स्पेसिफिक टू आर आर आर। ठीक है तो शायद तक वो नहीं होगा। सही है ना भाई? नहीं ये बताओ फैंटम भाई बोलते हैं भाई क्या बात करो, लेट से स्पॉइलर मिलता क्या? मैंने वन पीस नहीं देखा बट मेरे को ये बात पहले से पता है। देखो, द वन पीस इज रियल, ये डायलॉग अभी भाई याद आ गया मुझे व्हाइट बियर्ड का। हाँ भाई देखो वैंटम को देखने दो अभी अभी, मतलब जो भी वो लुकार्ड भाई अब कैसे करे एक्सपीरियंस बताओ। करने वाला है ना, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट एंड वन ऑफ द तो अब बेस्ट जिनको नहीं आता यहाँ पे, फील। ऐसे हम लोग ये प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा लुकार्ड भाई, तभी तो आप ज्वाइन कर पाओगे ना। अब मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इफ यू कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है ट्राई जहाँ थोड़ा तक मैं समझता हूँ, सा। ए लॉगिन कर लो खुद चुप से। रहे चुप रहे, ठीक है अब समझ गया तो बोलेगा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आई विल गिव यू द रियलिटी चेक, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा और थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं अभी भी हो जाता हूँ, मैं खुद भी होता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन, बस अगर आप ट्राई करोगे तो भाई आ सकते हो यार, आज माहौल है मौके है लोग हैं तो आ एनीमे जाते तो का हम बेटर लोग रहता, अच्छा बहुत लंबा अच्छा लगता सेक्शन यार। रखेंगे नेक्स्ट वीक, और कोई बहाना नहीं है ये। ए मैं देखो नहीं मैं अभी रख सकता हूँ, इस वीक मैं रख सकता तो हूँ, पर भाई फिर मेंबर्स इंट्रेक्शन मैं कैंसिल करना पड़ेगा। गाइस मैंने कहा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड आई विल बी ऑनेस्ट यार, अभी तक मैं बेस्ट रखना दे नहीं पाया हूँ एनिमे सेक्शन ओके के लिए। ठीक है जिसके लिए अपोलोजाइज करता रहूंगा तो हर बार ये होते जाएगा, तो मेरी अपोलोजी की भी वैल्यू थोड़ी थोड़ी घट जाएगी, इसलिए
मैंने होमवर्क वहीं से किया है जहां से हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं, ठीक है। दिव्यांशु भाई ने जो बताया बस वही देख के आया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन कन्वेड हो जाए। बस यही है कि हमारे मन में जो सवाल आएगा उसका जवाब देने के लिए अभी थोड़े से मिस हो जाएंगे चीजें, बट कोई ना, वी विल ट्राई, हम लोग अपने हिसाब से ट्राई करेंगे, ठीक है। और चलो फैंटम ट्राई, भाई तुमको चैलेंज कर रहे हैं सिर्फ कि तेरे से पहले वो कॉट अप कर लेंगे, अरे अच्छी अच्छी बात है मांगा। ना, मैं अभी मेंबर्स को ला रहा हूँ, ठीक है। यस ले आइए, एक मिनट, ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? ये सुन अच्छा जानो। तो गाइस आप लोगों को अगर नहीं पता तो यूजी इटादोरी ने, और यूजी इटादोरी ने, हाँ हाँ वो ब्लैक फ्लैश वाला मेन कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन ने ब्लड पियर्सिंग को यूज किया हुआ है। प्लस ब्लैक फ्लैश एक बहुत ज्यादा चल रहा है और माकी बेचारी 2 बार मुक्का खा चुकी है ब्लैक फ्लैश का। ओके ओके, समर गिल, क्या तुम यस मेंबर नहीं हो? अगर मेंबर नहीं हो इसलिए तुम ट्रैक नहीं हो पा रहे हो। ओ, इज यस दैट द रीजन? यस, क्योंकि तुमको एक्सेस नहीं मिला उस चीज़ का, दैट्स वाई तुम्हारे पे रेड मार्क आ रहा है एंड तुम ट्रैक नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम मेंबर नहीं हो। क्या हम लोग स्पेशल वीसी में जाएंगे बट्टू भाई? क्या स्पेशल इसी वहां पे हो जाएगा? मेंबर्स वाली बता, मेंबर्स के अलावा कोई आ नहीं सकता, ठीक है? मेंबर है भाई वो, अल्ट्रा क्रॉप मेंबर है भाई, जैसे तो एक काम करते हैं, स्पेशल बात कर रहे। स्पेशल वीसी में आते हैं फिर। एक मिनट रुक जाओ। ये कहाँ स्पेशल वीसी, मेरे को खोजना पड़ जाएगा। नहीं, मैं करता हूँ। जरूर जरूर जरूर, रोल करता हूँ, ड्रैग कर लगा ही, ड्रैग करियो रोल पे राधा, रुक जाओ ना। क्वारंटीन अलाउड टू ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यार, मेरे को कोई बताया क्यों नहीं कि मेरा आज को कैमरा प्लेसमेंट इतना हाई है कि इतना जगह खाली है, एकदम खाली, अच्छा अक्षत, क्यों अक्षत जरा बताना समर को फिर। ऐड कर देना जरा भाई, मैं यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। अक्षत, यार किसी ने बताया नहीं मेरे को ये बात, एक मिनट रुक जो जाओ, आवाज था तो ठीक था, एक ये तो यार मेरा करना पीसी वर्क भी इस, पता नहीं क्यों यार, मेरे चार को भी करना था कॉल। अक्षत, कैन यू प्लीज ऐड समर? ये मैं ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, मतलब ऐड क्या हो फ्रेंड, गया। अप्लाउड देखिए सेवन गाइस नोट आप 75 दोनों स्कैन एक्टर एक आउट मॉड व्यू, कर वेरीफाई रहे मेंबर, हैं, वेरीफाई बाकी मेंबर दोनों पे, इंडस्ट्री। वेरीफाई कर दिया मैंने, फिर भी नहीं हो रहा यार। रोल्स, रोल्स में बहुत सारे रोल हैं, एक्टिव मेंबर वाले रोल कर देते हैं तो। हमारे मॉडरेटर्स भी एक्टिव नहीं है, अक्षत आके भाग गया। अबे अच्छा अक्षत तो भाई, यू आर फायर्ड, ठीक एक तो अलग है इतना, चलो इतने सारे रोल्स आई। बना रखे ना, पर्पल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, रेड, लाइम, येलो, गेस्ट। अरे ठीक है भाई, इतना कर तुम यही करो, ठीक है तुम जो करो अपना टेलीपैथिकली करो, ठीक है वो लिख दो, तब तक जो कमेंट में आ रहा है मैं उन सबको पढ़ के रिस्पॉन्ड करता हूँ यहाँ ओके पर। तो ओके गाइस ओके, तुम करो तुम करो। रो वॉट एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉट एवर, ये ठीक है मैं सबका जवाब दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है इंटरनेट कनेक्शन। और सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहूंगा Furious 2 5 भाई के बारे में कि जिन्होंने नहीं ले रहा। हेलो। हाँ, हेलो 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 हेलो, सॉरी मैं वीसी में जा रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा था मैं यार, मुझे गुस्सा आ रहा। तू एकदम ऐसा कि आई अंडरस्टैंड, उनके होने से पॉडकास्ट बेस्ट होता, हम लोग अपने बेस्ट पोटेंशियल में रहते, उनके एब्सेंस में भी चीजें थोड़ी सी डाउन चल रही है, बट दिस इज व्हाट इट इज गाइस, लाइफ ऐसी होती है। आप सोच रहे हो ना अगर आज आपकी जिंदगी मस्त चिल चल रही है, पंखे के नीचे है या फिर एसी कूलर या जो भी है, मस्त 3 टाइम खाना मिल जा रहा है, अगर आप ठीक से मेहनत या पढ़ाई लिखाई ये नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो हो सकता है वो भी एक दिन ना रहे। तो नथिंग इज परमानेंट, दिस इज अ वेरी बिग लाइफ लेसन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, यूट्यूब पॉडकास्ट फैमिली, कि कोई भी चीजें परमानेंट नहीं रहती है, और होता है कल दिन शायद हम भी ना रहे, यू नेवर नो, सबटल फोर शैडोइंग, खैर कुछ कर रहे थे भाई। मेंबर्स उनकी होने का दुआएं भी अचानक हमारे किए साथ जाए है, वाला बड़ा छोड़ा था इस बार, पता नहीं क्यों ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पा रहा क्यों। किसी ने पूछा, जब पूछूंगा तब बताना कि क्यों किसी को नहीं ला पाए। अभी तुम करो कोशिश, ठीक है, तब तक ओके, मैं इधर थोड़ा ये करता नहीं हूं। हम, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ना बिट्टू, तुमको लाइव दिख रहा है ठीक है, यूट्यूब पे।
क्या बात कर रहे हाँ हो, तो लोग पर लाइव सबका ये लाइव दिख रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, पर स्क्रीन नहीं शेयर है। वाह वाह वाह। नहीं ये डायलॉग थोड़ा सा कॉपीड हो सकता है गाइस, बट दिस इज द मोस्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट यू आर वॉचिंग लाइव। ठीक है, आपको पता है कहाँ से कॉपीड होगा, इसको लिखना मत, ठीक है, पता चला फिर वो लोग नाम मेरे को बोल दे, ठीक है। कोई है डिस्कॉर्ड का बंदा जो अभी एक्टिव है तो आ सकते हो भाई अभी थोड़ा सा। भाई डिस्कॉर्ड इज नीले वेरी ब्रदर, इजी बिट्टू, अभी डिस्कॉर्ड इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी ब्रो। जब तेरे को पता था कि तू ड्रैग कर ही नहीं सकता तो क्यों झूठी उम्मीद दे नहीं, दी मैं मुझे। ड्रैग कर सकता हूँ भाई, यही तो बात है। हम लोग पिछला मेंबरशिप भी किए थे यार, भूल गया क्या? बट थिंग इज कि वो ड्रैग अभी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा यार, कुछ तो मतलब क्या लगता है मेरे क्या रीजन हो सकता है यार। नो ड्रैग, नो चलिए ड्रैग। आज का हमारा पहला सुपर चैट है तो उसको पढ़ लेते हैं एंड आपको एक फन फैक्ट बताते हैं, ठीक है। कपिल ओके 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 जी कहते हैं, हेलो भाई लोग कैसे हो आप सभी, मैं मस्त हूँ भाई, अशरफ का नहीं पता, ठीक है। तो हाँ, और इस थर्सडे को मैंने शशांक भाई और एनी मैम को देखा था V3S मॉल की तरफ, बट मिल नहीं पाए, हिम्मत नहीं हुई। देखो V3 ये लक्ष्मी नगर भाई मैं वाला सच में, लक्ष्मी ये नगर सच में अभय निर्माण भाई विहार का में जो था, है ठीक है। हाँ V3 ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कपिल भाई। देखिए, हिम्मत नहीं हुई, ये थोड़ा सा गलत टर्म यूज कर लिए, एक होता है यहाँ पे, हिम्मत तो आप रखो यार, आप अप्रोच करके पूछ सकते हो, लाइक अगर ये प्रॉब्लम ना हो या फिर ऐसे ये ना हो, इस तरह आप कोच कर सकते हो। मैं भी आपके जगह पर रहता हूँ, मेरे में कितने बार मेरे को मौका मिला मैं सामने जाके बोल देता ना, तो अपने लाइक आइकन या फिर अपने जिनको मैं क्या बोलता हूँ अडोर करता हूँ, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, उनसे मिल लिया होता है, बट मुझे वो रिग्रेट रहता है बाद में। तो ऐसा रिग्रेट दोबारा आपकी लाइफ में ना हो, और अगर आप कभी देखते हैं किसी भी अपने पर्सन को जिसको आप एडमायर करते हो, तो यू कैन जस्ट आस्क देम फर्स्ट कि अगर प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे आप अप्रोच करो, ये करो, एंड वो भी इंसान दोस्त एलियन नहीं है, ठीक है। बस प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें और ये ना करें, जो ब्रीच ना करें, ठीक है। मतलब इस बात का ख्याल रखो, और क्या दोस्त। नहीं ले रहा भाई, इस बार रूम में देख ले, रूम देख ले, देख ले लग रहा है। यस रूम देख ले, देख ले लग रहा है। बताया भाई तो इस रूम के पीछे ही है सिर्फ, बताओ चल अरे के नहीं जाके नहीं मिल कहाँ के बात कर, आऊंगे। साला हम दोनों के बीच में 31-33 किलोमीटर का डिफरेंस है बिट्टू भाई। जो जो से सबको बता दो, ये एकदम सही है ना, कितना इंसान है यार। हाँ नचिकेत भाई क्या लिखा आपने, डिस्कॉर्ड में ऐड करोगे भाई? यस ऐड करने के लिए क्यूरियस तब से टू ट्राई भाई, कर रहा हूँ ना अरे यार, पता नहीं क्यों ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पा रहा भाई साहब, पता नहीं क्या सीन है। और मज़े की बात ये कि मॉडरेटर्स हमारे एक भी एक्टिव नहीं है इस टाइम पे। वाह ऐसे मॉड रखते हो ना, मैं देखता हूँ अगर कोई होता है कोई है तो। तो बताओ भी एक्टिव जिनके पास एक्सेस हो मॉडरेटर का। यार अबे यार क्या सीन चल, वो तो अकबर तुम्हारे तुम्हारे पास हो है गया क्या हो वो, गया। यस 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 समीर यूरेका भाई। यूरेका यूरेका, वी डिड इट, एक ओए मिनट, एक्सेस, अच्छा समझ गया, थोड़ा टाइम लेता है हाँ यूट्यूब जो है, सॉरी डिस्कॉर्ड और यूट्यूब को कनेक्ट करके शायद ये करने में। दरअसल देखो समर का ले लिया, नेकपुल का अभी तक लिया नहीं ओके है, तो उसको भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। समर भाई तुम्हारा एक्टिव कर लो ये, एंड और भाई कैसे हो। अरे मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो, आप बताओ आप कैसे हो। बस भाई बढ़िया। और मैं पहले ये लगा देता हूँ, रुक जा, तीन डेढ़ लगा डिनर देता हो हूँ, गया क्या, डिनर खूबसूरत लगेगा। भाई सुबह है मेरे यहाँ पे कहाँ पर हो भाई अभी एक मिनट, तुम? कहाँ पर है आप। कनाडा में ब्रो। ओह ओके, तो ऐसे में थोड़ा क्या बोलते हैं, स्टीरियो टाइप तो नहीं हो जाएगा, मैं बोल दो सत्रिया काल पाजी ऐसे टाइप भाई नाम गिल है उनका, ठीक है से। अरे अरे हाँ, सॉरी सॉरी, सत्यकाल पाजी, भाई अब से तो बोल ही सकता हूँ से भाई। अरे नहीं मतलब थोड़ा एक रहता है ना भाई, कैनेडा क्या है भाई, पंजाब में लोग फिट नहीं हो रहे थे वो, इसलिए कैनेडा बन गया एक नया जगह, तो सर लाइक दिस इज लाइक बोल सकते हो कि काफ़ी, सबसे पहली बात कि वहाँ पे इतने ज़्यादा ओपन माहौल हो गया इस चीज़ को लेकर कि अब जैसे कोई किसी को जाना है, अगर मुझे जाना तुम्हें जाना बिट्टू ना, तो तुमको सोचना नहीं हाँ पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सराउंडिंग है ना इंडियन कल्चर के कि तुमको वहाँ पे जाकर ये फील नहीं होगा भाई कि तुम किसी फॉरेन कंट्री में आए हो, फिर
फील होगा बाय विजुअल, बट बाय लैंग्वेज तुमको वैसा कोई अवॉर्डनेस नहीं रहेगा, ठीक है? समर भाई बताओ अगर इसमें गलत बोल रहा हूँ तो। भाई कहीं भी चले जाओ तुम्हें गोरे कम मिलेंगे और अपने बंदे ज्यादा हाँ मिलेंगे, वो तो तो है। अरे गलत भाई सही है, वहां जाके बस ये कर सकते हैं। और भाई क्या देखा फिर इस वीक? इस इस वीक तो वीक इनविंसिबल में गया भाई अपना, मैं तो इनविंसिबल ही देख पाया, गोट लाइफ और द वन गोट पीस लाइफ। मैंने कंप्लीट किया, मतलब कंप्लीट नहीं किया हूँ, डेस्क ऐसा का थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, अभी तो लड़ाई चल रही है अच्छा खासा। हाथ काट दीज भाई, लॉ अच्छा का तुमने हाथ काट ठीक से दीज। फिट नहीं किया है वो वो तीन वाला लॉ जो का है ना, देख काट दिया हाथ जो लेट मी चेक, एक जो है ना यस अभी फिट हो उसका गया ऑड सही लग से। रहा है देख। यस यस सॉरी 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 माय बैड अभी कंफर्म हो गया सही से। बिटो देखो एक बार। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक यस अरे वैसे के लिए फुल स्क्रीन नहीं था ना इसलिए ऐसा हो रहा था। ओके ओके एक ओके काम करता हूँ हटा देता हूँ क्योंकि साइड से फिर भी दिख ही रहा हूँ ये, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। एंड दिमाग। यस 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 चलो वी हैव वन मोर मेंबर आदित्य। एंड यस हम लोग ऐसे आते हैं स्विच ऑफ। आदित्य ने म्यूट कर रखा है यार। पहले तुम समर भाई के सवाल का तो जवाब दे दो यस और भाई मैंने देखा, एक मिनट मैंने दो ही चीज तो देखा यार। ना। ना ना उसके बाद उन्होंने वो हाथ कटने वाले सीन को लेके कहा, तो वो वाली चीज पे भी बोलो यार, हाथ वो कटने कह वाले रहा सीन हूँ। का मतलब कुछ स्पॉइलर तो नहीं है ना? नहीं, स्पॉइलर तो मतलब हाथ ही कटा, आपने कौन सा बता दिया क्या हो गया, हमने मैं तो देख देखो लिया वो। अभी तो देखो देखो क्या कहते हैं बेलामी से एंड फेक क्या कहते हैं इससे उसका जो डुप्लीकेट है इसका उससे लड़ रहा है लूफी नीचे अंडरग्राउंड में, ऊपर में लड़ रहा है डोफ्लामिंगो से लॉ। एंड लॉ लड़ते लड़ते जो है क्या कहते हैं वो जो है ना इंजेक्शन वाला जो मार रहा होता है पकड़ लेता है उसको डोफ्लामिंगो एंड उसको फिर अपने इससे उस पावर को क्या तो बोलते हैं नाम यार जो भी उसका धागा टाइप का है उसको फिर नीचे गिराते हुए उसका हाथ काट देता है, अवसर पड़ा रहा है उसको। फिर गन निकालता है वो वाला जिससे उसने कुरासान को मारा था डोफ्लामिंगो ने। लूफी के डुप्लीकेट का वो रिवील हो गया। एक मिनट लूफी का डुप्लीकेट वो तो बहुत पहले रिव्यू हो गया ना, तभी पूछ बोल गया भाई कि लूफी का हाँ जो वो ये था तो हो गया वो क्या भाई, कहते हैं ये था क्या कहते हैं क्या नाम था उसका, क्या नाम साबो। था? मेहू, अरे लूफी का भाई था यार क्या तो नाम था उसका, साबो, साबो। यस साबो, साबो। साबो 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 तभी वो साबू इससे क्या कहते हैं उससे लड़ाई भी कर रहा था क्या कहते हैं एडमिरल से, लड़ाई भी खत्म हो गई। अभी साबू जो है अंडरग्राउंड गया वापस क्या कहते हैं वहां पर जो सिविलियंस है पायलट से उसको बचाने के लिए। मतलब आप एंड पे ही हो इस आर्क के मैं भाई। अभी हाँ ऑलमोस्ट एंड पे, यही वजह से मैंने भी बोला ना कि इस वीक अगर मैं बताऊंगा तो पता है इतना पे आके छोड़ दूंगा, इसलिए एंड करता हूँ इस वीक में ड्रेसोसा को और अच्छे से बात करते हैं इस पर समझे। क्योंकि देखो ड्रेसोसा भाई बहुत बड़ा है यार लिटरल, मुझे एक मैंने बीच में छोड़ दिया था ना हाँ तो लंबा और पड़ गया, मुझे 2 महीने लग गए अब इसके बाद में दो आएंगे, फिर वानो आर्क आएगा, वानोआर वो के भी। उससे भी हाँ लंबा। उससे भी हाँ इसके लंबा बाद दो आर्क आए। अब वानो आर्क तो मतलब 800 एपिसोड पे शुरू हो जाएगा और अभी खत्म हुआ है, तो लगा है। लो एक कितना मिनट होगा। ड्रेस सोचा के मैं अभी 715 716 एपिसोड पे हूँ, तो मतलब ये मुझे 85 एपिसोड और देखने ड्रेस सोचा के। नहीं, ड्रेस रोसा के बाद में दो आर्क और आएंगे, नहीं तो वानो 800 से स्टार्ट है ना, तो ड्रेस उषा के बाद वानो से एट बीच में कुछ है क्या? सेवन नाइनटी एट 898 पे होगा शायद से, 898 एपिसोड। मतलब ले देखिए मुझे भी हाँ देखने 80 एपिसोड देखने 80 एपिसोड अभी। अभी आपको अच्छा 150 इतना देखना पड़ेगा। हाँ बेटा बताओ। अच्छा एक बार बता देना कि ये क्या मेंबर्स ओनली वाले डिस्कॉर्ड में कैसे जाना है लुकार्ड भाई को? जब आलोकार्ड भाई जनरल चॉइस ज्वाइन करो तुम, मैं तुमको ड्रैगन ड्रॉप कर लूँगा ठीक है? थोड़ा सा टाइम लग गया गया इन लोग को इसलिए आने में क्योंकि शायद वो वेरीफाई करने में टाइम लगता है, जैसे कि आदित्य को टाइम लग गया, तो तुम जल्दी से ज्वाइन कर लो जनरल ताकि उसको टाइम लगे प्रोसेस लेने में। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा मैं ट्रैक कर लूँगा तुमको क्रैक से। खैर आदित्य भाई तुम म्यूट होकर बैठे हो यार, अनम्यूट करो। एक मिनट अनम्यूट ही है क्या? वो हाँ बोलो अनम्यूट बोलो ही है, बोल नहीं रहा है बोलो कुछ। बोलो बोलो। बत्तख दिखा के जा रहे, गोल्डन डक कोई आउट हो गया क्या 0 पे पहली बॉल पे? खैर समझ रहे तुमने कहाँ तक देखा, पूरा मैंने भाई बानो देख लिया पूरा। वन देख लिया?
मतलब पूरा अपडेटेड हो, अच्छा ठीक है समझ मतलब गया, गियर 5। वानो से पहले ही वो है ना, हाँ क्या कहते हैं, ड्रेसरोसा के बाद ये लोग जाएंगे बिग मम केस में ना आइलैंड पे। ड्रेस रोसा के बाद ये एक एनिमल, एक एलिफेंट के ऊपर आइलैंड होगा, बहुत बड़े एलिफेंट के ऊपर, मूविंग आइलैंड, मूविंग आइलैंड, तो ठीक वहां पे है। जाएंगे। उसके बाद में बिग मॉम, अच्छा बिग मॉम का वानो से पहले है ना, हाँ, वानो से पहले आएगा बिग मॉम और फिर वानो आएगा, मतलब अभी आपके ऑलमोस्ट 2 आर्क हैं। अगेन ड्रॉप नहीं हो रहा, ट्रैक ड्रॉप नहीं हो रहा है। वानो में दिखता तो मुझे पता है कि ये लंबा है, एंड दूसरी बात कि इसमें फाइट सीन्स काफी फ्लैशी दिखाने वाले हैं, है ना, तो मुझे मुझे पता है। एंड वानो में ही सांजी का भी बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, राइट, मतलब बैक नहीं, स्टोरी तो वानों नहीं, में बट नहीं, द थिंग वो इज कि बिग 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 मॉम वाले में दिखाया जाएगा। अच्छा बिग मम वाले में। चलो मुझे ना स्पॉइलर इतना 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 परेशान बात कर रहा था मांगा वाला, ठीक है, तो आगे का पता है, मुझे बीच में का पता नहीं है। नहीं, मतलब अभी अभी वो आपको याद होगा, वो उसके साथ लॉ के साथ जो पांडा होता है, हाँ उसका उस वो जिस आइलैंड से है ना, अभी हाँ वहां जाना है पहले। अच्छा ओके गॉट इट। पहले यार किसी तरह ड्रेसोसा करता मोबाइल, ड्रेसोसा पता है इसका मतलब, मेरे ना ऐसा फील हो रहा है जितना जैसा मुझे फील हुआ था 2 आर्क में, एक तो एलाबस्ता में एंड दूसरा क्या कहते हैं गोरिया समा, मोरिया समा का कौन सा आइलैंड था, थ्रिलर पार्क, समझे, ये दोनों में मुझे काफ़ी, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस फील हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं बोलूँगा खराब था, बट द थिंग इज कि इतना स्ट्रेच है ना वो एपिसोड्स, इतना स्ट्रेच है कि बोला यार यार खत्म हो जल्दी से भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। ड्रेस रोसा ना फाइट में बहुत लंबा चला जाता है, हाँ फाइट बाकी अभी चल ही रहा क्योंकि है, देखो उसी से है। कंटिन्यूसली हाँ चल ही रहा है फाइट। सर, फाइट का ही तो ये मतलब एक चीज है कि वन पीस में अच्छा ना, इसमें ऐसा तो नहीं चलता ना, लाइक ड्रैगन बॉल वाला पूरा सीजन खत्म हो गया एक फाइट में, ऐसा ऐसा तो भी ना होता मतलब। हमेशा बिटू भाई, हमेशा ऐसा होगा, सब बंदे डिवाइड हो जाएंगे, पूरी टीम, अच्छा और फिर उनको लास्ट तक जाके एक साथ आना है, और हर हर किसी की अलग अलग बैटल है, हर किसी का अपना अपना रोल है। किसमें ये इसमें वन वन पीस का पीस में पता, बोल रहा हूँ, हाँ मतलब अभी देखा जाए इसमें तो ड्रेसोसा में तो यही चीज हो रहा है ना, ड्रेसोसा में सब अलग अलग ही लड़ रहे हैं अभी, सांजी नामी ब्रुक भी अलग कहाँ है पता भी नहीं है, और क्या नाम है ये भी ना चॉपर भी, ये चारों शिप में अलग। है। और बेस्ट चीज यही है कि हर चीज को इंटीग्रेट किया जाता है, कि ये साथ में कुछ ऐसा करेंगे तभी हाँ वो फिक्स होगी चीज, अदरवाइज तो जाएगा नहीं जाएगा। होने वाला, लाइक यूनिटी वो लोग पूरा एकदम दिखा के चलते कि ये होगा तो ही है, नहीं तो नहीं होने वाला, मतलब हर एक का अपना अपना एक रोल बांधा हुआ है टाइप का, कि ये है इस लेवल पे, अगर सांझी इधर है तो सांझी के इधर में भी कोई एक होगा, उन दोनों का ये है कोलिजन, राइट। वन बस पीस वही। का पता है एक चीज मुझे फैक्टर अच्छा लगता है काफी, उसमें दो तीन चीजें, एक तो ह्यूमर है कि नहीं, आफ्टर फाइट सीक्वेंस ना तुमको इतना रिलीफ देगा बिट्टू भाई ना, जैसे कि तुम लड़ गया हो जंग पे खुद पर्सनली, ऐसा ठीक है। आफ्टर फाइट लोग बस एक ही चीज है, खाना पार्टी, ठीक है, अब फिर मूव करो अगले आइलैंड की तरफ। सच में अरे मैं बता रहा हूँ बिट्टू भाई यार, वन पीस तुम अभी कंटिन्यू करो, अभी तो तुम वहीं पे हो ना। अच्छा तुम वो सीन देखे बिट्टू भाई, क्या कहते हैं जहाँ पे जो क्या तो था यार, अलुकार्ड को एग्जीक्यूशन टैग कर एग्जीक्यूशन दो या ड्रैग कर दो एग्जीक्यूशन कम से कम। एग्जीक्यूशन पॉइंट था इसका, क्या कहते हैं रॉजर का, तो वहां पे लुफी जाता है, जोकर पकड़ लेता है, जोकर उसको मारने वाला था, वो सीन तुम देखे हो क्या, क्योंकि तुम उसी आइलैंड पे थे जहां तक लास्ट टाइम तुमने बताया था। याद नहीं अभी मेरे को, और अभी कंटिन्यू करने का थोड़ा टाइम का इशू हो जा रहा है, इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम सोच रहे अब शुरू करेंगे ना तो एक एटलीस्ट रिदम में देखेंगे कि हर वीक या फिर हर दिन में 2-3 एपिसोड, 2-3 एपिसोड या फिर ऐसे कर करके। मेरा बट हमको पता है, लाइक मेरा जिस तरह का दिमाग रहता है ना, कि अगर हम कोई एनिमे देख रहे हो उसका एंडिंग कुछ इस तरह हो गया कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ सोचना पड़ जाए, तो मेरे को फिर देखना ही पड़ जाता है, मेरे से वो कंट्रोल नहीं होता मेरे थोड़ा। साथ वही तो और वन पीस हुआ, में आई थिंक ये बहुत है। मेरे साथ वही हुआ कि मैं कंटिन्यूअसली बीच में तो ऐसा था कि मतलब जॉब वापस लगने के बाद से मैं कंटिन्यूअसली वो पे वैसे करके देख रहा हूँ बैठ के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। फिर मालूम हुआ कि नहीं यार टाइम लेके देखेंगे, और टाइम लेके देखने के चक्कर में ना ड्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, 2 महीने तो चला गया, फरवरी पूरा खत्म हो गया, मार्च पूरा खत्म हो गया, देखो कहाँ जनवरी की स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करा था यार।
फरवरी तक मैं देखा ही नहीं था, मतलब छुआ और तक नहीं था भाई मैंने। मंकी मैन लगी नहीं इंडिया में? अभी लगने वाली नहीं है शायद, भाई अभी मतलब इंडिया में आई नहीं है। बातें चल रही है, अभी उसका कुछ इशू है यार, बहुत वो कुछ मुश्किल में है मुझे यार। लगता नहीं, क्योंकि कुछ सीन्स हैं हाँ जो लाइक कभी आई डोंट नो, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मतलब वही है रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया, यस। हाँ हाँ, तो वो लाइव दिखाया गया है मूवी के ओके अंदर। ओके। प्रॉप हाँ, आउट और लाइक उस सीन, उस जगह के सीन का कोई सिग्निफिकेंस है या फिर उसको कट आउट मिट्टी उड़ रहा करके ये किया जा भाई। सकता है लाइव? अभी कैसे बताऊं, मान लो एक्शन चल रहा है, बीच में ले गए उधर बस। अरे मतलब पासिंग ओ सीन है बेसिकली, जैसे मुझे समझ में आ नहीं, रहा अगर है। याद हो तो डेडपुल में भी वैसे सीन्स हैं, सीन्स लेकिन हैं उसको बिल्कुल। हटा दिया गया था, डेडपुल में था और फिर किस किसी मूवी में जैसे हैं वैसे नहीं रहते बिट्टू भाई, हैं। समझ लो कि पासिंग सीन है जिसमें सीन तुमको बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, यहाँ से कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं विद द स्टोरी कंटिन्यूएशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वो चीज़ तुम स्किप कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्योंकि वो पासिंग सीन है। बट द थिंग इज हाँ कि पर उसमें चीजें हो रही हैं फिर भी, नॉट एक्शन, बट द हाँ थिंग इज स्टोरी कंटिन्यूएशन में है वहाँ पे, ओके। समझे। तो तुम तो अच्छा, अब एक तुम्हारे शायद ऊपर है बिट्टू भाई कि एलुकार्ड तुम भाई फ्रंट को पे ये फोकस कर कर रही रहे हो वो या बैकग्राउंड टैग पे वो फोकस काफी कर देर रहे से है। हो। अभी एक मूवी और आई आपने शायद इंडिया में लगी होगी आप, द फर्स्ट कौन ओमेन। सी? फर्स्ट ओमेन द फर्स्ट वुमन, यस। आई नाम डोंट अभी थिंक अभी अभी इंडिया में शायद, एक मिनट, थिएटर में मैं देखा तो नहीं दिखा रहा था, एक बार फिर से चेक कर लेता, रुक जाओ। भाई, देखना जरूर, हॉरर है, मजा आएगा भाई। नहीं, मैंने अभी बुक अच्छा माशो पे कल ही परसों देख रहा था तो मुझे दिखा तो नहीं रहा था, बट थिंक इसके मैंने नाम सुना है यार। है, दिखा रहा है भाई, यहाँ पे दिखा 5 अप्रैल को रिलीज हुआ है, रहा है, मतलब कि एक होगा मिनट, कल ही रिलीज हुआ है। होगा। यस 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 यस। तो मतलब चलिए, अब दोनों कल दिख ही रहा होगा, देखे अब दिख मैंने। रहा होगा। इनको ड्रैग नहीं कर पा रहे हो क्या? अरे ड्रैग बोला ना, वेरीफाई करने में टाइम लग रहा करके। अभी जैसे देखो समर को लगा टाइम, वैसे इसको भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी शायद इन्होंने लगता है डिस्कॉर्ड अभी ज्वाइन ही करा हो करके। नहीं ओके ड्रैग है देखो, ओके। आप जैसे ही वेरीफाई होता है मैं पट से करता और हूँ। नहीं हो रहा है सीन, अभी मैं तो रोल भी दूँ तो कैसे रोल दूँ। कोनोसुबा सीजन 3 देखो, 2 एपिसोड तार आउट जरूर देखेंगे भाई। कोनोसुबा तो भाई टू रिलैक्सिंग ये वाला है, मजेदार है वो। आप देखे कि नहीं समर भाई? कोनोसुबा नहीं भाई, मैं इस वीक 3 एनिमे देखे हैं मैंने। हाँ एक तो अपना ये मैचले मैजिक एंड मसल्स खत्म कर दिया पूरा, अच्छा, और एक उसके अलावा देखा है, नाम भूल गया मैं उसका। कुछ क्या होता है बता दीजिए, क्या पता इधर वो कमेंट सेक्शन में। नाम उसका फ्रंटियर करके कुछ था। उसमें मास्क है, एक बंदा जैसे वर्चुअल गेम में जाता है, तो उसकी स्टोरी है। अच्छा शिंगारी ला फ्रंटियर, शिंगारी ला फ्रंटियर नाम है एनिमे का। ओके अच्छा सीट आ गया भाई, मॉनिटर हमारा आ हाँ, गया। सीट सीट जल्दी से यार, पहले तो शामिल तुम पहले आओ इसमें, और दूसरी बात सबको ही करो यार, काउंटर लुकआउट को ट्रैक कर दूंगा। यस यस यस, ड्रैग करो, ड्रैग करो उसको, पता नहीं क्यों। मेरा पहले मेरा एक्सेस का एक बार चेक करो, मेरा एक्सेस आता फ्री है नहीं है। बोमेटा के फट से सुना दिए माइंड। ओके, यस और इस इनविंसिबल, इनविंसिबल पूरा देख लिया भाई? हाँ इनविंसिबल देख लिया कंप्लीटेड पूरा? बिल्कुल भाई। कॉमिक तो पढ़ी होगी आपने तो। कॉमिक मतलब ऐसा ना कि कुछ कुछ पार्ट्स मैंने पढ़े, लाइक नॉट स्पेसिफिक टू ये, लाइक अभी जिसमें अभी नई वाली में जो एक क्या नाम था, अनीता, या जो उस कैरेक्टर को दिखाया गया है वो आगे जाके मतलब किस तरीके का उसका पार्ट होने वाला है, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रहा है, पता नहीं लाइव एक्शन में चेंजेस उस तरह करेगा या हाँ, नहीं। थोड़े चेंजेस तो हैं इसमें, ऐसा तो है। वही चीज देखना थोड़ा ये होगा कि अगर वो करते हैं तो ये रहेगा भाई। लेकिन आपको भी लगा होगा कि ये सीजन का जो ये 4 एपिसोड था वर्थ वेटिंग था, प्लस बहुत भाई ही ज्यादा ये। एक तो एक एक घंटे का एपिसोड देखे ना उन्होंने, वो मजा था मतलब मेरे लिए कि हाँ, वो 20 20 मिनट वाला काम नहीं है, पूरा देख रहे हैं, मजा आ रहा है। ये और पता नहीं क्यों ना एक आदत सा हो गया, लाइक जैसे एपिसोड खत्म हुआ ठीक है, दिखाया दो को प्रोड्यूसर और ये, फिर एक थोड़ा सा क्लिप लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन, एंड उसके बाद से फिर उसका म्यूजिक शुरू होता है, लाइक वो म्यूजिक मजा आ गया हमको। जो वो शायद उसमें वो ऐसे जो होता है ना ट्रम्पेट या ट्रम्पेट क्या बोलते हैं मैं तो नहीं पता, उसके उससे बनाया वो म्यूजिक है, मेरे को पता नहीं उस तरह का म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, इतना तगड़ा बना दिया यार इन लोगों ने। हाँ, वो तो था, बढ़िया था।
और ये गॉडजिल कॉन्ग तो आप दोनों ने देखी होगी ना। भाई गोरिल्ला वर्सेस कॉन्ग देख के पिछले भी कितना ज्यादा सुना भी मैंने दो तीन चीज को लेकर। अरे भाई यही देखो तो था, मेरा पॉइंट यही पता तो क्या गॉडजिला भाई, की एक्टिंग कर रहा अरे सुनो सुनो मेरा पॉइंट क्या है, सुमर था। भाई अभी चलो तुमसे बात ही कर लेता हूँ। पहला गोडजिला याद करो एंड फिर गोडजिला की मोशन याद करो ठीक है। उन सब में क्या था कि ये लोग का जगना ही इतना अच्छा बड़ा मतलब ये था इवेंट था। हाँ हाँ बोलो गुट्टू भाई। अरे एक बार जो नया मेंबर ज्वाइन किया उनको तो एक एलुकार्ड बार पूछ भाई, लो। अरे सबसे पहले बात माइक ऑन है इनका। हाँ बिल्कुल भाई भाई बोला बोला शुरू करो तुम, पहले कुछ हेलो हेलो कुछ भी करो हाँ तब तो पता चले कि उनसे बस पहले यू एक आर बार एक्टिव और ये नॉट। यस वी विल काउंट अप टू 7 ठीक है, 7 थाला फॉर अ रीजन ठीक है, उसके बाद से ये कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल, क्योंकि तुम व्हाइट व्हाइट येलो येलो में आ रहे हो तो पूरा फ्रेम का फोकस तुम्हारे साथ चला जा रहा है, और वो पता नहीं क्यों अजीब टाइप का लग रहा है तीन वीडियो में एक ऑडियो में येलोइश अरे येलोइश। भाई भाई अरे भाई यस आई खैर थिंक हाँ, उनके ये तरफ से कोई इशू हो रहा है, जब अरे कोई नहीं तक वो एलुकार्ड भाई रिस्पॉन्ड करते को हैं तब रिस्पॉन्ड तक करने हम देते, मैं लोग अपना आता हूँ रुको मैरा आता हूँ हाँ भाई अपना मेरे तुम वाले बताओ। पे कि वो दोनों मूवी जब था ना पहला मूवी गोडजिला दूसरा गोडजिला किंग मॉन्स्टर, उसमें दिखाया गया था कि इन लोग का जगना उतना ही काफी बड़ा एक इवेंट है कि भाई भाई कुछ तो मतलब होता है ना कि वो यार सीन याद है बट्टू भाई ग्रीन ग्रीन गोब्लिन के कैरेक्टर का रोल किसने करा था? गॉब्लिन विलियम डफो हाँ विलियम यही डफो का नाम एक है ना। सीन याद हो जब आसमान में देख के रो रहा होता है काइंड ऑफ, याद होगा तो बहुत ज्यादा दिन वायरल मीम है वो। विलियम डफो का एक सीन है जहाँ पे वो आसमान में देखकर काइंड ऑफ रो रहा होता है। आसमान में देख के एक ही जन को हम रोते हुए देखे हैं, वो है वेजिटा। तो मैंने कहा भी चले गए, खैर कोई नहीं तुम इसी को ले लो। तो ऐसा सीन तुम समझ लो कि काइंड ऑफ होता था उस टाइम पे कि भाई भाई ये क्या आ गया इतना बड़ा मॉन्स्टर ये वो डिजिटल करके, वो वाली फीलिंग लिटरली वो वाली फीलिंग कैप्चर नहीं कर पाई ह्यूमन के साइड से इस मूवी में। दूसरा चीज कि इस मूवी में जो वो दिखाया गया कि दो आइलैंड के बीच में जो एक स्कल था है ना, कि वो इतना बड़ा जानवर है कि कॉन्ग उसके यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं, उसके हड्डी पे चल रहा हाँ है। हाँ वो तो अब ये यहाँ पे मूवी में क्वेश्चन आ आ रहा है कि गया भाई ये कौन सा एरा का क्या कहते हैं ये है टाइटन से, ये कौन टाइटन है जो इतना बड़ा कि कॉन्ग उसके यहाँ पे चीटी लगे। वो हो सकता है कि स्क्रल क्रॉलर का ही बहुत बड़ा वर्जन हो या फिर कोई डायनासोर का एक बहुत ये वर्जन। भाई स्क्रॉल क्रॉलर साइज में छोटा होता था अगर याद होगा तो, नहीं नहीं छोटा बोले उसमें भी तो एज वेरिएशन कम्पेयर टू था कॉन्ग, क्योंकि कॉन्ग उस टाइम पे 6 मंथ का ही था फिर भी उससे बड़ा था यार। नहीं उसके लेवल का था और ये था, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी बता रहे क्योंकि अगर तुम हिसाब करने जाओ तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था वो बहुत ठीक है, बड़ा था भाई मतलब कॉन्ग लिटरली इतना लेकिन बड़ा नजर आ रहा तुम्हारा है भाई उस एक टाइम पॉइंट को पे। हम यहीं पे ऐसे देखो, तुम्हारा एक पॉइंट को हम ऐसे नकार देते हैं, वो तुम्हारा पहला पॉइंट कि पहले हम लोग वो मॉन्स्टर देखता था तो एक सरप्राइज ह्यूमन एलिमेंट तो ऐसे होता था कि ऐसे देख रहा है, और अभी वो चीज नहीं है भाई, उस यूनिवर्स के लोग अकस्टम हो चुके हैं मॉन्स्टर देखने के, यहाँ अच्छा बात है अब बस जहां खतरा दिखा उधर घुस जाओ सेफ्टी वाले जगह पे छुप जाओ, तुमको ये चीज मॉन्स्टर लेगेसी में दिखेगा, जाकर दिखा देखो दिखा दिखा मॉन्स्टर दिखा लेगेसी में। दिखा यस दिखा। हाँ तो वहां अब पर वो मतलब चीज पूरे है। वर्ल्ड में ऐसा चैम्बर्स बन गए हैं कि जैसे ही गोडजिला मतलब जाग गया तो भाई अलार्म बनना स्टार्ट हो जाता है, इन लोग को वहां भेज दिया जाता है ठीक है। यही वजह है कि जितना बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होता है कहीं ना कहीं उससे वो चीज इंपैक्टफुल में नहीं दिखाया जाता है, लगता है क्योंकि बिल्डिंग में कोई है ही नहीं, वो हमें पता है पहले से। पर स्टिल बोलो यार भाई वो कुछ ज्यादा ही बंदे नहीं मार दिए किसमें इसमें, इसमें गॉडजिला कॉन्ग में एक बार बंदे मरे हैं उसमें? भाई वो इतनी बिल्डिंग टूटी है, हाँ तो गॉडजिला बिल्डिंग ने खाली तो है ना, बिल्डिंग खाली है वो खाली तो तो नहीं होगी ना वो आपने सीन नहीं इतना देखा जब कॉन्ग ऐसे पीछे मुड़ के देखता है बिल्डिंग में बंदे होते हैं और फिर उसके बाद बिल्डिंग हाँ तो ऑब्वियस सी बात है इतना कम टाइम में इतना जल्दी खाली भी तो नहीं होगा ना पूरे तरीके से है ना, और मतलब जितने भी जैसे गॉडजिला ने वो ब्रिज ब्रिज उड़ाए वो सब में गाड़ियां तो थी हाँ वो वाला सीन अरे भी था यस। अरे मतलब हाँ इसमें दिखाया गया कि चीजें तोड़ना फोड़ना इंसान का मरना इज नॉट अ बिग थिंग, इज नॉट अ मोनार्क बिग थिंग, अब इंसान चींटी बन के रह गया दैट्स इट उस यूनिवर्स में। ब्रो मोनार्क देखा था नॉट लिगेसी देखा तभी तो मैं बता रहा हूँ कि उन लोग का सीन हो गया वर्ल्ड वाइड नॉट ओनली जापान, वर्ल्ड वाइड ये सीन हो गया कि जैसे ही लोग एक्टिव होंगे चाहे गोडजिला चाहे कॉन्ग चाहे कोई भी टाइटन्स, इन लोग को मतलब चैम्बर में डाल दिया जाएगा भाई कि मतलब है ना
इमरजेंसी सिग्नल होगा, पे 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 करके भाई तुम लोग अपना अपना घर छोड़ो और भागो उसमें। सर्वाइवल के लिए एक नहीं, बैग रख लो, बैग रख लो ज्यादा से उसपे ज्यादा। वो ट्रॉमा वाला पार्ट को ये लोग ये कर दिया था, लाइक ह्यूमंस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का, कि वो मेन कैरेक्टर जो रहती है वो भाई मतलब वो जितना चीज इस मूवी हुआ उसके तो 10 सीजन बन जाएंगे आराम से। एग्री एग्री भाई। पता है जैसे जैसे कहा गया एज ऑफ अल्ट्रॉन में सुकोविया को हमने गिरते हुए देखा है ना, एंड फिर सिविल वॉर बनी उससे। एक बंदा आया जो बोला कि भाई साहब इसके तो मैं लंका लगा दूंगा, है कि नहीं? दैट्स अपना क्या नाम था यार बंदे का, जीमो। जेमो यस हाँ, वैसे जेमो वैसे कैरेक्टर्स इसमें भी दिखाओ कि भाई कोई होगा जो बोलेगा भाई साहब तूने मेरा शहर बर्बाद किया, तूने मेरी फैमिली बर्बाद की, अब इन टाइटन्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कोई बंदा निकले आयरन जेमो। टाइटन्स को हारने के लिए तुमको टाइटन्स की ही जरूरत पड़ेगी, सबसे बड़ा बात तो मैं यही है। वही तो बोल रहा हूँ कि भाई तू कैसे भी दिखा, बट आई थिंक इस टाइप का स्टोरी भी दिखा सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ बट भाई। एंड वो चीज़ अच्छी लगेगी देखने में भाई। एंड पिक्चर क्या देखते हो इसकी? एंड पिक्चर अगर देखा जाए तो भाई देखो उसका कोई एंड है नहीं, कहीं ना कहीं वो जब तक पैसा मिल रहा है तब तक वो बनाते रहेंगे, एंड वो मनी मेकिंग मशीन बन गया उसके लिए। हाँ बट आई थिंक इसकी गुड वे में चल रहा है वो चीज़, सीजीआई हमको अच्छा मिल रहा है, फाइट अच्छा मिल रहा वो है, हमको मज़ा आ रहा है, हाँ बात खत्म। जितना अटैकआउट करना करे, जब तक कि हम लोगों को ये फील नहीं होगा कि भाई यार बहुत हो गया, हर किसी का एक फटीक आता है, उसका एक फटीक आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, कोई चीज़ हमेशा के लिए थोड़ी होता है। अच्छा, एक वो बार तो है जीसी चेक करना और भी कोई है तो, एंड जो आपका सवाल है उमर जी, इस पे हम यही बोलेंगे, इसका एंड हम यहीं पर देखते हैं कि लाइक अगर ये एंड मूवी हो गया तो मेरे को बहुत खराब लग जाएगा, ठीक है? रीजन भी क्योंकि मेरे को हेलो गॉडजिला इसमें बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड दिखाया गया, ठीक है? हेलो, हेलो ब्रदर, कैसे हो आपका शुभ महात्मा गांधी? नाम? अरे भाई इसीलिए महात्मा गांधी भाई साहब, हम पहले आपका शुभ नाम पूछे रहे भाई, महात्मा तो डी क्या लग रहा गांधी है भाई, डी गांधी भाई साहब। अरे 29 थ्योरी, महात्मा डी गांधी। उनतीस मतलब गांधी जी वो यार, मुझे इस पे जोक नहीं इंस्पायर्ड मार बाय सकता गांधी। लाइफ पे। ये भाई अलुकार्ड भाई, अभी तक आपका अगर माइक का इशू ठीक हो गया हो तो ये, एंड अगर आलूकार्ड भाई कमेंट गॉडजिला का सेक्शन में कहा बोल जाए रहे ना, थे भाई मुझे लो, मुझे लो, जब लिया तो भाई फिर हाँ चुप। ले लिया तो ये क्या बात हुई भाई? हाँ अरे वो वाला मीम याद है कि दो बिल्ली लड़ रही होती गॉडजिला है जब का, गेट बन रहा था, तो जैसे गेट खोलते बस अरे ना शांत। ना 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 नहीं 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 फैमिली गाय का, फैमिली गाय का वो आता है, बोलता है मामा 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 मामा, बोलता व्हाट, अरे भाग जाता है बहुत। वो वाला भाई वो तगड़ा होता एकदम। खैर हाँ, कहाँ पर थे ये जो आप महात्मा वैसे तो गॉडजिला नाम वाला पूछ बोले, रहे इसका थे भाई। दी एंड, इसका दी एंड तो हमको यहीं पे दिखता है कि लाइक कॉन्ग का आगे का कहानी वो बेबी कॉन्ग ले जाए, और फिर ये जो गॉडजिला है इसको जो अल्टीमेट थ्रेट या फिर एक तरह के ये दिखे, एक फॉरन ये दिखे जो अपना फेस नहीं है करे, क्योंकि अर्थ में अब उसका बस दिल्ली जैसा सोने का कोई ये नहीं है, काम जाके नहीं सुना बचा है रोम क्योंकि में जाके सुना भाई, रोम का जो ये है ना, क्या हाँ तो था उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही पुराना मतलब ये है, हेरिटेज है वो तो, जहाँ जाके जाके हाँ सुता रहता है कोलोसियम। कोलोसियम। यस रोम का है वो। अभी आप वो आप तो देख रहे हो वन पीस में, कैसे भूल गए? यस और यस वन पीस में भी था, विद्रेस में भी था। यस 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 यस। ओके खैर हाँ बिट्टू भाई, जो ये तुम बोल रहे हो ना हाँ एंडिंग वाला सीन, तो अभी ये भी हो सकता है ना कि स्पेस क्या कहते हैं टाइटन्स आ सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे कि भाई गोजीरा था कहीं ना कहीं। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद से फिर हमारी डी भैया कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर वो आए हैं तो बस सुनने के लिए नहीं, वो बोलेंगे। अलुकार्ड भाई का चॉइस है कि वो नहीं बोल रहे हैं, बट आई थिंक डी भैया तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। कमिंग बैक टू द वो क्वेश्चन, लाइक अगर आप देखो जहां पे अभी गॉडजिला है, अर्थ में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे उसके लिए कोई थ्रेट बनेगा और इसको पता नहीं चलेगा। लाइक इसी मूवी में दिखाया गया कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो गॉडजिला को टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसका रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का जगह बहुत अलग है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे जगह से एब्जॉर्ब करता है, उसका वो एरिया ऑलरेडी एक दूसरे रेडिएशन से भरा पड़ा है। गॉडजिला वहां जाता है, उसको हराता है और फिर वहां से एब्जॉर्ब करके अभी वो चार्जिंग होके आया है। तो बेसिकली अर्थ में तो कोई थ्रेट उसके लिए बन ही नहीं सकता, हॉलो अर्थ से आ सकता है या फिर कोई एक जादुई पोर्टल से या फिर स्पेस से, जो कि हम लोग को जितना पता है कोई डिस्ट्रॉयर करके जो है वो आ सकता है, बट यही है कि ऐसा भी सोचते हैं गॉडजिला को भेज दिया जाए फिर वो चला जाए, यू नेवर नो। यही एक हमको दिख रहा है आगे ये में, ठीक है? और क्योंकि
और जो ये वाला सीन सब है इधर का, जो गॉडजिला और कॉन्ग हो गया, ये लोग अगर आप देखो ना, तो इन लोग अब अपनी क्या बोलते हैं लोअर को ले जा रहे, बढ़ा रहे, ठीक है। जबकि वहीं अगर आप जापानीज वाले देखो, जो गॉडजिला माइनस वन हो गया, ये वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव पर एक डीप कनेक्शन के साथ वो दिखाते हैं, तो हाँ इसीलिए वो वो तो एक है। हाँ अपना, हाँ वो इसीलिए एक स्टैंड आउट कर जाता है। और ये एक अपना ये लेके जा रहा है, जो कि बहुत ये कि बना एक ही चीज रहे हैं दोनों मूवी, लेकिन दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से ये कर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको कह सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू माइनस द, हाँ अच्छा नहीं सॉरी आप नहीं बोल लीजिए उसके बाद। वो नहीं नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू, इट्स ओके। अरे नहीं, आप बोल लो उसके बाद मैं जी नहीं भैया से बोलूंगा ये कि वो अगर पहले बोले आप, तो। पहले आप मत करो, बोलो उसको। नहीं अरे इतना ही आप पूछ बोल रहा था दो मैंने, माइनस वन तो नहीं देखी होगी ना आपने अभी। ना, ना नहीं देखी, मत यार, मैं बोल इंडिया रहा हूँ में क्योंकि आने का वेट कर जापानीज रहे थे जो, भाई, हाँ ये आएगा ऑफिशियल तब थिएटर में अब देखेंगे, समझे? आया ही नहीं है हाँ थिएटर में भाई। लाइक मैं ये चीज जापानीज वाले स्पेसिस में बोलूँ कि इससे पहले जो मैंने गॉडजिला की मूवीज देखे उन बेसिस पे बोला मैंने, ठीक है, हाँ उस ओके बेसिस पे मैंने बोला, लाइक नॉट लाइक इन माइनस वन को ये कंसिडर करके। लेकिन ये हमको पता है क्योंकि जापानीज जब मूवीज बनाते हैं गॉडजिला, उनके लिए गॉडजिला एक डिफरेंट चीज है, और हमारे लिए भले ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया बस दैट्स इट, लेकिन उनके लिए वो एक डिफरेंट चीज है। लाइक सुजुमे को भी आप कंसिडर करें तो वो हम लोग के लिए बहुत ही डिफरेंट मूवीज हो जाता है, बट जब आप उसको एक जापनीज के क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हो कि उन लोगों को ऐसी क्या बोलते हैं अर्थक्वेक्स कभी भी फेस करना पड़ जाता है या फिर दूसरी सारी जो चीजें होती हैं, तो वो एक अलग लेयर ऐड कर देता है, एक अलग डेप्थ ऐड कर देता है ये इस थिएटर का, अभी ये इसी तो है। सेम कंटेक्स्ट के अंदर एक नया एनिमे आ रहा है, काइजू नंबर 8। यस यस सही हाँ बोला यस भाई। यस एक मिनट, काइजू महात्मा नंबर भाई एट तुम्हारा पहले नाम बताओ पहले। तुम मेरा नाम ना आदित्य है। क्या क्या बोले? है, आदित्य, आदित्य। ठीक है आदित्य आदित्य, भाई, ओके आदित्य, तुम्हारा जो अभी मतलब बताया काइजू नंबर 8 के बारे में सही बोले। वैसे आ कब रहा है? इसी साल आ रहा है ना? हाँ मतलब आ आगे इसी साल आ रहा आगे, है, अक्टूबर के आसपास आएगा शायद से। हाँ ओके टाइम है ओके। फिर तो, बस मतलब 30 शॉर्ट में मतलब आएगा। मैं ठीक है, काइजू नंबर एट तो का भी चाहता बहुत, था मैं बता कि रहा हूँ बहुत ज्यादा हाइप है भाई। हाइप मतलब जब चल रहा है लग हम जाएगा। चाहते हैं ना कि लाइक काईजी नंबर 8 बहुत ज्यादा हिट करे, ठीक है, ताकि हम लोग को पैसिफिक रिम जैसा कुछ देखने को मिल जाए, बस हाँ मेरे को यही पॉइंट। चाहिए भाई, काइजू वो नंबर तगड़ा था। 8 स्टार्टिंग है, मतलब 50 से 60 चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो मतलब खुद के मैं स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़कर बता सकता हूँ कि वो जे जे कैसे मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। होगा ही मजा आता है, और मतलब लाइक पता नहीं क्यों आप मॉन्स्टर्स लोग के और बड़े बड़े ये देखे ये होता है लाइक, और कहीं ना कहीं देखो हम अपना बता सकते हैं, ठीक है, कि मेरा थोड़ा ऑब्सेशन बड़े मॉन्स्टर ऐसे आयरन मैन टाइप सूट या इसमें इसलिए क्योंकि पावर रेंजर्स देख के हम बड़े हुए, जिसमें सारे रेंजर्स एक एक चीज जुड़ के बनते हैं और फिर वो मॉन्स्टर से अरे लड़ते भाई भाई, हैं। कमेंट आ रहा है कि नेक्स्ट वीक से आ रहा है काजू नंबर 8 क्या बात नेक्स्ट कर रहे वीक। हो, नेक्स्ट भाई वीक अगर ट्रेलर आ रहा आ है रहा फिर है इसको कवर थर्टीन, करेंगे, फिर आ रहा है फिर देखना, इसको देखेंगे फिर वीकली। नहीं मैंने मैंने 13 अप्रैल जो को, काजू नंबर 8 है अप्रैल को उसको ट्रेलर ट्विटर आ रहा पर भी स्ट्रीम है करेंगे। ट्रेलर। अच्छा भाई दिव्यांशु भाई कब तक आ सकते हैं? दिव्यांशु भाई के साथ थोड़ा सा सीन पता ही होगा आई थिंक तुम लोगों को, है ना? देंगे इसके ऑफ गुड न्यूज कोर्स है तो भाई एक, नहीं, गुड न्यूज़ था उसको थोड़ा लेकर मैं गलत है वो। बोलूंगा। एक बार कम्युनिटी पोस्ट देख लो और ट्विटर देख लो उनका। आई डोंट थिंक कि वो चीज़ बोलना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक इसकी कुछ सीन्स अभी हैं, काफ़ी सीरियस सीन है। सो पहले वो गुड न्यूज़ में था, बट आई थिंक इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई टाइम लाइन के हिसाब से, तो ही नीड्स टाइम, ऑब्वियस सी बात है। सो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि दुआ करो यार, अभी तुम्हारी दुआ की बहुत ज़रूरत है उनको अभी। एंड यस, ये बता ना, लाइफ है, आगे तो चलना ही है, बढ़ना ही है। आपने लास्ट वीक बोला था कि आप फ्रीरन देखकर आओगे, कुछ देखा है उसके अंदर आपने? वो विराट इस बंदे से करा पूछो, इस बंदे ने बोला सॉरी भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी मेरे को मुंह छुपाना पड़ेगा। था। अरे भाई अरे आई विल बी ऑनेस्ट ब्रदर, मैंने कोशिश किया था बट मैं, आप लोग देख सकते हो पहले मेरा ये रहता था ब्लैक, ये अभी व्हाइट है क्योंकि तो रूम शिफ्टिंग की वजह से ना थोड़ा सा ये हो गया था, इसीलिए टाइम नहीं निकल पाया, एक काम कर सकते तो हैं बेटा, बट पता है मैंने बोला है ना भाई तो हाँ तो देखो अप्रैल या तुम मई बोल से आ दो। रहा है ना, मतलब सीजन 4 डेमन स्लेयर का, राइट? तो हम लोग मेंबर्स ओनली में डेमन स्लेयर लाइव रिवॉच कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रिवॉच तो नहीं, पर हम लोग अगर चाहें तो ये कर सकते हैं कि डिस्कशन काइंड ऑफ देख के आओ,
और डिस्कशन करो उस पर मेम्बर्स से, आप काफ़ी अच्छा रहेगा वो चीज़, एंड ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट रहेगी उस चीज़ से। इतने भाई अच्छे लागो से भाई, भाई आप आप लोग लोग मीन मीन रिएक्शन स्टार्ट करो ना। रिएक्शन एनीमे के अंदर इतना कंटेंट नहीं है, क्योंकि मतलब उसके अंदर 9 से 10 चैप्टर हैं और उसको वो मतलब 10 से 12 एपिसोड के अंदर करेंगे, तो मतलब जो बाकी कैरेक्टर्स के मतलब जो नाइट नॉवेल्स है ना कंटेंट देंगे काफी सारा। लाइक कोई इनसाइट प्रोवाइड कर देते, प्लस आगे की कहानी भी बता देते, जिससे हम लोग का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो ये होता है। एंड आई हैव चेक्ड वन थिंग, काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड 13 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है, थर्टीन जो अप्रैल कि को आ रहा रेड, है, यस यस, जो रेड ROC एनिमे भाई मतलब बता कि रहे नेक्स्ट हैं। वीक से आ रहा, कंफर्म हो हाँ गया एक तरह से लेट अगर देखा जाए तो। यस यस यस, 1 मिनट, 13, आज 6 है, 12, मतलब हम लोग जब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तब भी शायद तक उसी दिन आया होगा या फिर उसके आजू बाजू अगर आगे उस पीछे। दिन आएगा तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कि वो आता ही 10 बजे रात में है। अरे वही हाँ सोलो रात में लेवलिंग वाली 11 बात हो बजे जाएगी। आएगा। हाँ भाई आप स्लाइस ऑफ लव फैन में देखते हैं क्या? देखा था भाई, फिर दिल टूट गया, बुरा एक लगने टाइम लगा पे था, देखा फिर करता मैंने था भाई, छोड़ दिया। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा करता था, 5 सेंटीमीटर पर मैं तो सेकेंड, गार्डन पुराने क्लासिक लेता ऑफ हूँ। वर्ड्स, ये सब बहुत देखा यार, वेदरिंग वीडियो, योर नेम, समझे। फिर उसका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आया है, क्या नाम था उसका जो पिछले साल आया था, वो मैंने नहीं देखा अभी तक। में हाँ सुजुमे नाम था, हाँ वो मैंने अभी तक नहीं देखा। उस टाइम पे थोड़ा सा बताया ही था बिट्टू भाई कि कुछ अलग था करके, उसी फिर कॉटअप नहीं कर पाया मैं ऐसे करके जो था वो म्यूजिक तो सुना ही होगा उसका। भाई। ऑब्वियस सी बात है, उसका तो मतलब काफ़ी फेमस है, तीनों का फेमस है भाई। वेदरिंग वीडियो भी कभी मतलब काफ़ी फेमस है, उसका वो सीन खास करके, वेदरिंग वीडियो का था या योर नेम का था भाई, वो आसमान वाला सीन, वेदरिंग वीडियो का था ना योर शायद, नेम, योर नेम, योर नेम। अब अच्छा आसमान वाला सब में है, बताओ तुम और थोड़ा स्पेसिफिक हो, जिसमें आसमान में तारा से टूटता है क्या तारा टूटता है, यस होता है? तारा टूटता है, हाँ तो तारा टूटता है, योर नेम योर है, नेम अगर का, पानी वेदरिंग वीडियो गिरता का है पानी तो वो वाला, वेदरिंग तुम्हारा। वीडियो का। यस 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 ओके यस ओके 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 यस, याद आ गया मुझे भाई। यस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ये है, लाइफ का 3 फेज है ना उसमें शायद, 3 फेज है, 3 फेज ही है शायद। हाँ हाँ 3 फेज है। जब मैंने पहली बार 5 सेंटीमीटर पर सेकंड देखी थी, मेरे दिमाग के अंदर कुछ समझ में ही नहीं सेम, मुझे लगा है कि क्या तीन अलग हुआ अलग क्या स्टोरी नहीं है, हुआ। मुझे लगा था पहले कि तीन अलग अलग स्टोरी है। जब फिर मैंने सेकंड टाइम देखी तब मेरे को मतलब स्टोरी लिंक हुई वापस से सारी की, मतलब कौन सा कैरेक्टर कौन कौन है, तब जाकर समझ में आई डेप्थ स्टोरी की कि क्या है मतलब डेप्थ स्टोरी में। यस और इसका सीन ऐसा है ना कि वो 40 मिनट में ही कंपाइल करके तुमको इतना बेस्ट दे देते हैं ना, कि बाकी तुम क्या कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ तुम देखो लाइव एक्शन में, तो वो 2 घंटा लेती है, एंड उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ये 40 मिनट पर 45 सेकंड, 45 मिनट में देता है, जिसमें इंट्रो आउट्रो डालोगे तो भाई तो 40 मिनट भी नहीं बचेगा है ना। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि टाइम भी कम लगता है, एंड क्योंकि यही वजह है कि एनिमे फैंस ज़्यादा एनिमे कैटर कर पाते हैं, क्योंकि टाइम कम कंज्यूम कम होता है और मटेरियल तुमको मिलता है भाई ओपी ओपी। भाई आप लोग दिल्ली से हो ना? दिल्ली यप, में है, दिल्ली से नहीं है, मतलब दिल्ली पे है हाँ ना, तो MOC के इवेंट पे गए क्या? एमओसी के। अच्छा, बताया था रूम शिफ्टिंग में था हम लोग, थोड़ा सा ये सीन कभी रूम वैसा भी शिफ्ट यही करो चल तो रहा पता था कहीं ना चलेगा एक कहीं, बहुत है। अच्छा मेरा भी देख लो ना, काम कर रहा हूँ साथ में देखो। अभी पॉडकास्ट को ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, वही तो है, स्टार्ट भाई कर, कभी लगा भी हुआ हूँ हैदराबाद बैठता। आए तो फोन कर लेना। अरे हैदराबाद बिल्कुल 2 महीने पहले सोया गया था, घूम कर गया है। इसको सब पता है। क्या मतलब सब पता है भाई, मुझे तो इंस्टाग्राम पर भी डाला था उसने। तो वो 2 महीने पहले की बात नहीं थी, वो 4 महीने पहले की बात है। यस, न्यू ईयर ओके में गए हाँ थे। सॉरी, अरे गेस तो भाई 4 महीने 2 महीने में अंतर क्या है, ये साल तो वैसे भी बहुत जल्दी स्पीड में जा रहा है यार, मुझे लगा था ये साल मैं जिम वूम करूंगा गेस कंटिन्यूअसली, कब 4 महीने भी पता भी नहीं चला, बताओ। 4 महीने यार, ये तो बहुत जल्दी पार हो गया, सोचे भी नहीं हमने। भाई भाई अप्रैल का छह उन्होंने तारीख है गेम और आ फास्ट रहा हो जा है, रहा है, क्या रहा है तुम्हें? सोलो लेवलिंग का गेम आ रहा है, और अभी मैंने कैलकुलेट किया 4 महीने चल गए, 12 महीने का होता है, बचा है सिर्फ 8 महीने। लाइक हम लोग 1/3 महीने साल का बिता चुके हैं। हाँ असल में जैसे कि पिछले महीने ही हम लोग न्यू ईयर मना रहे थे। यार खैर हाँ बताओ यार,
आदित्य समीर न्यू भाई तुम ईयर लोग बताओ पे तुम्हारा मुझे बोला था प्रोफेशन। आपने, न्यू हाँ ईयर न्यू ईयर पे पे बोलो आपने बोला था कि हॉरर पॉडकास्ट एपिसोड टू आएगा, 4 मंथ हो गए आएगा भाई। आएगा उसपे। अभी वो लेट इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा हाँ दिव्यांशु का भी सीन चल रहा है। और दूसरी बात हम लोग चाह रहे इस बार थोड़ा भाई सा हॉरर करें, बट द थिंग इज कि पिछले वाला फॉर्मेट में नहीं, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में करें ठीक है। उसके लिए दिव्यांशु का ठीक है होना भाई, जरूरी ओके, है, वो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया का नंबर वन उनके जर्नलिस्ट ही काम प्रेजेंस के बिना करना तो नहीं ना कर सकते, है कि नहीं। तो उसको लेकर प्लान अच्छा नहीं उनका है, होना बट वो। थिंग इज कि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हम लोग को डिले करना पड़ रहा है समझे। अभी देख लो ना, मैं और बिट्टू बैठे भाई प्रोग्रेस कर रहा है साथ साथ। भाई कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में बात करो ना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा यार, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर बोल सकते ना। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफी लिटरली 1 मंथ लगाया था हम लोगों ने यार, उसके बाद आप फिर लाया अभी था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बात करने बोल रहे हो या फिर किसी स्पेशल पॉडकास्ट में या किसी वीडियो स्पेशल में पे? ही स्पेशल पॉसिबल है बिट्टू भाई बताओ। पॉडकास्ट, वो स्पेशल पॉडकास्ट में। ओके ओके, वी कैन कंसीडर दैट, वी विल कंसीडर दैट। देखो ये दो को चीज तो अपने को करने का है, बस यही है कि हम लोग चाह रहे हैं ना कि उस वक्त 3 लोग या 4 लोग तो रहें, ठीक है। हॉरर वाले में तो दिव्यांशु भाई रहें क्योंकि उनके बिना नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी वाले के लिए भी तो हम लोग को थोड़ा सा भी सेटल डाउन करने के लिए, क्योंकि अभी जो थोड़े चेंजेस पॉपअप शो में हुए हैं उन सबको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का टाइम लगेगा, उसके बाद सब नॉर्मल कर दिया जाएगा। वी विल बी बैक विथ फुल ये। ओके हाँ भाई साल भर पहले हाँ आपने विनलैंड सागा के ऊपर बात करी थी, तो मतलब आप वैगाबॉन्ड और बजर के ऊपर ही मतलब बात कर सकते हो, या फिर मेंबर्स ओनली भी कर सकते हो उनके ऊपर, वैगाबॉन्ड और बैगाबॉन्ड बजर पे। बर्जर को लेकर टाइम चाहिए होगा सबसे का, पहली बात, एंड विनलैंड सागा का तो वैसे भी कितना इपिक रहा है, मास्टरपीस रहा है, तो सब कुछ जानता है यार। हम लोगों ने सीजन 2 को कैटर उस टाइम पे करा था शायद, 1 को हम लोगों ने नहीं करा था। 1 को हम लोगों ने फ्लैश मतलब एक क्या कहते हैं नरेशन में लेकर निकल गए थे, बिट्टू भाई प्रशांत दिव्यांशु और मैं चारों आदमी मिलके। बर्सर्क ब्रो आर के हिसाब से कर सकते हैं, मेंबर्स ओनली में डिस्कस। हाँ ये सब गुड आइडिया, बट थिंग वही है ना कि अभी हम लोग हाँ मतलब लेकिन किसी को चलना पड़ेगा, या तो क्या कहते हैं 1 पीस को अभी पकड़ के चलेंगे तो 1 पीस को पकड़ते हैं, या फिर है कि नहीं बर्जर को पकड़ते हैं। बर्सर के लंबे नहीं है आप, मतलब ठीक है कितने इतना। आर्क्स है उसमें, एक आर्क्स में कितने एपिसोड है लगभग लगभग? नहीं मतलब जैसे आप नहीं गोल्डन एज उसका देखोगे वो आइडिया तो तो तीन बढ़िया नहीं मूवीज है। कवर कर देंगी, ठीक है गोल्डन एज तो 3 मूवीज कवर कर देंगी, उसके बाद में मांगा पे स्विच करना पड़ेगा, तो ज्यादा लंबे लंबे चैप्टर नहीं है, हो जाएगा। ओके सो इसको कंसीडर करते हैं, मतलब टाइम लाइन बैठाना बस पड़ेगा पता बिट्टू लाइक भाई, एक बार बैठ के टाइम लाइन बैठाना पड़ेगा इसको हाँ आराम से, वन लाइक बाय वन करके देखिए है कि नहीं लेके चलना पड़ेगा फिर। लाइक सजेशन कंसिडरेबल, मतलब तो मटक गया बिट्टू कि भाई, हम लोग अपने कमिटमेंट पे, लाइक हम ऐसा नहीं चाहते कि अभी हम बोल दें फिर बाद में ना करें, ठीक बहुत चीज है। भूल के हाँ रखे यार ऑलरेडी। आपका जो भाई सजेशन है भाई, आपके लिए एक सजेशन है, इजी मटेरियल मीम रिएक्शन कर दो। यार मीम रिएक्शन करना देखो पता बहुत इजी चीज है, मानोगे बहुत इजी चीज है ठीक है। द थिंग इज कि उसमें थोड़ा सा कोपर कर ज़्यादा खतरा आता है सर बताऊँ तो ठीक है, क्योंकि उसमें म्यूजिक है, रिकॉर्ड वीडियोस दूसरे के होते हैं, है कि नहीं। नहीं, मेंबर्स ओनली पे कॉपीराइट आता है। मेंबर्स ओनली, मैं अभी मेंबर्स उतना एक्टिव भी कहाँ है, क्योंकि हम लोग भी उतना एक्टिव कहाँ है नहीं हाँ मेंबर से याद दोस्त। है कि क्या और भी कोई मेंबर है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट टू नहीं लेट यू नहीं नो वो गाइस कि मॉडरेटर अगर हमारा वहाँ आप, पे वेट कर रहा है, जैसे कोई आता है तो वो ड्रैग कर देगा, एक सीट है वहाँ पे अभी। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी कोई ज्वाइन कर रहा है या ऐसे, तो उनके लिए अगर आप मेंबर हो तो आप आ सकते हो, ठीक है। आज हम लोगों ने एंड में रखा है ये चीज टू कंपेंसेट एनिमे सेगमेंट लिटिल लिए नहीं तो क्या कहते हैं, एनिमे उन पर ऐसे बात कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। एक गिव मी 1 मिनट बिट्टू भाई, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। समर भाई उधर भाई का तो साउथ हमको में तो पता, फर्स्ट डे फर्स्ट शो को तो हाँ बहुत सेलिब्रेट करते हैं, उधर करते क्या उधर? नहीं भाई नहीं, इधर नहीं होता, इधर वो चीज नहीं होता भाई, इधर मैं हमारे मिस यहाँ करता वो चीज को। इधर यहाँ तो हर पहले दिन बिफोर नाइट से स्टार्ट हो जाता है पूरा फेस्टिवल। नहीं, मैं जब उधर में था तब मेरे को याद है, जब उस वक्त बाहुबली निकली थी, ठीक है, तो एक भी ऐसा थिएटर नहीं, हर जगह तमिल तेलुगु लगा हुआ था, कोई इंग्लिश शो नहीं ना ही क्या बोलते हिंदी, कोई भी मूवी का नहीं था। मेरे को उस वक्त नहीं आता था कुछ भी, और वहां पे सबटाइटल्स भी नहीं लगेगा, वहां के नेटिव लैंग्वेज कैसे होगा,
अब अपने को सिर्फ एक दिन मिलता था हॉस्टल से बाहर जाके एंजॉय करने का, और उस दिन मूवी देखना फिक्स है, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, ये मूवी देखने चले गए, तो एक बंदा था जिसको आता था उसको पकड़ के रखा हम लोगों ने, बोले जो चल रहा है बताते जा रहा है ट्रांसलेशन, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, लेकिन विजुअली इतना देख के मजा आ गया था, ये रहा ना तो मजा आ गया था उस चीज को देख के। इस तरह में हम मुझे तो और एक माहौल शायद अच्छा देखना। लगता है उन लोगों का माहौल। हाँ लाइक ये मेरे को सबसे ज्यादा हिट किया था पता है कब, RRR में। लाइक यहाँ के थिएटर में कैसा था मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मूवी देख रहे लाइक कुछ कुछ सीन थे ना जहाँ पे चीयर करो और ये, तो चीयर वो हूटिंग हो जा रहा थोड़ा बहुत ठीक है, बट आप जाते में डांस नहीं कर सकते हो। बट उस वाले में ना मतलब साउथ वाले विशाखापट्टनम वाले में जिन जिन थिएटर्स में जाता था, लिटरली आप उतर के डांस करो वहां पे, कोई ये ना जजमेंट ना कोई, उल्टा लोग आके आप पे आपको ज्वाइन करेंगे, आप वहां पे मस्त इंजॉय कर सकते हो राइट। ऐसा ये वो भाई एनवायरनमेंट मिस पटाखे फोड़ते हैं करते उधर अंदर, पटाखे फोड़ते, कैंप फायर लगा देते, किसी पिक्चर हैं। को आदि पुरुष को तो स्क्रीन ही जला दिए थे। पिक्चर अच्छा ना लगा भाई। अरे ओ भाई ये भी हार्ड था। अगर समर भाई का पिक्चर तो अच्छी होती फेवरेट तो बहुत अच्छा एनिमे, होता। हाँ ये अग्रीड अग्रीड अलुकार्ड भाई एकदम। हाँ वो लोग पिक्चर छोड़ो, सबसे पहले तो मूवी आने से पहले एक्टर्स के ही बहुत ज्यादा वो लोग बहुत मानते हैं, हर एक एक्टर का बहुत फैन फॉलोइंग एक्सेस आई वुड से बहुत ज्यादा, लाइक उधर वो दिखता है गॉड जैसे उनका एकदम ट्रीटमेंट होता है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि इतना तो मेरे को श्योर है कि समर भाई वन पीस को अपने बेस्ट एनिमे में टॉप में रखते होंगे राइट। भाई मेरे बिल्कुल को पता है बिल्कुल ऐसा वन पीस का एक बंदा नहीं मिला मेरे को जो बोल दे भाई। कि वन पीस नहीं, पहले नहीं। मुझसे लगभग पूछो, मैं नहीं रखूंगा जो टॉप बन में। मैं रखूंगा भाई ब्रदरहुड, मैं ब्रदरहुड टॉप में रखूंगा भाई। फुल मेटल अल्केमिस्ट इसलिए मैं ब्रदरहुड। तुझे पूछूंगा ही नहीं, मैं तुझे पूछूंगा ही नहीं चल। मतलब वो मेरे ऐसे डील में आता है ना जिसको मैं देख सकता हूँ, मजे कर सकता हूँ कभी भी कुछ भी करते हुए। हाँ ये नहीं है कि मेरे को वो पूरा फोकस से देखना है, अगर मैं 2-3 मिनट इधर भी हूं उसको मैं देख रहा हूं तो बस मतलब मजा आ रहा है उसको पॉइंट देखने है, में, पॉइंट है। ऐसी चीज है। और समर भाई एक और बाकी बात ना भाई। जैसे जैसे हाँ नारूटो भी मैंने पूरा देखा है, तो नारूटो में भी अगर तुम कई बार इधर उधर हो जाते हो ना कुछ डिटेलिंग मिस हो जाती है, पर वन हाँ पीस तुम्हें एक इतनी डिटेलिंग दे देता है ना कि तुमसे कुछ मिस नहीं होता। भाई, एक हॉरर एनिमे रिकमेंड करना चाहता हूँ, शीकी, ये ट्वेंटी आंख सिक्स वाला है ऑक्टोबर्स। क्या? इसमें थोड़ा आंख को बहुत ही क्रीपी वे में दिखाया गया, जस्ट आस्किंग इफ आई एम नॉट। हाँ पूरा पतले रहते, सर बड़ा, बॉडी, लेग्स पूरे पतले रहते सबके, हाँ थोड़ा स्पेगेटी टाइप का। बाय द वे पर अलुकार्ड बहुत भाई अच्छा है। आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? आप किस एनिमे को अपने ये में टॉप में रखते हो? जीटीओ, GTO फुल फॉर्म ग्रेट इनर, यही। ग्रेट इनर ओनिजुका। ओके 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 उसको फिर से ये किया जा रहा है ना री मतलब एनिमेट, या फिर उसको नहीं, रुक गया अपस्किल रुक गया वो भी। बोला ड्रॉप हो गया। ओके आदित्य भाई आपका आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? मेरा फेवरेट है एनिमे नारुतो है, ओके दत्ते भाई उजुमाकी नारुतो इतना नारुतो अच्छा है, है। बोरुतो इतना नारुतो घटिया है। भाई नारुतो देखा आप नारुतो दोनों से किसी ने? का सबसे मैंने बड़ा देखा फैन बट तू हुआ, यहाँ पे अभी, मतलब ही इज फुल नारुतो देखा भाई। है पूरा देखा, भाई नारुतो भी बोरुतो देखे मांगा हैं पढ़ो इसको हटा के, अब भाई, बोरुटो उनसे इसको बहुत अच्छा फिलर्स अब हटा चल रहा है के। नहीं मांगा। हाँ भाई यार भाई मांगा बहुत अच्छी है बोरुटो की, पर मांगा टॉप एनीमे की नॉच वजह है, से जे जे के भी सारे अच्छा है फिलर्स हैं खराब कर दिया, मतलब एनीमे ने। भाई। एक चीज जो शायद मैं, क्योंकि मैं देखा नहीं हूं तो मुझे बताना तुम लोग, नारुतो का कहा जाता है कि भाई ये स्टार्ट हुआ एक निंजा वॉरियर को लेकर, और एंड जो है मतलब किसी और लेवल पर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो निंजापन वो खत्म ही हो गया पूरा पूरा। इसको लेकर क्या है, एग्री डिसएग्री? मतलब अब निंजा को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और मतलब अब मोस्टली पावर ओत्सुत्सुकी लेवल पर पहुंची है। तो मतलब अब मतलब आप अगर मादारा को बोरुटो के अंदर ले आओगे तो वो भी अब बच्चा रहेगा, बोरुटो के अंदर पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है। भी रोबोट्स भी है बोरुटो में तो। भाई क्या बोलना पसंद करोगे इसमें? इस पे यही बोलेंगे कि अभी यही होता जब, है मतलब। हेलो भाई, मतलब अभी जब बोरुटो वापस आया था तो वो एक स्पेशल टाइप का रशिंगन यूज यूज कर रहा था, जिसके अंदर वो पूरे अर्थ की
रोटेशन घुमा पावर रहा को उसके रशिंगन के अंदर यूज करके कोड पर मारा, और फिर मतलब वो पावर इतनी खतरनाक है कि मतलब जब तक बोरुटो ना चाहे वो पावर अनलिमिटेड टाइम के लिए कोड पर रहती, पर मतलब पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे तो बोरुटो ने पावर हटा दी, पर मतलब अभी पावर लेवल इस स्केलिंग पर पहुंच चुका है कि मतलब ओत्सुसुकी के नीचे का कोई बंदा टिक ही नहीं सकता बोरुटो यूनिवर्स में अभी। भाई। और एक बात, हिमावारी के अंदर कुरामा है, अभी जो अभी नए लेटेस्ट चैप्टर में दिखा है। टेल से जो वो मतलब हिमावारी के अंदर बोला है कि नाइन टेल का जंचरी की है। देखो इसीलिए बोरूटो नहीं देख रहे, तो इसीलिए भाई ठीक मुझे है। यहाँ भाई पे मैंगा ऑर्डर करना पड़ेगा, चलेगा? मैं बंदा जिसने नारुतो देखा, ये कैसे क्या हो गया, कैसे हुआ? अरे क्या भाई बोले अक्षर? बोरुटो के टू ब्लू वोर्टेक्स का पढ़ो, बस 9 ही चैप्टर आए हैं, एक दिन में खत्म करेंगे, बहुत अच्छा है, देख लो एक बार। अच्छा मैं यहाँ नाइन पे ये चैप्टर्स बोल यार। रहा था। हाँ नहीं, मैं यहाँ पे यही बोलूंगा भाई, देखो अगर किसी का कहानी प्रोग्रेशन होता है ना, तो ऑब्वियसली जो हम लोग ने जहाँ पे अगर पावर लेवल इस लेवल पे, तो फिर आगे वो राइज करता ही है। तो बुरूटो में वो होना तय था, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा ना, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक हो गया, जिस वजह से शायद लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। एंड इसीलिए मैं नहीं देखने जा रहा बुरूटो, क्योंकि देखो मेरे पास ना एक है नरूटो का एक अच्छा इमेज बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नरूटो में फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज मैं भी गिनवा दूं बहुत सारे, बट क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगता है। और मेरे को मतलब होता है ना कि कोई आप एनिमे ऐसे टाइम पे देख लेते हो जो आपको लगता है कि लाइक ज्यादा कनेक्ट कर जाते हो, तो नरूटो में उस फेज में देखा, तो मेरे को इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है। अब मैं बरूटो देख के ना नरूटो की रिस्पेक्ट ये कम नहीं करना चाहता। वो अभी जहाँ है उसको रहने दो, जब बरूटो सही में बहुत ज्यादा अच्छा ये हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली इसको देखूंगा, फिर उसका कभी ना कभी तो एंड होगा, तब देखा जाएगा। और क्या और मतलब एक जो बात, आप ड्रैगन बॉल जी का नरूटो फ्यूचर क्या है? के अंदर फ्लॉस की बात कर रहे हो ना, जब हम लोग जब पहली पहली बार नारुतो देखा था तो हमने एक एज अ व्यूअर की नजर से देखा था, एज अ क्रिटिक की नजर से नहीं देखा था, पर जब हमने नारुतो को क्रिटिक की नजर से देखना स्टार्ट कर दिया तो हमको उसके अंदर फ्लॉज लगने लगे, पर जब हमने उसको पहली बार सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा था, एंजॉयमेंट के पर्पज से देखा था, तब वो बहुत शानदार था। बिल्कुल तो बिल्कुल, नरूटो आप का ना किसी भी चीज के अंदर क्रिटिक ऐसा कर लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक निकलती ही हैं। नरूटो का ना जैसे स्टार्टिंग में आईपी था हार्ड वर्क, और आगे चल के ना वो खत्म हो गया एक तरह से। हर चीज ये पावर, जो भी पावर है एक तरह से मिल रही है और वो चल रही है स्टार्टिंग में, जैसे नरूटो के लिए था। नहीं वही बोला ना, चोजन वन वाला कुछ ज्यादा ही हो गया था, लाइक चाइल्ड प्रोफेसी कि भाई तू चोजन वन है तो तुमको अगर ये अच्छा इससे लड़ने के लिए ये पावर चाहिए तो तुमको मिल जाएगा। ये 1000 जुत्सु तो बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास चक्र रिजर्व ज्यादा है। वो खत्म हो गया तो फिर आ गया तुम्हारा क्या नाम है इसका, नाइन टेल फॉक्स वाला, उसका चक्र रिजर्व आ गया। ऐसे ही सब एक एक करके ये चलते जाता है। और फिर लास्ट के अंदर सेज ऑफ सिक्स पार्ट ने खुद की पावर ही दे दी दोनों को। हाँ ले, हाँ वही वॉर आर्क में तो मतलब कुछ भी मिले जा रहा है, जो हाथ फैलाओ और बस पावर हाजिर है। मतलब भले ही कुछ भी मिल रहा हो भाई पर ड्रैगन बॉल जी का क्या वो फ्यूचर है पावर टोरियामा के देखने बाद? में मजा आया था ना, मतलब वो पावर अब जब चलता आया धड़ाधड़ पावर लेवल चल रहा है, मजा आता है पर बहुत देखने भाई में। मजा तो पूरा, मतलब जैसे मदारा की एंट्री होती है ना और सबके मुंह खुले हुए हैं, वो मोमेंट तो बस भूल नहीं सकता बंदा, भौकाली जिसने पूरा नारुतो देखा होगा वो नहीं भूल सकता। के और मामले में बहुत तगड़ा था वो। अभी वन पीस के अंदर भी बन रहे हैं जहाँ लुफी 5 गोरोसे के सामने खड़ा है, मांगा के अंदर चल रहा है अभी है। ओके, मैंने मैंने एनिमे देखा है आपको अच्छा एनीमे मांगा देखा है, सॉरी स्पॉइल नहीं। करने के लिए, पर मतलब लूफी अरे भाई भाई इतना यूज्ड टू हो गया ना भाई वन पीस के क्या कहते हैं स्पॉइलर से, कि अभी एक घंटे में क्या चल रहा है मुझे पता है, जब जब तक वो सीन आता है ना ब्रो, बंदा भूल जाता है कि किसी ने भूल बोला था जाता। सही उसको बात बस। है, सही बात, बिल्कुल सही बात। अभी देश में क्या क्या होने वाला था पहले
पहले से पता था भाई कि ये लड़ाई होगी, क्या कहते हैं डोफ्लामिंगो का ये पास दिखाया जाएगा ऐसा ऐसा कुछ करके। बट थिंग इज कि अभी जो देख रहा हूँ मैं भूल चुका हूँ कि भाई मुझे क्या पता था करके, है कि नहीं। अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ शांति से, मजा आ रहा है भाई। भाई एक क्वेश्चन है जी, कुछ भी ड्रैगन बॉल का फ्यूचर क्या है टोरियामा के बाद? ये तो हम लोग भी नहीं जानते, बट एक बेसिक ट्रूप और एक बेसिक ये तो रहा है जिसको आई थिंक वो लोग फॉलो करेंगे, या तो एंड एक प्रॉपर एंडिंग के साथ खत्म कर देंगे वो। लेकिन देखो अब यहाँ पे दो बातें आ जाती है, एक ये या तो वो उस कैरेक्टर और उस ये को रिस्पेक्ट करके एंड कर दे, या फिर यहाँ पर वो आ जाए कि हमको पैसा छापना है, मर्च बेचना है, तो भैया इसको कंटिन्यू करना है किसी तरह, बस अच्छे से करना है, ये वाली बात आ जाती है। देखो क्या करते हैं वो लोग। ड्रैगन बॉल का फ्यूचर बताऊं तो ड्रैगन बॉल कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि मतलब जो अकीरा टोरियामा के साथ के जो को वर्कर्स थे वो मतलब ड्रैगन बॉल को कंटिन्यू रखेंगे, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। हाँ वो तो कंटिन्यू है, वो तो कंटिन्यू, उसकी तक मूवी भी अनाउंसमेंट हुई है ना अभी। टोयोटारो पे है सब, अभय भाई कह रहे हैं आई थिंक वो कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, किसको आइडिया है इसके बारे में? बॉल जी का मांगा तो अभी भी बहुत अच्छा है, अभी गोहन नंबर वन हीरो है अभी उधर तो। जो उनकी टोयोटारो जो उसके मांगा आर्टिस्ट है ना वही ये करेंगे भाई देखो हाँ, जो लिंगेश के बस लिगेसी को सही से कैरी आउट करे तो काफी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रैगन बॉल का फ्यूचर देखो वैसे देखा जाए तो उसे ज्यादा फ्यूचर लंबा खींचे ना भी तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब एक इंड दे दे एक प्रॉपर वन पीस खत्म होगा। वन पीस का किसी ने ऐसा है ना कि वो एक स्टोरी चल रहा है कि नहीं कंटिन्यूएशन में, इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग देखने के लिए। वो 10-15 साल और लग जाएंगे, 10-15 साल और लग जाएंगे, अभी बहुत कुछ लेना बाकी है अभी। अभी जब खत्म होगा ना क्योंकि देख पता है मैं भी देख रहा हूँ बिट्टू भाई, देखो रॉब लूची की लड़ाई 18 साल पहले हुई थी और रीमैच अभी हुआ है, ठीक है। सोचो कि कौन सा आर्ट था वो एनिस लॉबी, एनिस लॉबी से एक हेड में आने में इसको 18 साल लगे। तुमको लग रहा है कि यहाँ से वन पीस ढूंढने में इसको मतलब 1-2 साल 5 साल में हो जाएगा? नहीं जी, 10-15 साल और लगेंगे इसको अभी, समझे। इनका इनका वजह भी है ना, वजह इनका ये कि इन लोगों को वीक में एक ही लाना है मांगा, है कि नेक ही इशू लाना है, और उसका साइज भी वो छोटा होता है तो वो कहीं ना कहीं वो एक बैरियर बन जाती है कहीं ना कहीं। हालांकि पैसे भी छाप रहे अच्छे खासे, तो क्यों नहीं छापेंगे भाई। अशरफ भाई अभी तक कौन सा बेस्ट मोमेंट लगता है वन पीस में? अभी तक जो एक मिनट अभी तक अगर बोलोगे ना बेस्ट मोमेंट किस वे में, स्टोरी के वे में बोल रहे हैं फिर एक्शन के वे में? एक्शन के वे में, एक्शन के वे में बोलूँगा भाई लूफी का एंट्री वहाँ पर जहाँ पे वो चलकर आ रहा होता है फिशमैन में, और जैसे ही मतलब बोलता है ना कि भाई इसको मारो, और दोनों साइड से भाई सांजी और जोरो कूदता है याद होगा तो वहाँ पे दिखाता है कि लूफी को अपने टीम मेंबर पर कितना भरोसा है, राइट। वो ज़्यादा मतलब फेमस सीन नहीं मेरे ख्याल से, होगा भी तो इतना नॉट बेटर देन एनी अदर सीन, बट वो चीज़ दिखाता है लूफी का ट्रस्ट अपने टीम पर, वो बंदा का वहाँ पे एटीट्यूड भाई मैं यहाँ पे मुझे मतलब तू इतना बड़ा नहीं हो गया कि मुझे अपना हाथ उठाना पड़े, मेरा टीम मेंबर काफ़ी है। और उन लोग का जो कुत्ता है बीच में दोनों साइड से भाई क्या बवाल सीन होता है भाई, कि नहीं कि दोनों साइड से सांझिया जोरो कुत्ता है उसको बचाने के लिए। वहाँ पे फिशमैन आइलैंड वो पता है वो आर्क देखा है जब वो बोलते हैं कितने 50,000 बंदे आ रहे हैं, और लूफी एक बार कॉन्करर्स आगे यूज करता है एक बार 25,000 एक बार में खत्म भाई, एक बार में ये लोग भी लाइक मतलब हुआ क्या यहाँ पे। अरे भाई ये एक सवाल पूछे हैं फैंटम भाई ने कि ब्लैकबर्ड ब्लैक बियर्ड का प्लान क्या है? आई ऑलरेडी नो ही विल स्टील व्हाइट बियर्ड पावर। अभी ब्लैक बियर्ड के टीम देखे उसका प्लान करा है रिवील द वर्ल्ड, दुनिया पर राज करना है उसे, मांगा के अंदर कर दिया है कि उसको दुनिया पर राज करना है। वो टिपिकल मिलन वाला ये मेरे को मैं पापा दुनिया के पापा। बता अभी जो चीज चल रहा है कि सबसे बड़ा गलती जो है दोनों साइड से, रोजर के साइड से भी एंड व्हाइट बियर्ड के साइड से भी, दोनों ने गलत गलत एक ने गलत बंदे को अडॉप्ट कर लिया और एक ने गलत बंदे को अडॉप्ट नहीं किया है ना, कि अगर इसको अडॉप्ट नहीं किया होता ब्लैक बियर्ड को तो इतना सीक्वेंस नहीं होता।
और दूसरी साइड अगर रॉजर इसको अडॉप्ट कर लेता अकाइनू को, तो अकाइनू इतना खूंखार बंदा नहीं बनता कहीं ना कहीं। क्या बोलते हो? मतलब जब मांगा के अंदर ब्लैक बीड कमांडर्स ने कहा था द वर्ल्ड, तब मेरे को केजीएफ का डायलॉग याद आया था, क्या दुनिया। मतलब उस लेवल की फील नहीं, पर लगभग वैसी ही फील आई थी मांगा पढ़ते समय। लगता है ओडा जो है केजीएफ का फैन है। जब भी नहीं, जब भी ना लूफी कॉन्करर्स आके यूज करता है उस नहीं, ये लोग कौन सा क्या कहते हैं मेरे प्रोफाइल पे है भी इंस्टाग्राम पे, वो तो मैंने डाला था, काफी अच्छा। मतलब लाइव में देखने बाद घुसबुम पार देना भाई साहब, गजब का यार। रामा भाई अभी एनाकोंडा पे नहीं बनते, अभी शार्क्स पे बन रहे, आया था तो हम एक टू उतना चला नहीं, इसीलिए शायद नहीं बनते अब उस तरह के कि बड़े जानवरों का अगर यहाँ पे अटैक हो या कुछ हो तो ठीक है, वो वाली बात आ जाती। बिट्टू भाई इरर ले रहा है लाइव में। ओके लाइव में इरर ले रहा है। एक काम रुको, मैं जब तक देखता हूँ तुम कंटिन्यू करो एंड बाकी सब से देखता हूँ मैं। रुको बिट्टू भाई, आरसीबी के साथ बुरा हो गया। पता बोलो भाई, मैं देख चुका इधर से कोहली ने मारा तो उधर से बटलर ने कर दिया, फिर मैं बॉलर चेक किया, इसके पास बॉलर ही नहीं, आरसीबी के पास ढंग का एक बॉलर नहीं रखा है। नहीं, वो फर्स्ट ओवर बहुत अच्छा था उसका टॉफली। अरे तो भाई एक बॉलर थोड़ी मैच जितवा सकता है, लेकिन हाँ हर बार चल सकता है। ये क्या नाम है, सीएसके में भी मुस्तफर गया, पता नहीं पिछला मैच में एक ओवर खाली दिया था उसको, एक बॉलर मुकेश ने क्या नाम था उसको पिटा दिया और उसी से सारा प्रेशर चल गया भाई। क्या गंदा धोया था यार, हम देखिए पता है एक इनको चीज नहीं मिल रहा है का, मतलब लिटरली बेंच में हम देखें कि कौन ऐसा बॉलिंग कर सकता है या किसको ये कर सकता है। टॉम करन को कंसीडर किया जा सकता है, बट उसको भी धोया जा सकता है टू बी ऑनेस्ट, वो ऐसा है धोया तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं बॉलर इतना वीक कैसे सेक्शन रख दिया ये लोग। एंड अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट बाकी सब ने ठीक ठाक बॉलिंग किया, लेकिन दो बॉलर ने जो एक्स्ट्रा जितने दे दिए ना, सारे प्रेशर रिलीव करवा दिए। हार गई यार, बुरा लग रहा है। एक तो भाई आई थिंक वी हैव टू स्टॉप द स्ट्रीम, कई मैच खेल लो, उनको लास्ट में हारना ही है, फाइनल तक पहुंच पाएंगे नहीं, और पहुंच गए तो जीतना नहीं है, तो वो तो फिक्स करके ही बैठे हैं खुद का। क्या हुआ अशरफ, इन इशू को थोड़ा सा इशू हो रहा है, एक तो इधर भाग रहा है इसका फ्रेम, दूसरी बात की इंग्लिश भी कर रहा है, बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है। वैसे भी टाइम हो ही चुका है आई थिंक, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो रहा है, 11:30 हो रहा है, कोई ना नाइट कन्वर्सेशन अपन नेक्स्ट वीक करते हैं सेम चीज़ कंटिन्यू, पता है भाई मज़ा आ रहा है भाई हमको तो, ठीक है ऑडियंस इंटरेक्शन से तो मजा ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और हम लोग एनीमे बात नहीं करने वाले थे, वीडियो लोग कर लिया बात करके ना, कोई मतलब ऐसे बंदा रियल लाइफ में तो मिलता नहीं, ऐसे मजा आया आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं भाई बैठ के मेंबर्स वाला करते हैं जल्दी से इस पे, एंड उस पे बैठ के जितने भी मतलब कोई एनीमे पकड़ो इसको लेकर, अगर देखना है तो देखते हैं बैठ के, या फिर अगर उस पे बात करना है तो बात करते हैं बैठ के, अगर बात करना तो पहले डिसाइड कर लेंगे हम लोग है कि नहीं, क्या देखकर बात आप करना है। सीएन पक्का देख रहा है। हेलो, कमेंट कर रहा है, आज का पूरा अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर, दैट वाज द इंटेंशन ना ब्रो, पूरा अच्छा करना, दैट वाज द होल प्लान, होल प्लान। हेलो बिट्टू भाई। हां भाई, फ्री रेन देखकर आओगे नेक्स्ट वीक? पक्का भाई पक्का, मैं पक्का फ्री रेन देख लूंगा, मैं पूरा वेडनेसडे का डे ही को मैं मतलब एकदम
मार्क कर दे रहा हूँ उस दिन वो एनिमे कंप्लीट कर दूंगा। आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा है कि एक दिन में खत्म ना हो। 28 एपिसोड ही हैं। क्या 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 कौन क्या वो देखने को बोल रहे हो भाई? फ्रीरन। हाँ फ्रीरन। ओके ओके ओके। चलो बेटा भाई काउंटर देते अच्छा सा। बेटू भाई। हाँ भाई। मैंने ना आपको अभी एक पिक्चर भेजी है इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर लोगे? एक बंदा है मुझे जानता, बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। अरे भाई। अरे वो कैंग की बात तो नहीं कर रहे हो? कैंग की बात तो नहीं कर रहे हो ना? किसकी? कैंग कैंग। नहीं नहीं कैंग की नहीं कर रहा है। लाइक मेरा विजुअल है या हट गया? एक बार देखना। तुम्हारा विजुअल हट चुका है बिट्टू भाई, मतलब अभी हम सबके सब ऑडियो में ओ भाई भाई भाई, तब तो सब कुछ दिख गया होगा। मेरा प्रोफाइल पिक्चर क्या है यहाँ? नहीं 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 नहीं, प्रोफाइल पिक्चर तुम्हारा दिख रहा है वैसे भी, ये वाला है ना, कैप्टन वाला है प्रोफाइल पिक्चर तुम्हारा, मेरे को पता है। अच्छा किस नाम से है भाई, समर भाई आपका? क्या मैंने आपको पहले रिप्लाई किया हुआ है क्या? नहीं भाई, किवाची एनीमे भाई, आपको जा नहीं रहा पिक्चर को, शायद उसके लिए वो करना पड़े। नहीं हिडन में दिख रहा, नहीं ये में दिख रहा है। अगर ऐसे में अगर नहीं जाए ना तो आप मेरे किसी पोस्ट पे। मैंने नहीं, वो पोस्ट पे भेजने वाला नहीं है बिट्टू भाई। वो नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर ऐसा होता है तो इशू होता है तो आप एक काम करना, मेरे रिसेंट पोस्ट जो लास्ट पोस्ट है उसमें कमेंट कर देना कि चेक डीएम या फिर ऐसे करके हाई समर दिस साइड ऐसे करके, तो भाई मैं वहां से आपको मैसेज कर दूंगा, तो तब तो आई थिंक हो जाएगा। इधर से अगर मैं मैसेज कर दूंगा फिर आपको। गुड आइडिया गुड आइडिया। हां जी मैं कमेंट कर देता हूं आपके रिसेंट पिक्चर पे। बट मैं आउटर दे दो क्योंकि मुझे यहां पे एडमिट करना, बाबर ये इधर ले रहा है। सीरियन है वो, एक बहुत डिफरेंट टाइप का एनीमे है, तो मतलब आपके पास पहले जितने भी एनीमे की नॉलेज है उसको निकाल कर जाना, और मतलब पहले से कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेकर मत जाना कि मतलब ये इस टाइप का होगा उस टाइप का होगा, क्योंकि फिर मतलब उससे डिसअपॉइंटमेंट बढ़ सकती है। आप एक न्यू टाइप के एनीमे की तरह उसको देखो ये ना, तो फिर तब आपको ज्यादा पसंद आएगा। मैं वैसे ही देखता हूँ टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी रहता है ना मैं उसको उसी के हिसाब से समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसकी ब्यूटी उसी में हिडन रहती है, राइट। लेकिन जैसे अगर आप जापान के जो मूवीज होते हैं अगर आप ऐसे देखते हो ना तो आपको अच्छी लगती होगी सारी एनिमेशन, जब लेकिन आप जब उसके कॉन्टेक्स्ट को ऐड करोगे कि उसको इसका दिखाने का पीछे का रीजनिंग क्या था, तब आपको वो और बेहतरीन लगने लगती है। यू आप उससे और भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हो। मेरा फंडा वैसे ही चलता है, ठीक है, इसीलिए मुझे इसीलिए मेरा थोड़ा सा ये रहता है, देखिए अगर मैं अभी बोल दूं तो शायद विवाद हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलता हूं, ठीक है। मेरा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टाइप का ओपिनियन है, कई कई जगह बोल चुका हूं बट अभी नहीं बोलता हूं। आज सब खुशी खुशी अच्छा अच्छा जा रहा है तो इसी में एंड करते, ठीक है। फिर कभी ऐसा होगा या फिर याद दिलाइएगा तो बता दूंगा कौन सा ये है, लेकिन आज आज रहने देते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोग आए तो आप लोग को यहाँ अच्छा लगा होगा, एंड जितने भी लोग हमारे चैट्स में थे आप लोग भी मेंबर्स लेकिन नेक्स्ट वीक से तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो उसके लिए, है कि नहीं? यस यस। अब है भाई आप देख लो, आप इतने एक्टिव थे आप भी ज्वाइन कर सकते थे ब्रो, मेरे को तो लगा था आप आओगे। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप आपको आज के हमारे एपिसोड में अच्छा लगा हो, मजा आया हो, और यही मजा आप अगले वीक भी चाहते होंगे, इसलिए नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे मतलब कि 8 से 9 बजे के बीच में वो एग्जैक्ट 8 नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरी कायनात एक हो जाती है रुकने के लिए, ठीक है, बट वी विल ट्राई कि 8 बजे तक हम लोग डेफिनेटली अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, एंड तब तक मैं फिर एंड भी कंप्लीट कर लूं और बाकी सारे कंटेंट भी कंज्यूम करूं ताकि हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सायोनारा सायोनारा एवरीबॉडी।